सो हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। सो गाइस, आज का टास्क फेयर या अनफेयर। जो लोग नारे लगाते थे कि भाई अनफेयर कर रहे हो, अनफेयर कर रहे हो, अनफेयर कर रहे हो, हमारे साथ आज वो लोग भी हमें जो है वो अनफेयर करते हुए है ना। तो फिर यहाँ पर जस्टिस नहीं होता कि यार एक तरफ आप बोलते हो कि हम बहुत फेयर खेलते हैं, हम बहुत फेयर खेलते हैं, हमारे साथ अनफेयर होता है, हमारे साथ अनफेयर होता है। ठीक है, वो लोग अनफेयर है, लेकिन फिर आप भी अनफेयर हो जाओ तो फिर आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया है ना। और अब आप कभी ये बोल भी नहीं सकते कि हम जो है बहुत फेयर गेम खेलते हैं, हम बहुत फेयर है। वहीं पर आप लोगों को बता दूं कि श्रीजिता दे और विकास मानकरा, इन दोनों की वाइकार्ड की इंफॉर्मेशन जैसे कि आप लोगों को दे ही दी गई थी, तो इन दोनों की वाइकार्ड एंट्री जो है वो घर के अंदर हो चुकी है। और कल के एपिसोड में हमें जो है श्रीजिता दे और विकास मानकतला, ये दोनों जो है घर में एंटर करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं पर घर में एंट्री करते के साथ श्रीजिता जो वाट लगाने वाली है टीना दत्ता की, भाई वो देखने में आपको कल जो है वो जबरदस्त मजा आने वाला है। बाकी पैनलिस्ट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। लिंक लिंक विशाल जी मैंने पिन किया हुआ है, आप देखिए लिंक मैंने पिन किया हुआ है और एक पोल भी डाला हुआ है। तो यार मुझे देखना है लोगों का क्या नजरिया है कि अंकित गुप्ता जो थे वो आज फेयर संचालक थे या फिर अनफेयर संचालक थे। लेकिन कहीं ना उस जो भी अंकित गुप्ता वहां पर संचालन कर रहा था ना, मुझे एक बहुत बड़ा प्रेशर लग रहा था उस बंदे के माइंड पर, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो प्रियंका के दबाव में सारे डिसीजन ले रहा था। सीरियसली, कि अगर मैंने फेयर डिसीजन ले लिया तो भाई ये मेरी वाट लगाने वाली होती है। वो होते ना टेंशन, वो लकीर है, वो मुझे उसके कहीं ना कहीं हेड पे दिखाई दे रही थी, फोरहेड पे, कि बंदा बड़ा टेंशन में है भाई पूरी तरीके से। रियल शिव कह रहे हैं कि प्रियंका चौधरी अब शालिन के पीछे जाती है ताकि वो उसका उसको अपना बना सके। अंकित उससे तो शादी करेगा नहीं, इसलिए शालिन तो, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, शालिन प्रियंका के पीछे पीछे जाते हैं। मैंने प्रियंका को शालिन के पीछे पीछे जाते हुए नहीं देखा, हाँ लेकिन मैंने शालिन को प्रियंका के पीछे पीछे जाते हुए जरूर देखा है। अब ऐसा नहीं है गेम खेले तो मतलब कुछ भी बोल दोगे यार किसी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक जी अपना कैम ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ युवा जी बोल रहे कि प्रियंका अब हो गई है इरिटेटिंग, अब उसका गेम खत्म हो गया है, उसके मुद्दे भी खत्म हो गए। ये मुद्दा ही क्या है इन लोगों का, बस फेयर अनफेयर, मैं महान, मैं ये, मैं परेशान। आज मुझे अर्चना गौतम अच्छी लगी यार, सीरियसली सही बात बताऊ ना, तीनों राउंड जीती थी वो वाली टीम जो है वो तीनों राउंड जीती थी। ये मतलब अलग ही गाना गा रखा था इन्होंने, बल का प्रयोग, बल का प्रयोग, बल का प्रयोग। वो सौंदर्या शर्मा वहां पर खड़ी होकर बोल रहे हैं ना, मैंने फर्स्ट राउंड में लोगों को टास्क ही समझ में नहीं आता, कभी भी टास्क इन लोगों को समझ में नहीं आता है। वहां पर जेलर का सिर्फ इतना काम था कि उसको एक्टिविटी करवानी थी, लेकिन जेलर वहां पे क्या कर रहा था, जेलर वहां पर खड़ा हो गया था चाबियों के पास कि भाई चाबी मैं अपनी जेब में डाल लूंगी। तो इन लोगों को टास्क जो है वो कभी कहीं से कहीं तक जो है वो समझ में आता ही नहीं है। फिर इनको धीरे धीरे जो है वो टास्क समझ में आ, जब वो लोग जीतने लग गए तो बल का प्रयोग उस चीज का रोना जो है इन लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। आज मुझे सुम्बुल का और अच्छा लगा जब उसने सेकंड टाइम भी स्टैंड लिया ना अपने लिए, प्रियंका और शालिन के आगे, कि जब हमारी पहली कॉन्वर्सेशन हो गई थी कि सेकंड राउंड में मैं जाऊंगी तो अब सेकंड राउंड में प्रियंका कैसे जा सकती है, आप मुझे वीक समझते हो क्या, मैं भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ। और सेकंड राउंड में उसने मतलब अपनी बात मनवाई ली भाई जाने के लिए। अंकित फेयर, सीरियसली अंकित ने फेयर संचालन किया आज, मेरे हिसाब से उसने डर के दबाव में जो है ये सारी, मुझे लग रहा है डर के दबाव में उसने सारी डिसीजन ली। थर्ड राउंड में बता दो मुझे कहां से फेयर था, कोई वहां पर इतना बल का प्रयोग नहीं होता, आराम से जो है पैर जो है अर्चना गौतम का वहां पर चला गया था, टनल के अंदर वो जाने लग गई थी, वहां पर फिर प्रियंका मैडम आ गई, मुझे तो कोई इतना बड़ा वहां पर बल का जो है वो प्रयोग लगा नहीं था। मेरे हिसाब से तो आज अंकित अनफेयर था, अनफेयर वो वाली टीम भी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो वाली टीम जो है वो मैं ये नहीं कह रही कि वो वाली टीम जो है वो अनफेयर नहीं होती, लेकिन फेयर का जो नारा लगता है ना वो इस तरफ से लगता है कि हम फेयर गेम खेलते हैं, हम महान हैं। तो आज दिखाई देगा कौन फेयर और कौन अनफेयर। लेकिन बिग बॉस ने जो वाट लगाई है भाई अंकित गुप्ता की, रह रह कर उसकी वाट लगाई है कि आपको क्या टास्क में बोला गया था कि दो चाबियों के निशान होने चाहिए, तो हमें तो दो चाबियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं ना। हमें तो अर्चना गौतम टैलेंट से फरार होती हुई दिखाई दी, लेकिन जो संचालक है वो जो है मतलब उनकी वजह से ये राउंड जो है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। बकवास एकदम, पुलिस गैंग पीपल एंड संचालक, इन लोगों को इसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो इन लोगों के अंदर है ही नहीं। ये लोग बस ये देखते हैं कि हम कौन सा रोना रोएं, पहले ये फेयर गेम अनफेयर 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 का रोना रोते थे, और आज के टास्क में बल का प्रयोग का रोना रोने लगे। भाई तुम लोगों ने टास्क देखे नहीं है, तुम लोग बोलते हो कि हम लोग बिग बॉस घोट घोट के पी के आए, प्रियंका बोलती है मैंने बिग बॉस देखे हैं, टीना गुप्ता बोलती है, टीना दत्ता बोलती है कि मैंने बिग बॉस देखे हैं। तो तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि पहले किस लेवल के टास्क होते थे, और जरा सी मतलब छुई मुई बन गया, मतलब तुम जरा सा किसी ने टच कर दिया तो बल का प्रयोग हो गया वहां पर। हाँ अनुष्का द्विवेदी जी बोल रही है कि बकवास एकदम, पुलिस गैंग पीपल एंड संचालक, उसको बिग बॉस के बोले हुए बातें भी सुनाई नहीं देती हैं, समझ नहीं आती क्या चक्कर है, पता नहीं क्या ही इरिटेटिंग सब
पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे, अनुष्का जी ने क्या लिखा है आज। ये टास्क तो इनका था ही नहीं, अगर वो ईमानदार होते तो अर्चना को बाहर लाते, दिखावे की दोस्ती दिख गई। यस एग्जैक्टली, दिखावे की दोस्ती दिख गई। कहीं ना कहीं अर्चना भी कंटेंडरशिप में आ जाती है ना, वो भी कैप्टन बन जाती। तो यार इनके टीम में बोल तो रही हूँ, ये बस नंबर ऑफ गेम चलता है इनकी टीम में, लेकिन सब सोचते अपना अपना ही है। जैसे उस टीम में सब एक दूसरे का सोचते हैं ना कि चल इस बार तू बन जा, इस बार तू बन जा, इस बार तू बन जा। इस टीम में ऐसा नहीं है, इस टीम में ये है कि भाई अगर कोई प्रायोरिटी मिलेगी तो सबसे पहले मैं ही होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस ने इनडायरेक्ट हिंट दे दिया है कि अंकित जो गेम खेल ही नहीं रहा है, साजिद जो कि गेम खेल ही नहीं रहा है, खेल ही नहीं रहा है, तो भाई वो जो है नॉमिनेशन में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कैसे सेफ प्ले करके जो है वो आगे आगे जा रहे हैं, किसकी वजह से? सिर्फ तुम लोगों की वजह से। लेकिन यही बिग बॉस है कि जब साजिद, क्या नाम है उसका पूरा नाम, साजिद खान, जब साजिद खान जो है उसमें आता है, नॉमिनेशन में आता है, तो उस हफ्ते जो है वो इविक्शन ही नहीं करते। डबल गेम बिग बॉस का। हेलो कार्तिक, मेरा हेलो मोइन जी, हेलो मैम। ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है मैम, 3 बार जाके आया हूँ अभी तक। यार क्या हो रहा है मेरे साथ आज? हेलो कार्तिक हाँ मोइन जी, जी, बोलिए हेलो सर। आप। हेलो, आज आज कोई भी आए, आज इनके पास पूरा जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पूरा तैयार हूँ। आज एक एक चीज नोटिस मैं किया आज हूँ। मोबाइल तो नहीं, मेरा सच्ची बता रहा हूँ, आज मेरे सक्षम को जी कह रहे हैं, इतना। अरे यार तुम प्रियंका को हमेशा कहाँ से लाते हो, आप क्या चाहते हैं? मतलब प्रियंका के बारे में बात करना ही छोड़ दें? अगर लोग प्रियंका के बारे में बात करना छोड़ देंगे ना, तो बिग बॉस में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैं पहला पॉइंट मैं देता हूं, प्रियंका कल परसों का टास्क में साजिद सिर्फ इतना बोल रहा था, तू ऐसा कर ऐसा कर, उसमें चिल्ला के रखा नहीं है। साजिद सर तुम बाहर से उसको बोल नहीं सकते हो, ये है बोलो अनफेयर है अनफेयर है अनफेयर है। अच्छा चलो ठीक है। आज वही प्रियंका जब यहाँ पे लड़ाई बड़ाई हो रहा था, वहां तो बाढ़ से कमेंट्री तो था उसका पहले से शुरुआत से, जबकि आज अंकित ने भी झाड़ दिया, उसका कमेंट्री ले ही नहीं पाया जब अंकित ने भी आज इतना कुछ बोल दिया प्रियंका जी को। और उसके बाद प्रियंका और टीना जो भी है सबके सब तो यहाँ आ गया, सबके सब यहाँ आ गया। तो फेयर अनफेयर वाला बिग बॉस में होता ही है, फेयर अनफेयर। जिसका पास सत्ता पावर वो करेगा ही करेगा अपने आजू बाजू वालों को, मतलब सपोर्ट करेगा ही करेगा, कोई भी हो, भले साजिद वाला टीम हो भले ये वाला टीम हो, ठीक है मैम। अच्छा दूसरा शिव वाला जो कल परसों से हम लोग बात कर रहा था, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, एमसी स्टैंड को क्यों कंसोल नहीं करता, ये नहीं करता। आज नॉमिनेशन के आने की वजह से मैडम निमरी को पूरा मतलब ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, मैडम इस घर का महारानी, सब एक गोदी में लेकर एक बैठ के समझाया जा रहा है, मतलब ये किया जा रहा है। इसी को ना कहते हैं दोस्ती, मान लो इस बिग बॉस की घर के हिसाब से, अभी के हिसाब से ये दोस्ती दिखा रहा है अभी मतलब शिव। लेकिन वही चीज अगर उस वहां पे ना जाए तो शिव फैन क्या बोलते हैं, शिव फैन क्या बोलते हैं, अरे भाई वो क्या बच्चा है, अरे भाई बच्चा नहीं है, अभी निमरित को समझाया बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दोस्ती का लॉयल्टी मतलब वही तो दिखा दिया ना शिव ने आज। अच्छा तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ शिव के, ये लोग का बिग बॉस आज निमरित ने और एक बात बोला, साजिद जी मैं हक से बोल रहा हूं, शुरुआत से ही आप तीन ही है, देखिएगा मैम एमसी स्टैंड नहीं है यहाँ पे, मतलब प्रियंका सुना था मैंने। फे शिव फैन ये सुन ले, आप तीन ही है मेरे पास, अब्दू शिव और साजिद जी, एमसी स्टैंड मतलब कहाँ गया, ग्रुप अगर ग्रुप में है तो कहाँ गया, चलो ठीक है। इसके बाद जो शिव ने, शिव और टीना और क्या बोलते हैं उसको निमरित, निमरी फिर दोबारा और एक मतलब शिव बिग बॉस ने और एक ग्रुप मतलब आहिस्ते आहिस्ते डिवाइड करना चालू कर दिया, मतलब एमसी स्टैंड को छोड़ दो तुम लोग, एक इनडायरेक्टली, और ये लोग समझदार है समझ भी गया। अभी देखिएगा अगला हफ्ता से टीना का भी जितना पाप है ना सब धुल के अब नया ग्रुप में टीना निमरित और शिव, इन तीनों का ग्रुप अलग से बन रहा है आहिस्ते आहिस्ते मैम, ये बिग बॉस ही बना दे रहा है पहले बार। और स्टेन और अब्दू साजिद कहीं ना कहीं मतलब अगर गेम खेला कुछ हुआ इधर उधर करेंगे ठीक है, लेकिन टीना अभी एमसी स्टेन से दिखा रहा है ना मतलब दोस्ती, वही टीना देखिएगा एमसी स्टेन को भी गलती बोलेगा सब कुछ करेगा, ये लोग सेल्फिश है, ये लोग सेल्फिश है। और अपना ग्रुप अभी बनाएंगे शिप निमृत टीना और कौन आ रहा है ये तो फिर दिखा जाएगा उनके हिसाब से। ये तीन पॉइंट है मेरा, कोई
ओके दूसरा किसी को बोलने ये का। कमेंट आया था हाँ कि बिग बॉस चाहते थे कि शिव की टीम जीते पर ऐसा नहीं हुआ, बिग बॉस ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि प्रियंका की टीम की शिव से अनबन हो इसीलिए करना चाहते हैं। नहीं देखो मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई टास्क होता था ना तो फिर अनफेयर 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 कौन चिल्लाता था, ये लोग चिल्लाते थे ना, और ये बैठकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, ये बैठकर बातें करते थे सौंदर्या निमृत अर्चना अंकित की जो टास्क है इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनकी टीम जीते, ये सारी कॉन्वर्सेशन इनकी टीम करती थी, इसीलिए आज बिग बॉस ने इनको ही एक्सपोज करने के लिए हर पॉइंट पर इनके जो है वही स्टेटमेंट दिया है कि तुम जो दूसरों को अनफेयर बोलते हो ना तो तुम भी अनफेयर हो, तुम भी कहीं से कहीं तक अनफेयर नहीं हो, ये मतलब था बिग बॉस का। क्योंकि ये बिग मैंने बॉस तो को नहीं प्रियंका बोलते का थे कि बिग धोबला बॉस पति दिखाई दिया अनफेयर है, ना। बिग बॉस ये है, बिग बॉस वो है, बिग बॉस ने आज कन्फेशन रूम में बुलाकर बोला ना उनको भी कि साजिद और अंकित के दिमाग में क्या चल रहा है वो बाहर निकालो, जबकि बिग बॉस को भी पता है क्या चल रहा है, सही चल रहा है तो उनके दिमाग में चल रहा है, गलत कहीं से कहीं तक नहीं है, ना साजिद गलत है ना अंकित गलत है, दोनों अपनी जगह पर सही है। और प्रियंका का धोकलापंती देखिए, ये 2 दिन पहले की बात है, मैंने जो बोला सही है गलत है आप देखिए, आज तो ये लोग पूरा चिल्ला रहे थे, प्रियंका का कमेंट्री बंद ही नहीं हो रहा था। तो ये अनफेयर नहीं है, कल अगर साजिद बोलने पे, परसों वाला टास्क पे साजिद बोलने से ही प्रियंका मैडम ने झंडा लेकर निकल गया, ये साजिद जी आप नहीं बोल सकते हो, ये अनफेयर है, ऐसा हो ऐसा तो टास्क ही नहीं होगा, ये वो बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन आज अनफेयर नहीं हो रहा। बाकी अंकित तो 100% अनफेयर कर ही रहे, बिग बॉस तक ने भी बोल दिया यार तू तो अनफेयर है पूरा, मुझे दो दो चाबी दिख रहा है लेकिन तुझे नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है, संचालक का राय डिसीशन डिसीशन होता है, बिग बॉस ने भी माना लेकिन पिन मार के ही माना ना, बिग बॉस बोल भी रहे ना ये लोग जीता हुआ है लेकिन अनफेयर ही हुआ ना मैम, वो जिसके पास पावर आता है वो अनफेयर करता है, लेकिन ये प्रियंका जी आप ना बोले बिग अनफेयर बॉस वाला ने झंडा निमरीत को भी लेकर। टोंट मारा था अगर याद हो, जब उसने टीम 4 पर आया था और उसने टीम 7 बताया था तो बिग बॉस ने उसको भी टोंट मारा था, बल्कि बाद में भी टोंट मारा था जब वो लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे कि आपको तो टीम 4 जो है वो टीम 7 दिखाई देती है। हाँ कार्तिक जी जी बोलिए। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, मोहन सर आपका डिबेट सर आंखों पर। तो मैम आज का दिन कोई आ नहीं रहा है, देखिए ना कोई आ नहीं रहा है इतना जल्दी, मतलब अभी सच्चाई का सामना आप लोग झेल नहीं सकते ना, चीजें ऐसी हो गई हैं, दिख रहा है चीजें, आओ ना भाई कहाँ छुप के बैठे, जल्दी आओ। ठीक है आएंगे आएंगे आएंगे, देखो आ गए सच्चाई की मूरत मेरी दीदी नहीं विजया नहीं विजय मैम, मैम अच्छा बोलते, विजय मैम सही इसलिए बोलते कार्तिक सही बोलते। जी जब झूठ बोलना चालू करेंगे तो हजम नहीं होगा, फिर मिर्चा भी कम पड़ जाएंगे। चलो अभी तो पॉइंट पे आ दोनों भाई जाते बहन भाई, अभी मिलके पॉइंट करते पे हैं। आ तो जाते। हाँ तो पॉइंट ये है मैम, देखिए टास्क डायरेक्टली मैं अगर टास्क पे जाऊं तो टास्क पहली बात मैम, इन गंवारों को, ये लोग कभी स्कूल नहीं गए ऐसा मुझे लगा, इनको ना पहली राउंड में किसी को भी समझ में नहीं आता ये समझ चीजें नहीं हैं, कभी कभी आप लाख मर्जी, आप वो पहले वो आता था ना चिट्ठा, वो ही सही था इन लोग के लिए कि वो दिखा दिखा के घूमते थे कि हाँ भैया ऐसा है वैसा है, तुम ये देखो ये लिखा है करके दिखाते थे, अभी क्या है एक बार बोलते हैं बिग बॉस, ये लोग बाकी चलते हैं जो करना है, जिसको जो वाला याद है वो वही करते हैं, याद की तो छोड़िए हिपोक्रेसी की सीमा पार हो गई भाई साहब, वो सौंदर्या शर्मा है क्या चीज मैडम, सही में यार मेरी जिंदगी में मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, शादीशुदा नहीं हूं लेकिन भगवान प्लीज मेरे को ऐसी मत दिला देना यार, जिंदगी बर्बाद हो जानी है मेरी, यार क्या चीज के लिए चिल्ला रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं सौंदर्या मेरे को चाय दो, बोलता हूँ चाय कौन सा चाय, काय का चाय, कैसा चाय, आपको चाय पीनी है, आपको चाय पीनी है, मतलब चिल्लाना है दिखना है, उसके लिए इतना नाटक करने की क्या, पूरी टास्क की ऐसी की तैसी कर दी मैम, और उसको पहले भेजने वाले इंसान को ना मेरे को गुस्सा आ रहा है, सही में गुस्सा आ रहा है, किस बात का तुम लोग उसको लॉयल्टी दे रहे हो यार, क्या कर रही है वो तुम्हारे लिए, किस बात का, पहले प्रियंका चली जाती तो शायद चीजें इतनी दूर नहीं जाती है, तो चलो कुछ तो समझदारी दिखाएं ये लोग कि दूसरी बार सुंबुल को भेज दिए, कुछ तो हो पाया है ना, तो वो सारी चीजें हैं। और देखिए एक्सपोज्ड, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड मैम, अब ये साजिद खान अगर चुप रह जाता ना उस जगह पे, साजिद खान अगर वो वाली डायलॉग्स अगर नहीं बोलता ना, ये और ज्यादा इनके तरफ ही आ जाते चीजें पूरी 100%, अभी तो 80% इन्हीं के तरफ है, आप समझ रहे हैं ना शिल्पा मैम, 80% इन्हीं के तरफ है, हम लोग की सॉफ्ट कॉर्नर अभी इन्हीं लोग के तरफ है, शिव का टीम आज स्टैंड का टीम के तरफ ही है, लेकिन ये जो 20% जो हग के गया है ना साजिद खान, वो सबसे गंदा काम किया है ये चीज। और अंकित का सवाल जो सुम्बुल से वो पूछा, सवाल बहुत जेन्युइन था मैम, वो ये सिर्फ पूछा उसने, सवाल जब पूछा कि
मुझे उस जगह पे क्या बोलना चाहिए था क्या या फिर बोलना किस चाहिए। तरह किस लफ्जों को यूज करके इसको टालना था, उसने ये पूछा सुम्बुल से। लेकिन उससे पहले ही वो बाथरूम एरिया में बैठ के उसने अपना स्टेटमेंट, चमत्कारी पुरुष अपना दे दिया एक तो स्टेटमेंट कि भाई वो उन्हीं को जिताना चाहते हैं। अदर मतलब ये टास्क की इस तरह डिजाइन हुआ है भाई, तुम्हारी वाट लगने वाली है भाई वीकेंड की वार पे, तुम मान लो कि तुम्हारी वाट लगने वाली है इस चीज पे, ठीक है, तुम्हारा और साजिद का कपड़े खोल देंगे आज, इतना तो श्योर है मैम। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अर्चना का गेम प्ले, सल्यूट अगेन, आई एम डूइंग सल्यूट फॉर हर यार, यार एक नंबर, एक नंबर, शी इज ए डिजर्विंग कैंडिडेट एक्चुअल में मैं बोलू ना बिग बॉस की, मतलब जो वो थोड़ा बहुत गंद मचाती है लेकिन मैं उसको टॉप टू में देखती हूँ। सही बोल रहे हो मैम, यार वो ना सही में यार यूपी वाले तो कमाल कर दिए, एक नंबर खेल गई। और दूसरी चीज ये है, होगा नहीं टॉप टू तो अर्चना होगा नहीं, नहीं वो अलग बात है सर, होगी नहीं होगी ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वो जिस तरह खेल के खुद को रिप्रेजेंट कर रही है ना, आपका हाथ जाएगा ही जाएगा सर उसके वोट करने पे, आपको मजा आएगा उस वक्त। मैं भी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन बिग बॉस की बहुत, बिग बॉस की बहुत सब कार जाएंगे देखो, और प्रियंका बल का प्रयोग, अंकित बल का प्रयोग, वो लड़की चोट लगने के बाद नहीं खड़ी हुई वहां पर कि मुझको चोट लगी है, बल का प्रयोग मेरे साथ हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, अभी मैं यही बोलने वाला था, आंखों में खून दिख रहा है, वो किसी को नहीं दिखा, उसने ना ही बोला, तुम लोग को क्या ही बोलू मैं, इसको पैंट खींच दिए, इसको कमर में हाथ डाल के खींच दिए, और प्रियंका किस बात पे लड़ रही है आप गौर कीजिएगा लफ्जों को उनके, अगर वो गिर जाती तो, मुंह के बल गिर जाती तो, उसको अगर लग जाता तो, अगर मगर में लेके आई चीजों को, समझ रहे हो ना, जो हुआ नहीं है उस चीज को। और अंकित गुप्ता पहला टास्क जो कि वो मतलब कोऑर्डिनेट जो कर रहा था, तो उसमें इनएक्सपीरियंस, इनमेच्योरिटी, ये सारे चीज दिखा उसका, वो दिल से फेर रहना चाहता था लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या करूं, लफ्जों की दबाव इतना था उसके ऊपर, उसने डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड था चीजों को लेकर के, इसीलिए उसने ये काम किया, तो बस इतना ही है। लेकिन लास्ट में शिव ठाकरे को, निमृत को और टीना को क्यों बुलाए मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि वहां पर अंकित के साथ बॉन्डिंग तीनों का नहीं है, तीनों का नहीं है, किसी का दोस्त नहीं यार, नहीं, साजिद के तरफ से दो लोग और शिव, सॉरी अंकित के लिए किसी और को बुलाना चाहिए था मेरे ख्याल से, प्रियंका को तो नहीं बुलाना चाहिए था, सौंदर्या को, लेकिन सौंदर्या खुद ही में भी ये लोग टास्क में वही काम कर रहे थे ना, ये लोग टास्क में सौंदर्या हो गई, प्रियंका हो गई, शायद अर्चना ये टीम में नहीं होती तो पक्का अर्चना को ही बुलाते, लेकिन वो बात है, अब टीना दत्ता को बुला के क्या फायदा, वो तो बाहर जाके डिस्कशन भी नहीं करी। और सबसे मेन पॉइंट मैम देखिए, जब साजिद खान को समझाने की बारी आई, शिव ठाकरे वहीं खड़ा था, निकल गया, निमृत को समझाने भेज दिया, ये गौर कीजिएगा, अगर गलत हुआ मैम, अगर गलत हुआ तो निमृत बोली, मैंने नहीं बोला, अगर सही बोले, सही हो गया, वो जाके बाद में रिव्यू लेगा उस चीज का निमृत से, सर क्या बोले, सर ने हाँ हाँ में हाँ मिलाया शिव, अच्छा ऐसा है, तो एंट्री लेगा, सर मैं वहाँ एक्सरसाइज में बिजी था सर, ये चीजें हुई और ये सीन है, निमृत ने आपको बोला बोला ना, मैंने ही भेजा था बोलने के लिए कि ऐसा, मतलब भाई साहब कितना खेलोगे यार, कितना गंद मचाओगे, और मतलब इतना दिमाग की खेल, सर बिग बॉस ने इतना आईना दिखाने के लिए ये टास्क देखिए ऐसा ही होता है, अगर ये लोग का पास थोड़ा भी अकल होता ना, ये लोग सब के सब, ये पुलिस गैंग जो पैदल अकल है, अगर थोड़ा भी अकल होता ना तो ये लोग 100% ये टास्क जीत रहा था, और ये लोग बायस बायस का नाम भी नहीं लगा सकता था, ए फॉर एग्जाम्पल ये टाई करा सकते थे ये दोनों, अभी बिग बॉस भी बोले ना तीन के जगह में चार करवा दे सर, टाई करा सकते थे और बिग बॉस पे छोड़ देते सर, मैं कह रहा हूँ ये लोग 100% दिमाग लगाते हैं ना, मेरा लॉजिक सुनो, अगर एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, ये लोग जीतते थे कैसा करके, पहला शुरुआत में ही उन्होंने अगर किसी को भी भेजो, एक दो को छोड़ देना चाहिए था इनको, एक को छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, मान लीजिए दो दो तीन होना चाहिए ना,
दो को भी अगर ये लोग छोड़ देते ना, और सुंबुल पे डाउट है प्रियंका को, क्योंकि ले प्रियंका पहले ही बोल दिया सुंबुल पे यकीन नहीं कर सकता हूँ अरे मैं, तो सुम्बुल ने अपना सुंबुल को 100% अगर दिया है टास्क में, वो इन लोगों की तरह रो ही नहीं है, जैसे सौंदर्य और प्रियंका रो रही थी ना, बल का प्रयोग, वो लड़की रो ही नहीं है, वो इसमें चीज कैसे नहीं हुआ। स्पोर्ट्समैनशिप। मैं प्रियंका के बारे में बात कर रहा हूँ ना, प्रियंका का यकीन नहीं है, उसने पहले ही बोल दिया, उसने पहले बोल दिया सुंबुल पे ट्रस्ट नहीं है। तो सुंबुल को अगर ये लोग भेज भी देते ना पहला दूसरा राउंड में, और भेज भी दिया दूसरा राउंड में, दूसरा पहला ये एक या दो कैदी को ये लोग निकाल देते, और बाद में प्रियंका और मान लीजिए दूसरा जो भी है टीना शालीन ये लोग जाते और जाकर अटका देते, किसी को भी पास नहीं करते, तो मतलब ये हो जाता ना दो में दो ये लोग जीत जाता, ये लोग भी बायस का नाम नहीं लगा सकते थे, लेकिन इनके पास अक्ल ही नहीं है। दोबारा तो सुम्बुल जो डाउट है वो तो भेज ही दिया तुम लोग, सुम्बुल को दोबारा भेज दिया, दो को छोड़ दो, पहला छोड़ दो दूसरा छोड़ दो या तीसरा मत छोड़ो, अटका के रख दो, क्योंकि बस गेम इनके पास ओके था, ओके मोइन बिग जी, बॉस भी विजय नहीं मैम बोल को सकता बोलने था देते कुछ हैं, भी। विजय मैम को बोलने देते हैं, विजय मैम को। हाँ विजय मैम बोलिए, आप उससे पहले ये कमेंट ले लेती हूँ, इस कमेंट को प्रमो भी ऐड ऑन कर लेना उसके प्रमो ऊपर, आ गया है, मैं प्रमो देख रहा हूं। टीना और उसका ना श्रीजिता का। श्रद्धिता यस शीज कमेंट क्राइंग, शीज क्राइंग। कमेंट पढ़ो। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर संचालक बायस ना भी होता तो क्या कोई चांस था जेलर्स के जीतने का? टास्क सच में फ्लॉप था, अंकित सही बोल रहा था कि टास्क अनफेयर था। ओके हाँ विजय मैम बोलिए। 100% फेयर था। शिल्पा मैं अपने व्यू से बताऊं तो क्या आपको लगता है कि जब हम जेलर, हमने जेल में हजारों ड्यूटियां की हैं, हम जेलर जेल मतलब मोस्टली जेल में हम हर दिन गए हैं, ठीक है, तो एक्टिविटी कराने में क्या एक जेलर केवल रहता है, बाकी सिपाही चारों तरफ नहीं लगे होते हैं? कॉमन सेंस की बात है कि एक जेलर के बलबूते आपने 5 कैदी छोड़ दिए, वो कहां से जेलर बचा लेगा, आप ये बताइए ना। आपने टास्क डिजाइन किया, आप चाहते थे कि इनकी तरफ पूरा टास्क जाए, लेकिन जब वो डिसीजन आपने संचालक पे जब छोड़ा था, इतने मैंने 9 वीक देखे हैं, 9 वीक में किस संचालक के ऊपर बिग बॉस ने इतनी उंगलियां उठाई हैं, इतनी बार उसको टोका है, उसको बोलने तक नहीं दिया, ये बिग बॉस की गलती नहीं है, किसने गलत नहीं किया संचालन, हर किसी ने थोड़ा थोड़ा गलत किया है। विजया मैम वो लोग ना ओपनली बोल के खेलते हैं, अगर आपने सुना हो तो, मैं चीटर हूँ और ये लोग अनफेयर अनफेयर अनफेयर, फेयर का झंडा ये लोग फहराते हैं कि फेयर खेलो फेयर खेलो फेयर मेरी खेलो, बात वो सुनो लोग ओपनली शिल्पा, बोल के खेलते आप हैं मैं देखिए चीटर ऐसा ना, हूँ। मेरी बात सुनो ईमानदारी से बताओ, क्या अंकित को बोलने दिया बिग बॉस ने, हर बात में उसके लकड़ी नहीं की, आप बताओ ना। अगर आप संचालक का फैसला हाँ आखिरी किया, मानते हैं तो क्या जरूरत थी आपको बीच में उंगली करने की, हर संचालक का फैसला आपने आखिरी माना ना, हर बार माना ना, किसकी संचालन में आपने वो की उंगली उठाई, आपने लेकिन केवल मैम अंकित इन्होंने को बोला। ध्यान नहीं लगाया ना, जब मैडम साफ साफ दिख रहा था, विजया मैम जब साफ साफ दिख रहा था कि वो लोग जीत चुके हैं, उस टीम को रद्द कराने रद्द किया, इसीलिए वो बार बार टोक रहे थे मैम। अगर जीत को जीत की तरह मतलब विनिंग टीम को अगर विनिंग टीम की तरह दे देता, विनिंग टीम डिक्लेयर करता, तो उस पर तो उंगली नहीं उठती, उसका तो और अच्छापन दिखता वहां पे, यहाँ तो नहीं दुगलापन नहीं दिख बात रहा है अच्छे इंसान बल्ली का। नहीं है, ओपनली कार्तिक जी मेरी बात ओपनली पूरी होने सुनो, दीजिए, जिस सबसे तरीके पहली से बात तो आज, जिस शिल्पा मेरी तरीके बात से, सुनो, हाँ पहली बोलिए। बात तो 5 वर्सेस बंद करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, आपने 5 कैदी छोड़ दिए, वो चाबी क्या एक में एक निकाल नहीं लेगा यार, कॉमन सेंस की बात है, हम तो डेली के यही काम देखते हैं, अगर आप जेलर और लेकिन पुलिस का मैम टास्क ये, रख रहे हो तो टास्क तो ढंग से डिजाइन करो, एक दो को वहां लेकिन मैम सुरक्षा ये में रखना बिग बॉस चाहिए की ना, जेल है ना, क्योंकि तो वो ये तो एक्टिविटी बिग बॉस कराने, की अगर जेल है। एक्टिविटी, मोइन जी वेट वेट, उन्हें बोलने दीजिए कंप्लीट करने सुनिए, दो। एक्टिविटी कराने की बात थी क्या, प्रियंका बोल नहीं रही थी कि आप लोग बैठो हम यहाँ पे आपको कुछ सिखाएंगे, लिख के कोई बैठा वहां पे, अनफेयर ये नहीं हो रहा था कि आप जब बैठ ही नहीं रहे हो, अगर वो बैठते हैं चारों तरफ से उस चीज को देखते और एक पीछे से खिसक के भाग जाता, हम मानते हैं वहां पे कि हाँ अब अंकित ने गलत किया, वो टनल में घुस गई है, क्या वो चारों को थोड़ी पकड़ पाती है एक साथ, कोई ना कोई तो निकल जाता ना पीछे से, लेकिन वो शुरू से ही उन्होंने एक्टिविटी एक भी ढंग की है, आप बताओ मुझे एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, आप पहले थोड़ी देर खेलो ना 2-4-5 मिनट, उसके बाद निकलो ना वहां से, फिर आप उंगली उठा रहे हो संचालक पे, जब आपने ये कह दिया कि अनफेयर संचालन का फैसला आखिरी है, तो फिर आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट संचालक से ये कह देते कि भाई जिताना है आपको, अगर उसके विजय हाथ में मैम, पावर आई है, 9 हफ्ते से क्या हो विजय रहा था, मैम, कार्तिक की ईमानदारी से बताइए 9 हफ्ते से क्या हो रहा था, अगर उनके मैं हाथ में आया ईमानदारी होगा से पानी एक तो बात जाने बता देंगे? सकता हूँ, पक्का बता सकता हूँ एक बात, आपको आपको भी खुशी मिलेगी देख के सुन के, बिग बॉस मेरे घर में जितना चाल से देखते हैं, ठीक है, और आपका डिबेट भी ना मेरे घर से ना उतना ही चाल से देखते हैं मेरे घर वाले, ठीक हाय भगवान ये क्या कर रहे है, हैं आप, आपका अरे पूरे घर वाले सुनते हैं यार आपकी बात, आप अभी आप बताइए।
आराम से बताइए, पूरे हम सुन रहे हैं आपकी बात। शिल्पा ये तो गलत बात है भाई, डिबेट को भी इन्होंने अपने घर में भी ऑनलाइन लगा रखा है। तो उसमें क्या हो गया विजय मैम, आप फेमस हो रही हो उसमें? अरे मेरी मम्मी देखती है अरे मैम। मैं मुझे फेमस फेमस कहाँ, यहाँ हो जाए बहुत है, कहाँ घरों घर में फेमस होना है घर मुझे। में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको, आप बोलिए ना। फिर देखो मैं तो सीधे सीधे कह रही हूँ कि अगर उन्होंने टास्क ऐसे किया, आपने लास्ट में आके क्या वहां पे कन्फेशन रूम में आपने क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की? बिग बॉस का दिखाई नहीं दे रहा था? बिग बॉस जो डिस्क्राइब कर रहे थे कि हम लोग बेवकूफ बैठे हैं क्या, कि वो कहना क्या चाह रहे थे? हम लोग बेवकूफ तो नहीं बैठे यहाँ पे? हाँ, अब वहां पे अगर आप अपनी सफाई दे रहे हो तीन कैंडिडेट को बिठाल के, वहां पे पब्लिक पागल है जो बाहर बैठी है, वो देख नहीं रही कि आप क्या कराना चाह रहे थे और ये लोग क्या नहीं कर पाए। अंकित के, अंकित ने जो किया उसमें ये नाखुश थे, ये समझ में डर नहीं आ लग रहा रहा है क्या काउंटर किसी को? देने में, फिर भी दे ही नहीं, देता हूँ। और वो टीना मैडम कह रही है, अंकित तो मुंह बंद करके कह रहा है जाना चाह रहा है, जाना यहाँ हर कोई चाह रहा है भाई, सीधा सच्चा इंसान इस बिग बॉस में रह नहीं पाएगा, हर कोई जाना चाह रहा। नॉमिनेशन में आया क्यों आपने बचा लिया? हम तो बिग बॉस से ये सवाल कर रहे हैं, नॉमिनेशन में आया था ना अंकित, कम वोट दिखा के उसको आउट कर देते, साजिद को नॉमिनेशन में डाला गया था। आप आज ये कह रहे हो कि साजिद को आप लोग बचा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, साजिद नॉमिनेशन में आपने नो एविक्शन किस आधार पे कर दिया? निकाल देते ना उसी टाइम, आपके पास चांस था तो। मैम आपका पॉइंट ये है कि वो टास्क ही इस तरह डिजाइन किया गया था कि शिव ठाकरे का टीम या फिर जो भी कैदी है, ठीक है, कैदियों को उस पे मुनाफा मिल रहा है, ये आप बोलना चाहते हैं राइट? मिल जाता अगर अंकित ने बेईमानी नहीं की होती तो, और बेईमानी की मैं तो डंके चोट पे कह रही हूँ, उसने बेईमानी की और रखा अपने पास वो कैप्टेंसी का पूरा वो। अब बोलो बेईमानी, मैं तो मान नहीं बेईमानी की, और मैं चाह भी रही थी बेईमानी करे और अपने फेवर में ही रखे वो दावेदारी, बस खत्म बात। अब तो मैं रिपोर्ट करूंगी नहीं इस पे, 9 हफ्ते से हम भी तो देखते चले आ रहे हैं ना कि 9 हफ्ते से चल के आ रहा था, उसने रोका स्टैंड भाग रहा था, उसने कहा तुझे कोई नहीं रोकेगा, तू दीवार फांद जा, सिर्फ फांदा, उसने बोला ना कि दीवार क्रॉस कर ली है। ऐसे ही अगर ये लोग भी दिमाग लगा के ढंग से खेलते ना, और फिर अगर वो गलत डिसीजन देता तो मैं मानती, ढंग से खेला कौन है मैं टास्क इसीलिए को? पहले अंकित क्या बोलते हैं विजया मैम, मैं इसीलिए पहले बोला ना ये टास्क में अंकित की गलती थी, ना ये टास्क में क्या बोलते हैं शिव की टीम की गलती थी, ना ये टास्क में अर्चना की गलती थी, पूरा कलेज पूरा गलती सौंदर्या शर्मा की थी और प्रियंका चहर चौधरी की थी, जिन्होंने रत्ती भर का चीज को पहाड़ बना के आग लगा के खत्म कर दिया चीजों को, ये आप हाँ, गौर कीजिएगा। ये देखिए इतने छोटे मोटे टास्क में इतनी चोटें लगती हैं, और ये हमेशा से होता आ रहा है, ये फिजिकल वायलेंस नहीं था, मानती हूँ और मैं विजय अंकित की मैं फिजिकल। बता रही हूँ आंखों के आपको, ये सामने जो बिग बॉस ने एक एक पॉइंट को खोल खोल के बताया ना, ये जस्ट बिकॉज ये, क्योंकि 9 हफ्ते से ये लोग उंगलियां उठा रहे थे कि बिग बॉस टास्क ऐसा डिजाइन करते हैं, ये लोग अनफेयर हैं, ये लोग अनफेयर खेलते, तो बिग बॉस ने इनको आईना दिखाया है कि तुम लोग अनफेयर अनफेयर करते हो, तो आज तुम भी यही कर रहे हो। जब जिसके हाथ में पावर होती है तो वो अपनी टीम के लिए अनफेयर होता ही होता है। हाँ ठीक है, बट इतनी मैं शिल्पा इतना उंगली किसी पे नहीं उठी है, हर पॉइंट पे आपने किसी को बोलने भी नहीं दिया। अगर वो शालीनता से बोलना चाह रहा तो हर चिल्ला के जो व्यक्ति बोल लेता, टीना आपकी बात का चिल्ला के जवाब दे रही थी तब तो आप सुन रहे थे, अंकित अगर चुपचाप धीरे से आवाज दे रहा है तो आप उसको सुनो ना अंकित कि वो को बोलना क्या इसीलिए चाह रहा है। बोला जा रहा था क्योंकि वो अंकित का डिसीजन था ही नहीं। आपने देखा नहीं, उसने ब्लास्ट में सुम्बुल से भी डिसीजन पूछा कि क्या मैंने जो ये डिसीजन लिया ये बल का प्रयोग करके, नहीं, वो उसमें उसकी क्या कुछ वर्डिंग गलती वर्डिंग नहीं थी समझ पाया कि मुझे जो किस तरह से वर्ड अपने रखने चाहिए जो मैं इसको डिस्क्राइब कर पाऊं अपने वर्ड को, वो अपने शब्दों को नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या शब्द बोलूं वहां पे। मैम मेरे हिसाब से इन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया, नहीं तो ये बिग बॉस भी टोक नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने एग्री मुइन पहले भाई, ही बिल्कुल मतलब एग्री कर रही हूँ मैं, बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपकी फर्स्ट बात टाइम से। से, पहला सुनिए मैंने ही फर्स्ट टास्क टाइम था, से देखो इन्होंने कलेश शिल्पा कर दिया। पहले बिग बॉस ने क्या कहा था कि आपको चाबी की छाप नहीं पसंद आएगी तो वो डिसीजन जो है अंकित गुप्ता का होगा, मतलब संचालक का होगा। बाद में बिग बॉस ने हाँ क्या कहा कि आप ये बताइए कि छाप इन्होंने ली है या नहीं ली है। अरे डिसीजन तो खुद आप चेंज कर रहे हो बिग बॉस महोदय, आप किससे क्या उम्मीद कर रहे हो? वो छाप को गलत बता देता वहां पे, दो एक चाबी की छाप लेनी थी, दो उन्होंने दो दो चाबी की छाप ली की थी। ले ली थी, डिस्क्वालीफाई तो यहीं पे हो गया क्योंकि भाई अर्चना एक सेकंड के ऊपर चढ़ी थी, अर्चना एक सेकंड के लिए ऊपर चढ़ी थी, नीचे उतरी ना उसके उस राउंड को, उसको डिस्क्वालीफाई पूरे राउंड को किया गया। क्या हुआ फिर, दो दो क्यों चाबी में छाप लिए, इनको बोला गया था तो
मैम वही तो मैं कह रहा चलो हूं, इन्होंने दिमाग नहीं लगाया, नहीं तो इन्होंने पहले नहीं, एक दो को छोड़ना चाहिए था, एक पे ले जाकर अटका के रखना चाहिए था। इन्होंने पहले शुरुआत से ही कलेश कर दिया ना, प्रियंका को समझ ही नहीं आया, अंकित को समझ ही वो नहीं सौंदर्या आया। की मैम गलती थी, स्टार्टिंग सौंदर्या ने गलत सौंदर्य की को थी, भी ये सौंदर्या ने गलत की मैम थी। हार जीती है ना, हारना ये अरे जीतना नहीं है यही है ना, बिग उसमें, बॉस भी इसमें उंगली नहीं करते, हार जीतना एक ही में भी एक ही में ही होता ना, क्योंकि लिए तीन तीन का ऑप्शन था ना, तो इन्होंने शुरुआत में ही कलेश कर दिया ना मैम, तो इसीलिए क्या करें अभी बोलिए। सबसे पहली बिग बात बॉस मैं इन्होंने मानता हूँ जेलेबी, बिग बॉस ने कुछ जेलेबी ओके टाइम अच्छे ओके ओके भेजे। ओके विजय मैम, वेट वेट वेट, काम डाउन काम डाउन काम डाउन, जब तक कार्तिक जी और आसिफ जी को सुन लेते हैं थोड़ा सा। हाँ कार्तिक जी को काउंटर देना कुछ विजय मैम का। हाँ मुझे कार्ड, अरे नहीं है यार उसमें बीपी की गोली, हटा उसको। हाँ हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए, पहला टास्क दो दो क्या बोलते हैं प्रिंट्स ले लिए गए हैं, वो रद्द ठीक है मान लिए, एग्री विद दैट। सेकंड वाला ये लोग जीते, थर्ड वाला फिर से रद्द कर दिया जो, वो मजा नहीं आया ठीक है, उसको इनको विन दे देना चाहिए था, और उसको टाई टाई या फिर रद्द भी कर दिए तो उसको क्या है कि वो टाई ब्रेकर बनना चाहिए था उसको, है ना। इनको रद्द करने के जगह, मैम समझिए बात को, रद्द करने के जगह अगर इनको विन भी दिया जा सकता था, लेकिन करें तो करें क्या, 100% उनकी जीत दिख रही है उस चीज में, वो पुलिस टीम टर्नल को से जीत होके दिख रही है। ये एग्जैक्टली वो बोल रही है, मेरे को फिजिकल हो गए, बेल्ट खींच लिया, आंखों के सामने बंदी के यहाँ घुटने से खून निकल रहा है, वो नहीं बोल रही मैं फिजिकल वो हुआ है मेरे साथ अर्चना, और ये बोल रही उसका उसको धक्का दे दिया थोड़ा सा, वो पुश हो गई तो वो अगर मगर में बात करी, अगर वो मुंह के बल गिर जाती तो, अगर उसको चोट लग जाती तो, अरे भाई लगी तो नहीं ना, आगे बढ़ो ना भाई, क्या चीज का कलेज कर रहे हो। मैं तो यही बोल रहा हूँ पूरा टास्क बर्बाद हो गया सौंदर्या शर्मा और प्रियंका चहर चौधरी की वजह से, अदरवाइज चीजें कुछ और होती, लोग कुछ और होते। और ये टास्क भी मेरे को नहीं समझ में आया मैम, अगर वो टीम जीतती है तो पूरा का पूरा टीम वो पूरा कैप्टन बनने का वो हो जाता है, ऐसा नहीं होता है यार। टास्क वो होना चाहिए था कि यहाँ से भी, जो 3 लोग क्वालिफाई करते हाँ वो दावेदार बनते, तो उस टीम के अंदर भी कॉम्पिटिशन होता, कंपटीशन होता, उस टीम के अंदर भी कंपटीशन इंडिविजुअल होता, फिर नहीं पूरी अरे होती चीजों पूरी में, टीम का था शिल्पा, पूरी टीम का था। तो हमें भी पता है पूरी विद्या मैम, हम टीम कह में, पूरी रहे हैं टीम में कि से ये होना चाहिए था कि जो बिग बॉस ने बोला था कि 3 कैदियों को जो है टास्क कंप्लीट करना है, और जो 3 कैदी टास्क कंप्लीट करेंगे वो कैप्टेंसी के दावेदार बनेंगे, तो उनकी खुद की टीम में भी एक कंपटीशन होता, ये कह रहे हैं हम। वो तो हमें भी पता है कि पूरी टीम जो है वो एक्चुअली वो दावेदार टास्क में बनती अगर है। इंडिविजुअल इंडिविजुअली अगर रिजल्ट्स निकल के आते, इफ यू आर सेंडिंग ए इंडिविजुअल जेलर टू द इनसाइड, देन ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट द इंडिविजुअल रिजल्ट्स आल्सो ना, आप इंडिविजुअल रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ना उस जगह पे, कि हाँ सौंदर्या शर्मा गई, सौंदर्या के शर्मा के मतलब वो टाइम रूलिंग में पे अगर सौंदर्या शर्मा जीत जाती है, देन सौंदर्या शर्मा इज सिलेक्टेड फॉर द कैप्टनसी रेस हाँ एंड हाँ हाँ नेक्स्ट हु डिसाइड विल कम। करेगी। हाँ तो उस हिसाब से यहाँ पे भी 5 लोग थे, यहाँ पे भी 5 लोग थे, देन 5 टाइम्स आपको आना जाना हो सकता था, देन यहाँ पे जेलर्स को ये देना चाहिए था कि जेल के अंदर जो लोग हैं कैदियों को ये देना चाहिए था कि आप अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपसी सहमति से आप एक जन को चुन के उसका नाम दीजिए, राइट। अब अगर टर्नल में घुसने वाली बात है तो अर्चना घुसी तो अर्चना का नाम भेजो, शिव ने दीवार कूदा तो शिव का नाम भेजो, है ना, भेजो। हाँ ये होना चाहिए था, तो ये टास्क चीज इसी हो तरह सकती होना था। चाहिए था। और वहां पे क्या होता कि ना अंकित गुप्ता का नाम उठता, ना ही शालीन भानोद का नाम म्यूचुअल उठता, ना ही अंडरस्टैंडिंग प्रियंका का से नाम उठता, यस कुछ नहीं होता। ये इनमेच्योरिटी बिग बॉस का है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिग बॉस का इतना सारा इंटरफेरेंस भी दिखा आपको, बाद में 3 लोगों को बुला के उस चीज को कवर करने, कवर अप करने के लिए 3 लोगों को बुला के बिठा के दूसरों की बिचिंग करने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, दिस इज व्हाट कार्तिक सर आज आप हम लोगों ने देखा। एक मिनट मोइन जी, 1 मिनट मोइन जी, 1 मिनट आसिफ जी को बोलने देते हैं, आसिफ जी ने भी ज्वाइन कर रखा इतनी देर से। नहीं उससे मैं पहले मैं बोलना ही क्यूटीएस नहीं जी है, का कमेंट ले लेती हूँ। मैं अगर कोई लड़ाई नहीं कर रहा था आज, तो इसमें कैप्टन की क्या गलती, कैप्टन ही तो चिल्ला रहा था। आप कह रहे हो लड़ाई नहीं कर रहा था, कैप्टन तो चिल्ला रहा है वहां पर सबसे ज्यादा, बल का प्रयोग बल का प्रयोग बल का प्रयोग, और आप कह रहे हो कोई लड़ाई नहीं कर रहा। आज बहुत सुनाया अंकित को, इतना किसी को नहीं सुनाया बिग बॉस ने, दिस विल डीमोटिवेट हिम। ओके हाँ बोलिए आसिफ जी। डीमोटिवेट और मोटिवेट वहां पर बात बनती है ना, जो कंटेस्टेंट कुछ करता होगा ठीक है ना। आज भी जो देखा गया है, थोड़ा प्रियंका के ही नक्शे कदम पे अंकित भाई सब चल रहे थे,
जो उधर से इंस्ट्रक्शन आना, मैडम यस मैडम यस मैडम, वही सर चल रहा था, यस मैम, जैसे वॉचमैन खड़ा रहता ना दरवाजे के सामने, जो भी उसका मालिक बोले यस सर करता है, वैसे ही अंकित गुप्ता आज कर रहे थे कि जो प्रियंका जी बोल रही थी यस मैडम कर रहे थे। तो मेरे को वही लगा आज, मेरे को था कि अंकित खुद का कुछ डिसीजन लेगा, खुद कुछ गेम बदलने की कोशिश करेगा, चाहे वो प्रियंका के खिलाफ जाता चाहे वो इधर रहता। और मेरे को बहुत अच्छा ये लगा ना कि जब भी एक बार ऐसे सेम हुआ था कि कोई चीज हुआ था जब शिव ने अपने किसी दोस्त को बचाया था, कुछ किया था, और वहां पर बिग बॉस ने बोला अगर तुम रहती तो तुम क्या करती प्रियंका, तो शिव वो बोलती है कि हाँ चलिए मैं भी शायद इसको बचाती, तब तुम अपने दोस्तों को बचाओगी तो मैं चलेगा, भी तो अंकित को बचाती। हाँ मैं भी अंकित को बचाती। लेकिन तब उस टाइम वो बाहर निकल के बोले थे अरे ये तो अनफेयर है अनफेयर है अनफेयर, ये तो क्लियर दिख रहा था कि वो उसी को बचाएगा, ये कौन सी बड़ी बात थी। तो आज बिग बॉस ने वही चीज दे दिया एक कि बात अगर बताऊं, आज से पहले आसिफ जी इतने सीजन हुए हैं, ठीक है, अनफेयर हर संचालक होता है, ये मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ। जिसके हाथ में पावर होती है वो अपने नियर और डियर के लिए अनफेयर होता ही होता है। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो सामने वालों को जो है वो पावर दे दे अपने नियर और डियर को छोड़कर। लेकिन ना पता क्या होता है, सामने वाले ना इतना मुद्दा नहीं बनाते उस चीज का। लेकिन अंकित, प्रियंका, सौंदर्य, ये हमेशा 24 घंटे आप सुन लोगे हम फेयर हैं, वो लोग अनफेयर हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, बिग बॉस ने ये कर दिया, बिग बॉस ने वो कर दिया। इसीलिए इनको बिग बॉस एक्सपोज करता है कि भाई तुम भी यही करते हो, बट तुम महानता का झंडा फहराते हो। वही 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 एग्जैक्टली वही बात बोलना है कि बराबर आपको उस भी टीम आगे ने बोला अनफेयर अनफेयर अनफेयर, नहीं बोला ना उस टीम में से किसी ने भी वही कि वही वही अंकित तूने अनफेयर किया। लेकिन ये लोग उस चीज का झंडा फहराते कि हम फेयर हैं, हम वही हमेशा फेयर खेलते हैं। इसलिए इनको एक्सपोज करता है बिग बॉस जब कि भाई यही जब लोग, अपने पर पड़ती है ना तो तुम भी यही हाँ करते हो। यही लोग जब झुंड में खेलने की बात करते थे, और कल जब कैप्टनशिप जीतने की बात है तब झुंड में खेले थे, यही लोग जब अनफेयर और फेयर की बात करते थे आज उनके पास कैप्टनशिप या खुद अनफेयर हो गए वो। वही इनका कि इनके शब्द इनके एक्टिविटी से मिलते नहीं है। अगर इनके ऐसा रहता कि प्रियंका स्टार्टिंग में भी फेयर रहती, अभी भी फेयर बोलती बोलती अंकित को नहीं यार फेयर खेलना है, तो हम बोलते हैं यार प्रियंका अच्छा कर रही, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट पे ना वो बदल जाती है। सबसे पहली बात यही यही पर उसके गेम क्लियर हो जाता है कि उसको भी अगर चीजें मिलेगी उसकी बेनिफिट के साथ है। और सबसे सबसे मेन पॉइंट, वो लोग चाहे कैप्टन हो चाहे ना, वो रोएंगे, उनकी आदत है। आज भी वो रोए, कैप्टन होने के बाद भी वो रोए, हर चीज उनके पक्ष में रहे, भाई हमारे साथ ऐसे हो, अरे यार गेम खेलो, यहाँ बस रोने के लिए सीरियल्स है बहुत सारे, हम लोग देख लेंगे खोल के। और मुझे अच्छा लगा एक चीज कि आज साजिद के खिलाफ लोगों को भड़का दिया गया है, वो अब गेम साजिद के खिलाफ अब होगा, खुलेगा गेम, मुझे चाहिए था कि गेम खुले ताकि हमें देखने में मजा आए यार, वन लेकिन एक साइडेड बंदा चल रहा अभी है। भी हाँ पीछे से खेल रहा है आसिफ जी। ठीक है, वो शिव शिव डबल गेम, मैं बोला था शिव खेल रहा है, कोई इशू में नहीं खेल रहा है, शिव खेल रहा है पर फिर वो बस। फ्रेंड क्या ग्रुप वाला बोल गेम रहा नहीं तो होता आसिफ जी। वो नहीं, मैं क्या क्या बोल रहा कहना तुम, चाहता हूँ, मैं मान सकता हूँ सुनिए बात तुम क्या की जा बोल रहे सकती हैं, है, अभी तो मैं बात की 70-80 किलो वजन उठा रहा हूँ, अभी मैं 100 किलो तक उठा सकता हूँ। बोले बोले कि मैं रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, कितनों के बाद बोझ उठाओगे, इस पर से बोला ना मैं बिग बॉस ने, यार तभी मैं उससे कह यार मैं मैं उंगली खड़ा समझाऊंगा करके इतना आपको। देर से बैठा उसको सब समझ हूँ में आता है, मैं, उससे दीदी 70 आई किलो और के बाद घुसी और बोलने 25 लगी। किलो अब्दू की जोड़ के बली है, उतना उसके पास दिमाग है, समझ रहे, उसको सब कुछ समझ में आता है कब क्या बोलना है, समझे। इसके लिए तो वो क्या खेल रहा है ना, मुझे समझ में आ रहा है, ये सारे रोडीज के जो है ना खिलाड़ी होते थोड़े हैं वैसे, अभी सर हमेशा से हम लोग रोडीज देखते आ रहे तो उनके अंदर थोड़ा, जब उनके मतलब थोड़ा पॉलिटिक्स थोड़ा सब खेलते हैं वो, अरे फाइन विजय मेरे को मैम अच्छा कहाँ लगता गए, है वो, नेटवर्क फाइन। ड्रॉप हो गया क्या? थोड़ा नहीं है सर आसिफ भाई, थोड़ा नहीं है बहुत है, रॉडिस वाले और तो सर सीएसके गेम है, वाले को गेम है थोड़ा ना, नहीं तो है मुझे वो लेकिन कमेंट, गेम वो जो खेलेगा। कमेंट आया था, वो जो कमेंट हाँ आया था ना अंकित गुप्ता के लिए, मुझे उसका एक काउंटर हाँ देना है। भाई साहब आपने जो भी कमेंट दिया बहुत जेन्युइन कमेंट है आपका, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके बच्चे को अगर आप स्कूल भेजोगे, अगर आपका बच्चा कोई गलत चीज करता है तो टीचर अगर उसको डांटता है तो आप टीचर को जाके क्वेश्चन करते हो क्या कि क्यों डांटा मेरे बच्चे को? जो वो जो बच्चा जो सोच रहा है वो भी तो सही हो सकता है, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, तुम टीचर बनने के लायक नहीं हो, अगर तुम टीचर पे सवाल उठाओगे तो तुम फुदू दिखोगे। आपने भी वही काम कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि बिग बॉस उसको इतना सारा करके उसको डीमोटिवेट कर दिया। भाई साहब गेम खेलना ना सिखा रहे हैं उसको, वो बंदा इतना इनमेच्योरली और इनएक्टिवली वो जो चीजों को कर रहा है और वो जो डिसीशंस उसने जो लिया है उसमें उसका इनमेच्योरिटी झलक के दिख रही थी, अंकित गुप्ता की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं, अगर उसके जगह कोई भी टीना हो, शालीन हो या शिव ठाकरे हो,
या कोई है ना, कोई भी अगर दूसरा क्या बोलते हैं उसको, जो भी टास्क कंडक्ट करते हैं, अगर वो लोग होते तो संचालक, संचालक अगर वो लोग होते तो डेफिनेटली रिजल्ट्स विल हमार हमको वो रिजल्ट्स अच्छा लगते हैं, या फिर वो रिजल्ट्स कुछ और ही होते हैं, राइट। तो यही था कि बिग बॉस अनफेयर नहीं है, आप कुछ और ही देख रहे हो वहां पे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी सीइंग एनीथिंग, आप देखो आपको चीजें दिख जाएंगी। अगर बायसनेस की आप बात कर रहे हो, तो लास्ट में वो जो तीन लोगों को बुलाया गया वहां पे, टीना दत्ता क्या कर रही है? उसका अंकित के साथ कोई लेना देना है? उसको साजिद के साथ कोई लेना देना है? उसको फुटेज खाने के लिए काय के लिए बुला दिया अंदर? है, उसके जगह तो सौंदर्य कार्तिक शर्मा को भाई, बुलाना चाहिए था। कार्तिक भाई, बात हो मेरा रही है मानना ना? ये है, हाँ जी, मेरा मानना ये है, आज वाला टास्क में ये लोग अगर अच्छा से खेलते, दिमाग लगा के खेलते, ये लोग बदनाम भी नहीं होते थे, और बिग बॉस भी टोकते भी नहीं थे। इन्होंने पहले ही कलेश मचा दिया शुरुआत से, इन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया। मेरा मानना ये की है भाई, क्योंकि ले इसमें 5 आदमी में से तीन का तीन 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 करना है ना, तीन कम से कम निकालना है ना। अगर 2.5 भी निकाला थोड़ी ना होगा, तीन ही निकालना पड़ेगा ना कार्तिक भाई। तो उस हिसाब से इन्होंने दो दो मतलब क्लियर कट, उनको बगैर कलेश करके इनको छोड़ देना चाहिए था। आखिरी वाला मैडम प्रियंका का अगर दिमाग होता ना, तो आखिरी वाला अटका के रख देता, और सारे संचालक के ऊपर है। संचालक तो अपना है भाई, आखिरी वाला कुछ भी हो जाए अपन पास ही नहीं करेंगे, बस खत्म कहानी। इतना बड़ा कलेश ही नहीं होता, ये टास्क भी रद्द नहीं होता। तो इन्होंने अक्कल तो पहले बार लगाया नहीं है, और बाद में दूसरे को बोल रहे ये अनफेयर अनफेयर, और प्रियंका मैडम का अनफेयर का झंडा तो वो देख लिया मैंने आज, वो तो पूरा अंदर भी आ गया। लेकिन एक दिन पहले जो प्रियंका मैडम ने साजिद ने एक कमेंट पास किया, तो प्रियंका मैडम ने झंडा लेकर निकाल गया, साजिद सर आप ऐसा मत बोलिए, इसीलिए अनफेयर होता है, कभी भी आप लोग टास्क फेयर नहीं खेलते। तो उन्होंने कौन सा फेयर खेला आज? नहीं, और भी टास्क, जितना भी टास्क इनके पास मतलब इनके फेवर में था आज, 100% इनका फेवर में था, मेरा मानना यह है। क्योंकि ये संचालक उनका तो टास्क भी उनका, खत्म बात मेरे हिसाब से। अब कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उन्होंने और कलेश करके खत्म कर दिया। हितेश, हितेश भाई, विजया मैम, सबा मैम, आप लोग सब लोग यहीं कहीं भटक रहे होंगे, इधर आ जाओ जल्दी से ऊपर। समझ में आ रहा है आप लोग यहीं कहीं भटक रहे होंगे, ठीक है, आप लोग प्लीज काइंडली ऊपर सब। आइए। हाँ, आज पता नहीं कहाँ पार्टी कर रहे होंगे सब लोग मिलके, जल्दी से ऊपर आ जाइए, आप लोग की भी राय जाननी है। और वो भैया जो आते थे, वो जो प्रियंका के फैन, वो वाले भैया भी आ जाओ, उनका नाम मुझे याद नहीं है। पीयूष जी, पीयूष 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 पीयूष, पीयूष 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 भैया, वो भी आ जाए। पीयूष अच्छा, और हाँ, राजपूत, आसिफ जी बोल रहे थे, कुछ आसिफ जी बोल रहे थे, कुछ आसिफ जी आप बोलिए। ये गाइस फटाफट कमेंट लाइक कोई, करो। ये कमेंट हाँ कोई ले लेते हैं इनका, हाँ उसके ऊपर फिर कमेंट उसके ले बाद लीजिए। करेंगे। उठ मैं ले लूं क्या? ये टास्क कैप्टेंसी बदलने का था ही नहीं, ये तो बस इसलिए था क्योंकि कुछ लोग कुछ टाइम से बहुत अनफेयर अनफेयर चिल्ला रहे थे, यही तो हम बोल रहे हैं। अब क्योंकि अब आपके लोग आ गए 5 लोग फिर से, तो अब आप नहीं बोलोगे, अब आप बोल ही नहीं सकते हो, आपकी म्यूट हो जाओगे, और जो उनके फैन थे ना वो भी म्यूट हो जाएंगे, आएंगे भी नहीं। उनके फैन जो इधर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो भी म्यूट हो जाएंगे, स्टैंड लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो अब इसका डिबेट नहीं इसका क्या बोल डिबेट रहा नहीं है भाई, क्या कर बोल रहा है? अबे हम सकते। नहीं बोलेंगे, बिग बॉस से बुलवा देंगे, और बुलवा भी दिया बेटा, इतना बेइज्जती नहीं सहन हो रहा है क्या? और चाहिए आपको? तो वही भी बोल रहा हूँ, प्रियंका के फैंस अब म्यूट होकर अपने फैन अच्छा, मतलब बदल लेंगे, प्रियंका बदल के लेंगे, फैंस के सब बारे में बदल बात कर लेंगे, रहे हैं। अच्छा सब हाँ यार, बदल लेंगे। स्टैन तो ए भाई सुनना, स्टैन भी तो हमारे ग्रुप में थे ना, हम सब तो एक ही ग्रुप में थे ना, तो वो आएंगे तो तब बताना, मेरे को काय के लिए इशारा कर रहे थे, मारूंगा फिर तुम। और वो चीज जो था ना, कि जो ये लोग का एक झंडा लेके प्रियंका हमेशा खड़ी रहती थी, आप वो झंडा नीचे उतरते तो वो दिख गया, पूरा सब ऑडियंस को दिख गया कि ये फेयर फेयर का झंडा खत्म हो चुका है, अब दिया आप कोई अंकित भी चाचा ने कुछ भी बत्ती, कर आज सकता है इसमें टास्क में, अच्छा लगा वो भी मतलब देख के मुझे। अंकित, अंकित क्या ने दिया ना आज अच्छे से, हाँ बट वो भी हो गया। मुझे ना, मुझे ये अदर स्पैमिंग जी कह रहे कि आज विवि ने अंकित साजिद का नाम लेके शिव निमृत टीना को हिंट दिया है स्टैन को इविक्ट करने के लिए। स्टैन का नाम कहां से गया? स्टैन तो है? नॉमिनेटेड है भाई। अरे क्या बात करते हो आप लोग, स्टैन तो भाई कम क्रेडिट से माल ऑलरेडी फूका कर भाई, क्या देख रहा है नॉमिनेटेड तू? है, 4 वीक के लिए ऑलरेडी कम नॉमिनेटेड है, हिंट दिया गया है।
अच्छा अब मैम, इनके लिए और स्टेज इस साजिद के हफ्ता लिए लास्ट है। उनको ना बस उनको चढ़ाया गया है, उनको चढ़ाया गया है क्योंकि साजिद था नहीं, क्या लास्ट वीक था तो वो नॉमिनेशन में, लेकिन उसका इविक्शन नहीं हुआ। बट आई थिंक अब चाहते हैं बिग बॉस की उनका इविक्शन हो। और कुणाल भाई आपका 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 कमेंट मैं पढ़ लिया। कुणाल भाई आपका पॉइंट का रिप्लाई इसलिए सृजिता दे, वाई सृजिता दे वाई नॉट गौतम इसलिए पूछा गया क्योंकि सृजिता दे ट्विटर में जितनी गंद फैला के रखी है ना टीना दत्ता के अगेंस्ट में, वो आके सीधा गलाई पकड़ने वाली है टीना दत्ता की, तो इसीलिए उसी को लेकर आए कि आप एन चुगली करे वाला सिस्टम फिर से 2 हफ्तों के लिए चालू, ठीक है। और कलेज करो, और कलेज करो, कान फाड़ दो सबके इंडस्ट्री में जितने कान है, और हमारी टीवियां फोड़ दो तुम इतना झगड़ा करो, क्योंकि आज तो टास्क के दौरान किसी के मुंह से क्या निकल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं म्यूट कर दिया क्योंकि मुझे नहीं सुनना था, और मेरे घर वालों को तो समझ भी नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं करके, एक साथ 50 लोग मतलब वही वही वाली बात हो जाएगी ना ये। क्यों आसिफ भाई आपको कुछ समझ में आया पहले वाले राउंड में टास्क में कौन क्या बात कर रहा था? रियली में कुछ भी नहीं, कहे कहाँ कू कहा हो रहा था, इधर हो चाहे उधर हो सब लगे पड़े भाई, क्या अपना बस आवाज दिखा, सब लगे पड़े, तेरा ऊंचा है तेरा ऊंचा है बस वही। ओके टास्क कंडक्ट जो किए थे टास्क तो ठीक था, लेकिन इंडिविजुअली नाम अगर एक एक ग्रुप से इंडिविजुअल नाम जाते तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर ही होता, उससे ये भी हो जाता ना कि कोई नहीं, किसी सपोर्ट नहीं करता। जैसे लास्ट लास्ट सीजंस में होता ना कि आपसी सहमति से, तो जेलर्स का भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिखाई देता कि भाई आपसी सहमति से आप देखो कि कौन किस राउंड में जाएगा, इतने राउंड, बिल्कुल आपसी सहमति होना चाहिए था वहां, उन लोगों में से भी यही होना चाहिए था कि उससे क्या होता तीन लोग 5 कैदियों में से या 6 कैदियों में से जो 3 कैदी जो है टास्क विन करेंगे उनको कैप्टेंसी की दावेदारी मिलेगी, तो उनके अंदर भी कॉम्पिटिशन होता, और उसके अंदर भी ये हो जाता ना कि कोई किसी सपोर्ट नहीं करता, जैसा की स्टीव पार कर गया दीवार तो वो वाले बोलते अर्चना ऐसा बोलती नहीं 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 ऐसा भी हो सकता था, आप बिल्कुल आप जेल में डिवीजन करके रखे थे ना, 3 जेल 2-2 लोग थे ना अंदर, किसी 2 लोगों को बुलाते टास्क करा देते, अगर वो जीत हासिल करते तो वो 2 लोग का नाम फोटो पे चढ़ा देते और 2 ज्वेलर को भी ला देते या कुछ भी करते, या फेयर फेयर अनफेयर की बात नहीं है ये, टास्क जो भी कंडक्ट किए थे ना जो क्रिएटर थे वो थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये टास्क वो भैया जैसे बोले ना टास्क से मतलब ही नहीं था, बस कलेज करवाने के लिए ये चीजें हो गई, ऐसे हो गई वो चीज। ये कमेंट अगर स्पैमिंग जी का और ले लेती हूँ, अरे मैम बीबी ने क्या बोला, अंकित साजिद घर से जाना चाहते हैं ये पॉइंट बोला है, एंड स्टैन ने शिव निमृत एंड टीना के सामने, अरे मतलब आप कहने का मतलब समझे नहीं, वो तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है लेकिन अंकित और साजिद घर जाना चाहते हैं लेकिन उनको आप लोग नॉमिनेशन में डालते ही नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन में तो अंकित भी था, नॉमिनेशन में तो साजिद भी था, वो पॉइंट ऐसा था कि वो इस घर में कुछ करना नहीं चाहते हैं अगर, तो ये चीज जनता तक पहुंचाओ और ये बात उनके मुंह से बुलवाओ, ये बोला गया था वहां पे। अरे यार ये नहीं देने लगे, कार्तिक जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे जनता से बुलवाने, जनता के सामने बुलवाओ, अरे सर जनता पूरा एपिसोड देखती है, जनता के को तो पता ही है ना क्या क्या चल रहा है वहाँ, बिग बॉस का मैसेज था वहाँ पे कि आप वो जब आपको पता है वो बोलते हैं मैं घर जा रहा हूँ तो आप उनको क्यों कप्तान बना रहे हो, क्यों उनको हाथ में पावर देते हो, और ये निमरी टीना को स्पेशली बोला गया था कि टीना आपको भी हम देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि टीना ने भी 1-2 दिन उनको सपोर्ट किया था ना, अभी लास्ट टास्क में भी वो अंकित के सपोर्ट में खेली थी ना, इसलिए बिग बॉस बोल रहे हैं जनता वाले वर्ड तो यूज हुआ था ना हितेश भाई, नहीं वो तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, ये नहीं घर जाने के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये टास्क एक तरफ था, मतलब इस ग्रुप के लिए था या उस ग्रुप के लिए था, वो पॉइंट ऑफ व्यू निकालो, घर वाली बात नहीं, घर वाला तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें, तो ओपनली बोल ही दिया, जब उसमें तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी बच जाता है, फिर उसको जाना है जाना है बस बात खत्म, वो ही पॉइंट ऑफ व्यू था, लास्ट वाला दोबारा देख लेता हूँ। बिग बॉस ने ये बोला था कि वो उनको ऐसा क्यों लगता है कि हम जो टास्क हैं वो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि भाई ये वाली टीम जीते या वो वाली टीम जीते, ये चीजें उनके दिमाग में क्यों है, ये आप उनके दिमाग से निकलवाओ, ये बोला था उनके मुंह से निकलवाओ कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उसका रीजन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकलवाओ, मुझे वो नहीं समझा। और ये 3 लोगों को निकालने का मतलब मेरे हिसाब से ये लग रहा है बिग बॉस इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है तुम लोग मिलके खेलो, जैसे निमरित को ऐसा ही शिप से लाकर भिड़ा दिया था, वैसे टीना को भी, टीना का भी कोई आता पता ज्यादा है नहीं है पूरा ये 10 हफ्ता में, अरे टीना भी वही पीछे, सर बिग बॉस सिंपल सी चीज आप अभी भी नहीं समझ रहे, बिग बॉस सिंपल सा है, बिग बॉस ऐसे बोल रहा है उनको
जो लोग शो में कम योगदान है ना उनको टारगेट करो, उनको बाहर निकालो, जिससे हमको इजी हो नॉमिनेशन में, उनको बाहर निकालना। आप समझो बिग बॉस फेयर खेलना चाहता है इस बार, बिग बॉस जो जिसके वोट कम है उसको उस हिसाब से निकालना चाहता है, इसलिए वो उनको सिचुएशन दे रहा है कि आप ऐसे करो। लोग ये बोलते ना साजिद को नहीं निकालना चाहते, ऐसा नहीं था। मैं बताऊँ इतने दिन से बोल रहा था साजिद को आप वो दो लोग डाल ही नहीं रहते, वो खुद ही नहीं कर रहे थे, तो बिग बॉस क्या करेगा। बिग बॉस तो बोल रहा है उसको भी डालो, अगर तुमको उससे प्रॉब्लम है उसको डालो, लेकिन तुम डालते ही नहीं हो, तुम लड़ते ही नहीं हो। पर बिग ठीक है बॉस ने फिर, बोला लास्ट वीक ना, तो था ना साजिद तो नॉमिनेशन लास्ट वीक तो डाला गया था ना निकाला हितेश भाई। अरे नहीं, अरे पिंक सर कैंसिल कर दिया सुनो बिग सुनो बॉस ने सुनो, तो नॉमिनेशन लास्ट ही। वीक का, लास्ट वीक का हमको हमको थोड़ी पता है किसके वोट आए थे किसके वोट नहीं आए थे, वो एक अंदाजा लगता है अपन पास जो आता है ना उसमें, लास्ट के जो टॉप टॉप नीचे होते हैं ना उनमें पता नहीं चलता है, वो सिर्फ एक अंदाजा होता है देखो, और रियलिटी नहीं लेकिन पता ना। लेकिन लास्ट में जो आया था ना उसमें टीना दत्ता सबसे बॉटम में आ रही थी, कि टीना दत्ता को सबसे कम वोट मिले हैं यही तो मैं तो बोल रहा हूँ कोहली ना, को तो टीम में उसमें डाल रहा था। उससे अंदाजा नहीं लगा सकते हम तो। और ऐसा नहीं है बिग बॉस कब तक बचाएगा ये बताओ ना आप, एक इस वीक भी इतना नॉमिनेशन थोड़ी बचा लेगा, तो वो करने को तो करना ही पड़ेगा ना बिग बॉस को लास्ट। तो बिग बॉस वही बोल रहा है उनको कि आप ऐसे लोगों को फंसाओ, ऐसे लोगों को डालो जिससे हमको इजी हो, जो जो करना नहीं चाहते। आप उनको तो नॉम कैप्टन बना के छोड़ देते हो, फिर हम किसको डाले, किसको बाहर निकाले फिर नॉमिनेशन में, समझे। तो वो बिग बॉस उनको बोल रहा है ओपनली, सिंपल सा एक मैसेज दे रहा है उनको, अब उनके इनडायरेक्टली समझ में बिग आया बॉस नहीं ने आया। इनको ही फेवर किया है, इन लोग को कब का बाहर टीना चल जाती है, लेकिन इनको फेवर करके रोक देगा, नहीं तू नहीं डिजर्व करती जाना, तेरे से पहले साजिद डिजर्व करता है, तेरे से पहले अंकित डिजर्व करता है, और देखो लोग रियलिटी जाएंगे में टीना उसके बाद। करती भी नहीं है, क्योंकि वही टीना वही डिजर्व वही डिजर्व बाहर जाना करती, क्योंकि टीना खेलती है, चाहे वो नेगेटिव खेले पॉजिटिव खेले, तो वो खेल तो खेल ही थी ना, योगदान शो में है उसका मींस ये। अब ऐसे तो इसीलिए तो हम कहते हैं एमसी स्टैन को जाने के लिए, क्योंकि उसका योगदान नहीं है ना, चाहे वो अच्छा है वो सबको पता है, रियल भी है सब चीजें कर रहा है, बट उतना योगदान नहीं है ना जितना और अगरवालों का है, तो वो पॉइंट पर अटकती है ना कहानी तो सारी, तो वही पॉइंट है बस। और ये एक चीज और क्लियर हुई आज के लोग एम सिस्टम मेरे, वो प्रियंकित वाले है कहाँ आज, मेरे को दिख नहीं रहे वो, कौन आ भी नहीं रहे 2-3 दिन, उनके पास बोलने को नहीं बचा कुछ, मतलब वो एक पॉइंट देते थे एम सिस्टम घर जाना चाहता है तो उसको घर, अब अंकित जाना चाहता है घर, अब उसके लिए तो चला दो कोई ट्विटर पे ट्रेंड, उसके लिए तो बोल दो आके कि अंकित घर जाना चाहता है उसको बाहर निकालो बिग बॉस, उसके लिए नहीं बोलेंगे, उसके लिए तो उसको तो विनर देखना चाहते हैं, उसको टॉप 2 देखना चाहते हैं, उसको टॉप 5 देखना चाहते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड ही तो ले डूबता है तुम लोगों को। अब पॉइंट ऑफ व्यू रखो तो सेम रखो ना, हम तो बोलते हैं उसको घर जाना है तो भैया बिग बॉस घर भेज दो, तुम तो आके बोलो प्रियंक उसको अंकित को घर जाना है, बिग बॉस उसको निकालो, लेकिन तुम तो कहते हमको तो टॉप 2 में देखना उसको, यही तो है दोगलापंथी, ओपनली बोलो ना। और अभी भी आज भी देखिए हम लोग सब लोग बैठ के ये नहीं बोल रहे कि अंकित ने कुछ गलत किया, ये बोला उसका भी पारी आई, उसने भी वैसे खेला अनफेयर, कोई बुरी बात नहीं, सब करते हैं, सब खेल, वो भी खेलेगा, तो यही हम लोग जो अंकित के। और हाँ ये जो बिग बॉस ने आज बोला है ना उनको कन्फेशन रूम में बुलाकर, ये क्लियर हो गया कि इस हफ्ते भी नो इविक्शन होने वाला है, कोई बाहर नहीं जा रहा इस हफ्ते, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग कंटेंट मतलब जो कंटेंट दे रहे हो उनको तो आप नॉमिनेशन में डाल रहे हो, और जो वीक कंटेस्टेंट है जो बोल रहे हैं हमें जाने, जो कुछ देखो कर नहीं रहे शो में, उनको आप नॉमिनेशन में डाल नहीं मैं, रहे हैं। मेरे को लग रहा है इस बार बिग बॉस में भी कुछ पक रहा है, वो देखते हैं अभी वीकेंड तक आएगा कुछ ना कुछ, कुछ और गड़बड़ हो सकता है मुझे एक और भी मेरे हिसाब हिंट से लग भी, रहा है कि ये एक्सटेंड होगा शो, आई थिंक सो, वो जैसे तो लग होगा रहा ही है चीज कंफर्म, वो तो कंफर्म सुपर हो हिट है तो गया। होगा ही, वो तो सुपर हिट चल रहा है तो शो तो होगा ही ना आगे, इस बट हफ्ता है ना क्या एलिमिनेशन तो है सर, कुछ किसी देखो भी एक सीन किसी में भी हालत में, यहाँ पे कोई एग्री नहीं कर वही रहा है, लेकिन मैं ही अकेला बंदा हूं। नहीं मुझ नॉमिनेट नो वो एलिमिनेट तो होगा, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है बिग बॉस जिस हिसाब से एमसी स्टेन की बार बार वो चीज दिखा रहे हैं ना, क्योंकि उस हाँ देखो कुछ भी शो में दिखाते हैं ना उसका एक रीजन होता है इसलिए दिखाते हैं रीजन हमको, तो होता है, बार बार वो मुझे भी बोलता ऐसे हुआ ही दिखा रहे हैं लगता ना मुझे घर जाना है। घर जाना है, या तो देखो बिग बॉस उस बार सलमान खान उसको बहुत बुरी डांट पिटाने वाला है कि भाई तू ऐसे हाँ बार बार क्यों बोलता है, तू क्या लेने आया है फिर, ना मैं या दो फिर करोड़ भी दे दूंगी, ये भी बिग बॉस करूंगा। उसको उसको ऑफर देने वाला है वॉलेंट्री एग्जिट का, कुछ ना कुछ तो अच्छा गड़बड़ करने वाला है बिग बॉस, क्योंकि जिस हिसाब से बार बार दिखा रहे ना तो उसका रीजन कुछ ना कुछ तो वीकेंड के बाहर पे कुछ ना कुछ तो उसका इशू उठेगा उठेगा, नहीं तो बिग बॉस दिखाता नहीं हमको, जो बार बार दिखा रहा है ना एपिसोड स्टार्ट होते कई बार दिखा दिया तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है, क्योंकि उसके अलावा भी एमसी स्टैन कई चीजें कर रहा है बोल रहा है, लेकिन वो नहीं दिखा रहे, बिग बॉस वही दिखा रहा है मैंने जो बोला ना कल वो बहुत एक्टिव था, सबके साथ बहुत एंटरटेनमेंट भी कर रहा था, हाँ पूरा दिन एक्टिव रहा है कल वो, लेकिन हमें वो कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ उसका बस ये एक क्लिप दिखाया है, टीना के साथ बैठकर उसने वही सारा कितना डिस्कशन किया वो कुछ भी नहीं दिखाया, बस ये एक क्लिप दिखाया उसका। वही वही आज बोल रहा भी हूँ, तो तो टास्क में पूरा इतफाक था, मैं सबकी जैसा आज भी क्या कौन सा गलत था, आज भी सही था वो। नहीं वो कुछ और हमेशा बोल रहे टास्क हैं में मुझे। इन्वॉल्व होता है, टास्क में तो कभी आज तक ही नहीं हुआ मोइन जी ऐसा कि वो टास्क में इन्वॉल्व नहीं हुआ, मुझे बताओ ना कब कौन से टास्क में इन्वॉल्व नहीं होता, हमेशा होता है टास्क में तो इन्वॉल्व, वो तो लोग बोलने के लिए बोलते हैं वो कुछ नहीं करता,
अच्छा अच्छा देखो भाई भी अंकित बोलता है सर। अंकित से ज्यादा करता है, मैं आपको ओपनली बता दूं, क्या नाम है, सुम्बुल से ज्यादा वो कंटेंट देता है, अंकित से ज्यादा कंटेंट देता है, इजी इजी देता है वो उन दोनों से ज्यादा। उसके प्रॉब्लम एक ही है बस, वो बोल देता है कि मेरे को घर जाना है, इसलिए लोग उस पर अटैक कर देते हैं कि उसको तो खेलना नहीं है, उसको जाना है, सिंपल सी चीज है। योगदान की बात करें तो अंकित के तो हाथ मुंह धुला धुला कर जो है बिग बॉस ने टास्क करवाए हैं, दो तीन टास्क तो हम कितने किए ही नहीं है, पार्टिसिपेशन भी नहीं किया। पहले वो हाथ मुंह धुला के करवाया था वो चेयर वाला टास्क जिसपे शिव और क्या नाम है एमसी स्टैन आगे गए थे, फिर वो जो राशनिंग वाला टास्क था उसमें बिग बॉस ने स्पेशली बोला था कि अंकित आपको भागना है इसमें, लेकिन वो नहीं भागा, वो कह रहा बाद में जो राशन बचेगा वो साजिद सर और जो है अब्दुल रोजिक मुझे खुद ही दे देंगे। लेकिन एमसी स्टैन जिस टास्क में था ना आज भी वो पूछ रहा था कि तीन बंदे जाएंगे क्या जाएंगे कैसे जाएंगे, वो बोल तो रहा है मुझे घर जाना है लेकिन वो अपना हाँ। पार्टिसिपेशन 100% देता है। लेकिन और ट्राई भी मार रहा था। अंकित को घर भी जाना है और उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करना है। मुझे और एक बात मैम ये तो बिग बताइए, बॉस ने भी क्लियर कर दिया ना, दो 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 या तीन बार अंकित ही है घर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन करने वाला, जैसे कि कल या परसों बोला, नहीं आज भी बोला, बिग बॉस ने क्लियर कर दिया ना। समीर सर अपना कैम ऑन कर वो लीजिए, सब अखिल जी, कुछ ठीक कुणाल जी था, आप भी अपना कैम वो ऑन कर सब कुछ लीजिए। ठीक था। मुझे मुझे एक बात बताइए, ये प्रियंका जब तो टास्क जब कर रही थी तो तब वो जो मतलब वो क्या बोलते हैं, अर्चना जब भाग के आई वो अंदर घुसना चाहती थी, तो तब वो तुम ऐसा नहीं घुस सकते बोलने के बजाय तुम डिस्क्वालीफाई 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 काय को यस चिल्ला रही थी? वो होती कौन है पहली बार की वो डिस्क्वालीफाई या क्वालिफाइड डिसाइड करने वाली है ना? टास्क है, तुम टास्क कंडक्ट करवा रहे हो, तुम भी अंदर कंटेस्टेंट हो, वो भी अंदर कंटेस्टेंट है, और मतलब जज कोई और है, और तुम पहले से क्यों चिल्ला रहे हो? मतलब ये पूरी तरह प्री प्लान्ड ही था उन लोग के से कि भाई साहब इसको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और उसी चीज को साजिद पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए थे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उसको, कि साजिद ये पहले से बोला है कि तुम लोग काय के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हो जबकि एंड ऑफ द डे तुम डिस्क्वालीफाई ही होंगे मेरे भाई, मुझे उस इतना पॉइंट पे एफर्ट वो क्यों सही डाल लगा रहे था, हो? मुझे उस पॉइंट पे वो सही लगा था। तो यहाँ क्या है, बिग बॉस एक्सपोज हो गए ना, तो उसके चलते क्या है कि बिग बॉस को लग गई मिर्ची और लगा दी आग दोनों तरफ से, बोल दिया कि भाई साहब ये बंदा इतना एक्सपोज क्यों कर रहा है हमें, चलो इसको पीठ पीछे इसका फूट डालते करके तीन बंदरों को बुलाए बिठाए और गांधी जी का ज्ञान दिया गया, और प्लीज बाहर प्लीज जाके वो किए कुछ नहीं। प्लीज प्लीज और वहां पे देखिए वहां पे लोगों का नाम भी बदल गया है, यहाँ पे स्टैंड लिख के आए हैं कुछ लोग, ठीक है, और वहां पे लोगों की हिपोक्रेसी देखिए, जब साजिद को समझाने की बारी आई तो पहले निमृत को भेजा गया ना कि शिव ठाकरे खुद गया था, ये बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि जो वो वहां पर पासा राउंड किस तरह लगा रहा पलटेगा था। किसी वो पासा किस तरह पलटेगा किसी को नहीं पता था, ठीक है। अगर वो चीज वो एग्री कर जाते तब जाके वो फिर से वापस आके वही चीज को सेम चीज को दोहरा के मैंने निमृत को भेजा करके वो समझाता, अगर वो पासा उल्टा पड़ गया, अगर उनका रिएक्शन कुछ और आ गया, तो उस दौरान वो कहीं पे भी घुसता भी नहीं, कितना ब्रेन यूज कर रहा है, मतलब गेम खेल रहा है, मतलब खेल रहा है, कोई सगा नहीं है उसका नंबर्स के लिए अपने पास, चाहे निमृत हो, स्टैन हो, अब्दू हो, इवन कोई भी हो, उसका पहना हुआ कपड़ा भी उसके लिए एक नंबर ही है, ठीक है, वो उसको अरे भी यूज सिंपल करेगा कि मेरा कपड़ा फाड़ दिए। आज सिंपल तो सी बड़ा चीज अच्छा देखो ना, खासा बिग बॉस टाइम के मिल कहने गया पे, समझाने के लिए भी, बिग बॉस के कहने आज तो पे बड़ा वो अच्छा खासा साजिद, शिव जी को टाइम भी मिल गया था किसी को कंसल्ट करने के लिए, आज सिर्फ आज, वो शायद निमृत निमृत उसका नाम निमृत है, अच्छा हाँ निमृत है, ओ स्टैन नहीं है ना, निमृत है, अच्छा, हाँ इधर जी बोलिए आप कंसोल आपने करने के बोलिए। लिए शिव शिव को। हितेश जी कुछ बोल रहे थे आप। हाँ मैं यही बोल रहा था, आज जो टास्क था ना बिग बॉस ने जो टास्क दिया था उसमें बिग बॉस 1% भी गलत नहीं था, और अगर उसको कोई गलत यस बताया रहता है ना तो मेरे से आराम से जिद बहस कर सकता है, मैं बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ कि बिग बॉस की 1% फॉल्ट नहीं थी उसके अंदर। वो कैसे, देखो इजी 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 चीज है, बिग बॉस ने एक को टास्क दिया, आप ये आप बोलते हो फेयर एंड फेयर, बिग बॉस चाहता था उस टीम को जिताना, मैं आपकी ये भी बात मान लेता हूँ, चलो बिग बॉस ने वो टास्क इस तरह अरेंज किया था कि उसको जिताना मान लिया, बट लेकिन उसके लिए आपको प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी ना, वो ही तो दिखाओ बिग बॉस का मतलब क्या था, आप प्रक्रिया पूरी करो, आप फेयर हो अनफेयर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रक्रिया ही पूरी नहीं होने दे रहे। आप दूसरी टीम की बात करते हैं साजिद ग्रुप की, समझना, लोग कहते हैं वो भी तो अनफेयर होते हैं, वो मान लो अनफेयर होते हैं, लेकिन कभी भी देखो वो अनफेयर होके टास्क जीतते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है टास्क को रद्द कर दिया गया है, बहुत डिफरेंस है उस चीज में, समझो
बिग बॉस को ये प्रॉब्लम नहीं है आप किसको कैप्टन मान रहे हो, किसको टीम को जीत रहे हो, बिग बॉस को प्रॉब्लम है आपने टास्क ही नहीं होने दिया, फेयर अनफेयर तो जनता को डिसाइड करने दो कौन फेयर है कौन अनफेयर, बट आप टास्क तो करो। अगर अंकित और प्रियंका वाली टीम टास्क को करके उसमें कुछ और गड़बड़ निकाल के उनको हराते ना, जब चीज समझ में आती, उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया तो टास्क कैसे कंप्लीट होगा, बिग बॉस ने दोबारा राउंड क्यों नहीं किया, क्योंकि अंकित ने बोला मैं डिस्क्वालीफाइड करता हूँ सबको, जब सब डिस्क्वालीफाइड हो गए टास्क कौन खेलेगा आप बताओ, टास्क कौन खेलता है वहाँ, टास्क नहीं खेल सकता। डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड पे किया गया, डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड पे किया गया, छीना छपटी पे किया गया ना, अगर उनके भाषा में मैं बोलूं तो, पहले अगर चलो मान के चलते कि सौंदर्य को इन लोगों ने खींचा इसलिए डिस्क्वालीफाई किया, तो दूसरी पॉइंट पे जब तीसरा टास्क हो रहा था तब तो प्रियंका खुद लोगों को खींच रही थी, तो वो खींचता नहीं, मैं उनको डिस्क्वालीफाई करवाना चाहिए था, इनको डिस्क्वालीफाई करने का क्या मतलब, अरे वो टास्क में डिस्क्वालीफाई का नियम ही नहीं था, डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकते थे। आपको आपको ये बताना है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आप रीमैच करवा दो, आप बोलो कि नियम नहीं बना, किस खेला लो बोलो, कि ये बोलना था आपको, ये बोलना था कि प्रियंका इस राउंड में जीतती है या फिर सौंदर्य इस राउंड में जीतती है, लेकिन आपने ना इस टीम को जिताया ना उस टीम को जिताया, आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। देखो सिंपल सा, अगर उसको चीटिंग करनी थी ना, सुनो सुनो सुनो, आपने जब दो डिस्क्वालीफाई किया तो दो विनर ही नहीं हुए आपके, एक का ही विनर था, क्या हो सकता था मैं बताऊं, टीम के थे इसमें एक ही चीज हो सकती थी, जैसे वो उसने टनल पार कर लिया अर्चना ने, प्रियंका को धक्का बुक्की कर कुछ भी समझ लो, तो वहां पे उसके पार होने के बाद अंकित ये बोल सकता था कि सर मेरे को लगता है इसने ये टनल सही तरीके, जो बिग बॉस ने बोला था ना आप डिसाइड करोगे किसने कूदा किसने टनल पार किया, वहां वो अगर चीटिंग करना है तो उसको वहां बोल सकता है वो, बट वो ये बोलते मैं इसको डिस्क्वालीफाई करता हूं, तो वो गलत है, बिग बॉस ने बोला आराम से वो बोल सकता था ना कि बिग बॉस इसने पार ही नहीं किया ये हार गई, तो वो एक चीज समझ में आती है, आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे तो फिर टास्क कौन खेलेगा, तो वो बिग बॉस का लपड़ा था सबसे बड़ा, लेकिन वो इन लोगों को समझ में नहीं थी, इनको तो एक ही थी रट, अरे तुमने भी तो अनफेयर किया था, तुमने भी अरे अनफेयर तुम भी कर लो, लेकिन तुम करो तो सही, तुम कर भी नहीं रहे हो और तुम बोले जा रहे हो बस, तो प्रॉब्लम ये, वो साजिद वाली टीम टास्क जीतती थी हमेशा, देखो आप चाहे अनफेयर करे चाहे फेयर टास्क जीतते थे वो, ये टास्क ही नहीं जीत रहे, खेल ही नहीं रहे। अब देखो सबसे बड़ी गड़बड़ बिग बॉस ने क्या की, बिग बॉस तो उल्टा मैं कहता हूँ इनको बचाता है, आपको ध्यान होगा एक इंसिडेंट में बाथरूम में सुम्बुल प्रियंका और शालिन लड़ रहे थे, प्रियंका बोल रही मैं जाऊंगी, शालिन वो सुम्बुल बोली मैं जाऊंगी, देखा था आपने, उसके बाद हमको नहीं बताया गया उनके बीच कैसे एग्रीमेंट हुआ, आके सुम्बुल आई है उस टास्क में, वो हमको क्यों नहीं बताया गया, आप देखो उसमें हमको यही नहीं बताया गया उनको कैसे मानी सुम्बुल, मतलब प्रियंका कैसे मानी सुम्बुल को भेजने के लिए, वो हमको दिखाया नहीं गया, डायरेक्ट सुम्बुल को हमको आते हुए दिखाया गया, जबकि एक सेकंड पहले वो लड़ रहे थे, बट उसको काट के बिग बॉस ने डायरेक्ट सुम्बुल को भिजवा दिया पहले राउंड में, देखा हमने, तो वो तो हमको पता ही नहीं चला ना वहाँ पे सुम्बुल ने क्या किया या प्रियंका ने कैसे हारी या प्रियंका कैसे मानी, सुम्बुल को बोल रहा था शालिन के ये तेरे से स्ट्रॉन्ग है, तेरे को तू हम पे ट्रस्ट की बात करी ना, तो तेरे को भी तुम पे ट्रस्ट है, तो हमको प्रियंका को जाने दे, आप वापस देखोगे ना उसको तो पता चलेगा, सुम्बुल को बोल रहा था वो शालिन के प्रियंका को जाने दे, उसके बाद बिग बॉस ने कट कर दिया वो एकदम से क्लिप को ही, फिर उसके बाद उनका डिस्कशन क्या हुआ क्या नहीं हमको पता ही नहीं चला, और आपकी बात अगर ये भी मान लेते हो उसने सुम्बुल को बोला, लेकिन उसके बाद का तो कन्वर्स ऐसा तो नहीं ना उस बात को सुन के प्रियंका मान जाएगी, प्रियंका तो आर्ग्यूमेंट करती ना, प्रियंका का आर्ग्यूमेंट तो हमको दिखाया ही नहीं, तो वो काट दिया गया है वो बिल्कुल ही सीन, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मतलब वीक साइड दिखता ना फिर, आप समझ रहे हो, क्योंकि उनको बिग बॉस को दिखाना नहीं था, तो वो इस चक्कर में वो पूरा सीन ही उड़ा दिया बिग बॉस ने, सिंपल पूरा। मुझे लगा कि सुम्बुल को बोला उसने, प्रियंका को बोला कि तुम्हें सुम्बुल के ऊपर विश्वास है या नहीं है, तो उसने बोला वहां पर प्रियंका अग्री हो गई थी उसको सेकंड राउंड में, लेकिन प्रियंका कैसे एग्री होगी सोचो ना, प्रियंका तो ओपनली बोल रही थी उसने सुम्बुल को, सॉरी हितेश भाई, यहाँ पे सुम्बुल और प्रियंका एक दूसरे को गले लगा के बोल दिया था नहीं अब तुम ही जाना, शालिन ने बोला था सुम्बुल प्रियंका को ये कि तुम्हें इसके ऊपर विश्वास है, उसने प्रियंका को बोला था सुम्बुल के लिए कि तुम्हें इसके ऊपर विश्वास है, बाथरूम में बोला था क्या, बाथरूम में बोला था मैंने कैसे नहीं देखा वो, उसी चीज के ऊपर शालिन और सुम्बुल ने हाथ मिलाया था, फिर उसी चीज का पॉइंट तो ये साजिद निमरित और ये सब बाद में उठा रहे थे कि निमरित जब वो शालिन से, क्या नाम है, सुम्बुल जब वो शालिन से बात कर रही थी, बोला था शालिन के लिए बोला था,
इतना सब कुछ मैंने देखा ही थी, या तो हो सकता है वो मेरे मेरे मैंने वो उसको फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि मैंने आज एपिसोड हाँ लाइव में वो नहीं होता देखा। है कभी कभी। हाँ हाँ लाइव में नहीं देखा, तो हो सकता है वो मेरे को निकले। मेरे को ऐसा लगा कि बिग बॉस ने वो पॉइंट ही हटा दिया कि भैया कैसे शालिन सुम्बुल को ने उन्होंने एकदम। नहीं, शालिन ने साफ शब्दों में वहां पर पूछा, नहीं वहां पर पहली बात तो बिल्कुल क्या बोलते, सुम्बुल ने चिल्लाया, मैं क्या तुम लोग को नहीं बेवकूफ दिखती हूँ क्या, मैं खेलने बोला। आई हाँ हूँ वो यहाँ तो मैंने ये वो देखा था। करने से। हाँ तुरंत हाँ उसने जाके हक किया, तो तुरंत वो बोले कि मैं जाना चाहती हूँ, तो फिर शालिन ने बोला कि कैन आई ट्रस्ट यू, उसको पहली बार कि यस वो सुम्बुल को ही पूछा कि कैन आई ट्रस्ट यू, तो उसने सामने से जवाब दिया हाँ जी मुझे आप ट्रस्ट कर सकते हो, और एट द सेम टाइम प्रियंका भी एग्री हो गई उस चीज से, तो वो चली आई। बट इस सर टास्क में ना मेरे को तो सुम्बुल लगता ही है पॉइंट समझी थी। इस सुम्बुल ने जो लास्ट में सुम्बुल पॉइंट ही दिया था ना, वो समझी बिल थी। हाँ हाँ उसने वो सही पॉइंट दिया था कि उस वो टास्क ही ऐसा था कि उसमें जीना जपटी या जो वो हो रहा था ना फिजिकल, थोड़ा सा वो जो प्रियंका बोल रही थी फिजिकल फिजिकल वो होगा ही होगा, क्योंकि हाँ 1 vs 6 जने थे वो, तो वहां पे वो होना ही होना था। तो उनको वही तो चीज को क्लियर करना था कि उससे कैसे बचना है। अब वो तो चाबी को ही रख रहे हैं जेब में, या वो उनको बोल रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, जब प्रियंका ग्राउंड में बोली बैठ जाओ वहां पे, तो अगर वो सबको बिठा लेगी फिर टास्क कैसे होगा? तो वो तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे ना वो, तो वही उनका सर प्रॉब्लम है, उनको बस मेरे टास्क ही हिसाब समझ में से नहीं तो आया। सर मेरे हिसाब से तो इन्होंने समझा ही नहीं है, इसीलिए पहले बात तो ये सारे टास्क का दरमादार था अंकित के ऊपर, इनको राय लेने का हाँ कोई राय ही नहीं है, क्योंकि ये बिग बॉस ने बिल्कुल ये बिल्कुल दो ग्रुप में बनाया था, बिग बॉस ने दो ग्रुप में बनाया था, ये नहीं बोला था तुम इंडिविजुअल, तुम्हें विनर घोषित किया जाएगा, तुम्हें विनर घोषित किया जाएगा, पहले बात तो इन्होंने टास्क समझा ही नहीं है। अगर कुछ भी कर ले, करने का बाद अगर आकर अंकित बोल देता नहीं तुम डिस्क्वालीफाई हो, इन लोग को खेलने वाला कौन होता है डिस्क्वालीफाई, ये लोग ग्रुप में, ये अंकित को भी यही बोलना है ये ग्रुप जीता है, या तो ये राउंड ये पुलिस वाले टीम जीता है, या तो ये राउंड कैदी वाला टीम जीता है, ये ऐसा बोलना है, और यही लॉजिक था बिग बॉस का। बिग बॉस मेरे को लगता है इनका आईना दिखाने के लिए इनको ऐसा ही किया है टास्क, और इन्होंने अपने आप इंडिविजुअल हिसाब से ही ले लिया कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, लेकिन ये लोग का पास अक्ल ही नहीं है, नहीं तो ये लोग समझा आराम से ये लोग टास्क जीत सकते थे, अब अंकित बना वाला कौन है टीम या कैप्टन, आखिर वाला ये टीम। पता चला कि कौन कैप्टन बना है? नहीं अभी कहाँ है तेजी, वो तो टास्क ही रद्द हो गया ना, कैप्टनसी की दावेदारी का ही टास्क रद्द हो गया, वो तो नहीं बिग रद्द बॉस कहा हुआ, का पांच जनों को बोल दिया ना बिग बॉस ने, वो टास्क। जीत अरे गए। हाँ, पांच अरे जनों को बोला, लेकिन रद्द अभी नहीं देखो तो हुआ, मंडे को होगा, नॉमिनेट हुए हैं, अभी कैप्टनसी टास्क होना बाकी है मंडे को होगा, मैम। वो मुझे मंडे को ये होगा बस ग्रुप नॉमिनेट दावेदारी हुए हैं का ना, टास्क। मुझे जहां तक हाँ समझ ये में आया बस है नॉमिनेट हुए हैं मेरे को, नहीं मेरे को लग रहा है अभी जो ये वाइल्ड कार्ड आएंगे ना वो चूज करेंगे आके उनमें से पांच में से कोई कैप्टन, टास्क का मुझे नहीं नहीं, लगता हो कराएंगे। चुके हैं भाई, मैं बताता हुआ कि जो जो जिन जिनको शालीन ने तो, क्या कहते हैं अपना बंदा ये अंकित ने सेव किया है ना कैप्टेंसी के लिए, वो लोग उसके लिए वो जो पुलिस वाले थे वार्डन बने थे, वो लोग जिसमें सुम्बुल प्रियंका शालीन और ये लोग जो थे, ये लोग सबके सब कैप्टेंसी के दावेदार हैं नए, और बाकी जो दूसरे वाले हैं वो लोग कैप्टेंसी के दावेदार नहीं बनेंगे, वो लोग दूसरे अब उस ग्रुप में नहीं रहेंगे, क्योंकि अंकित ने एक तो टास्क सही से समझा नहीं, अंकित ने करना ये था कि सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कौन क्वालिफाई, यानी कि कौन सा राउंड में कौन सही हुआ है और कौन सा राउंड में कौन सही से क्लियर कर पाया है, और वहां पर वो लोग चारों ही सही से राउंड क्लियर कर लिया था, बिग बॉस ने साफ साफ बोला तक अंकित की सही से क्लास लगाई थी कि देखो आपके कहने के मुताबिक पहले राउंड में हमें एक चाबी चाहिए थी, जो कि वो पूरे का पूरा एक चाबी का इम्पोस्ट मिल प्रिंट मिल रहा है, हमें दो मिल गए, आपने वहां पर भी कह दिया कि राउंड नहीं है, तो ये वहां पर पूरा का पूरा एक तरह से अंकित को पूरा का पूरा शीशा दिखा दिया था कि भाई आप कर रहे क्या हो। यही चीज थी मैम, तो बाकी वो उसने आज फेयर अनफेयर का भी पता चल गया कि कैसे खेलते हैं ये लोग। ये लोग पैदल अक्कल है सर, मेरे हिसाब से ये लोग पूरा अरे पैदल अक्कल खेलते है, ही इनके नहीं पास है, अक्कल भी खेले अभी उसके नहीं, बाद होता है फेयर अनफेयर, तो पहले खेल लो तो सही उसके लिए। वही तो कह रहा हूँ सर, ये लोग पैदल अक्कल है, उनके पास ये स्ट्राइक ही नहीं हुआ किस बेस पे ये खेल होगा, इनके पास क्लियरली विनिंग का, क्लियरली विनिंग मतलब संचालक जिस तरफ विनिंग उस तरफ, सीधा बात है कुछ हमको ना भी हो जाए। आते हैं, हम लोग तो आते हैं और जो मतलब जो भी होता है मतलब एकदम क्लियर साफ शब्दों में बोल देते हैं और हमारा डिबेट खत्म हो जाता है।
मैम पहले टास्क दूसरे में पता है क्या था, बोलर पहले टास्क में अगर चाहता है ना वहां पे को सौंदर्य चाबी उठा के ना, जब जैसे टास्क शुरू हुआ था वो उस तरफ फेंक देती, जो दूसरे वार्डन है ना उस तरफ दे देती, कुछ भी नहीं हो पाता और टाइम पास इन्होंने होता रहा टास्क नहीं कुछ। खेला, आज सिर्फ खुन्नस निकाला है। यस यहाँ पर अच्छा दिमाग सौंदर्या को भी ना, लेकिन सौंदर्या का ना अजीब कोई गेम नहीं है, सौंदर्या को एक इतना सा पॉइंट मिल जाता है वो इतना चिल्लाती है, मैं तो कह रही हूँ अर्चना से ज्यादा सौंदर्या चिल्लाती है भाई, बहुत इरिटेटिंग लग रहा मुझे मैं तो अर्चना वो इन से तीनों का ज्यादा। मेरे को समझ पॉइंट नहीं सब लोगों ने रहता। नोटिस किया क्या, आज अर्चना अच्छी लगने लगी हम लोग, अच्छी लगी शो में, अर्चना अच्छी ये लगी मतलब मेरे को तो आज अजीब हो तक गया मेरे को यार, तो आज नहीं ये लगी, कैसे हो गया भाई। मेरे आज को सिर्फ तो नहीं नहीं मुझे लगी। आज मुझे उसके नहीं देखो स्पोर्ट्समैनशिप तो उसके अंदर दिखी, उसने टास्क भी करने की कोशिश, जब वो उसकी टीम में होते हैं ना आप लोग एक चीज नोटिस करना, जब वो उस टीम में होते हैं ना वो टास्क नहीं करती, एक चीज नोटिस करना वो नहीं परफॉर्म करती मैम टास्क उसका इतना। प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको, वो सही थी सब चीजों में, वो गलत कहाँ हो गई, वो वापस प्रियंका के पास बैठ के फिर वही चीज बोल रही है। अरे वो हमारे साथ वहां वो गड़बड़ ये कर बात दी मैं ना एग्री आपने, करती आप खुद पॉइंट उठा रहे हो लेकिन आप खुद बोल रहे हो कि वो पॉइंट गलत है, तो ये गड़बड़ है हूँ। ना, आप पॉइंट नहीं पे उसने स्टिक ही नहीं पॉइंट करे। गलत नहीं बोला, उसने मैं उसने बोला टास्क में कि कह रही हूँ, हाँ, उसने क्या बोला ना कि टास्क हम में लोग कर जैसे बोले ना, जैसे तुम लोग को बोले कि तुम लोग ऐसा करो वैसा करो, ऐसा सेम इनके साथ क्यों नहीं किया था जब इन लोग कर रहे थे, तो दिया। हाँ वो मतलब तो फिर डबल फेस आपको दिख जाते हैं, आप एक ही में रहते, आप बहुत अच्छा आपको आज दिख हाँ रहा था, आप अच्छा दिखता है आज का शो आपके लिए, लेकिन वो आखिरी में बोलते ना वो अर्चना है, अर्चना करेगी दोनों कुछ तरफ ना कुछ बसती है, ऐसे, दोनों तरफ बसती है, वो दोनों तरफ वही बस कुछ ना जाती है, कुछ करेगी वो ऐसे ही। वो बातें करती है बस। मैं बताऊं पॉइंट उठाने की, लोग कहते हैं ना उसके मुद्दे में बताऊं, मुद्दे क्या है, किचन सब उठाती है मैं मानता हूँ, लेकिन वो खुद तो हाँ अप्लाई नहीं करती उसको, सोने का मुद्दा उठाती है, खुद ही तो सोती रहती है दिन भर, फिर मुद्दा का क्या मतलब, तू पहले और खुद पता क्या सही करती सही रहे, फिर तू मुद्दा उठा जब तेरे को समझ में आया क्या ठीक है भाई तू। उसने नई चीज क्या सीखी, दूसरे खाना बनाते थे तो वो अपना मुद्दा बनाने लग गई थी ना 3-4 दिन से कि खाना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और हाँ जब इससे खाना एक्स्ट्रा बन जाता है ना तो गर्म कर करके अपनी बातों बातों में सौंदर्या को खिला देगी, सुंबुल को खिला हाँ देगी, ये थोड़ा सा बच गया लेकिन शानी है अपनी वो, बहुत शानी, बातें बहुत खा शानी है, बर्थडे गर्म पार्टी करके खोलो, बनाया देखो हुआ तो उनकी मतलब जीना हराम कर देती है। कल अरे भी, हम कल भी वो बर्थडे खोलू मैं जॉक्स, आज रियल में साजिद कैदी लग रहा था और अर्चना जॉक सही है। उसका देखा था एमसी स्टैंड, कह रहा कि भाई हाँ ढंग से कर लो चोरी वोरी, उसने तो चोरों सपा वालों लगाया को ही नहीं है, हम मजाक उड़ाएंगे। अच्छा आज यार एमसी देखो ये स्टैंड की डायलॉग तैयारी अभी करो एमसी आगे स्टैंड की पे ये जो आया था ना, कल जो आया था एमसी स्टैंड का, देखो मुझे ऐसा लग रहा है उसकी ना क्लास लगेगी इस हफ्ते, मुझे ये नहीं लग रहा हाँ। कि उसको निकालेंगे, निकालने वाला सीन नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि नहीं कल नहीं तो दो निकाल मैम, उसको निकाल तो सकते नहीं है, उसको तो हाँ ऑप्शन देंगे, वो खुद बिग इसी बॉस तो वो हाँ वो 2 करोड़ वाली बिग, लाइन कल एपिसोड में दिखाई थी क्या, हाँ दिखाई दी हमने लाइव में देखी थी एपिसोड में दिखाई थी ना, तो नए उसके 2 करोड़ एपिसोड में। हाँ, तो ये 2 करोड़ को लेकर और इन सब चीज को लेकर ना उसकी क्लास जरूर लग सकती है वीकेंड के बाहर पर, लेकिन निकालेंगे नहीं मेकर्स उसे, हाँ ये मैं यही निकालने तो बोल रहा वाले हूँ, या तो उसका कोई ना कोई तो रीजन है, उसको दिखा रहे ना, तो या तो सलमान सर उसको लंबा डांटने वाला है, या उसको हाँ समझाने वाले बहुत अच्छे तरीके से कुछ और स्पेशल कुछ करके, या कुछ ना कुछ तो उसका सीन है, क्योंकि वो दिखाया रहे ना बार बार उस चीज से, उससे मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बिग बॉस वाले, थोड़ा या तो अभी सा वो वाइल्ड कार्ड आ रहे, वॉलेंट्री एग्जिट का ऑप्शन देंगे सर, घुमा फिरा कर देखते ऑप्शन हैं देंगे, देखते हैं, हो सकता है मुझे कल डायरेक्ट नहीं दो देंगे, तीन घुमा फिरा के देंगे, नहीं घुमा एपिसोड की फिरा के बात तो है, क्या अगर देंगे। आप स्टैंड के फैन हैं तो ये चीजें सबसे पहले आप ही ना उठाएं अपने साइड से कि स्टैंड निकाल सकते हैं या निकल सकते हैं, आप वोट नहीं नहीं डालें सर, उनको उसको निकालना नहीं सपोर्ट कहते, करें। आप समझे नहीं, वो निकालना नहीं नहीं कैसे हुआ, वो आपको तो नहीं बोला बिग सर, वो अमीर जो स्टैंड जा जो रहा है। बोलती अमीर जी जो बोले थे उनको बोल रहा हूँ, अगर नहीं आप ही ये मैं बोलेंगे उसी स्टैंड पॉइंट पे को बोल, मैं वही उसी तो पॉइंट पे आप बोल ना रहा ये हूँ, हाँ वही आप लोग वोट हम डाले नहीं और बोल रहे सपोर्ट बिग, कीजिए। अरे हमने तो डाल चुके वोट, डाले क्या, डल चुके वोट, एमसी स्टैंड तो नंबर आप वन पे चल रहा है ट्रेंडिंग वोटिंग वन के, पे वोटिंग पे क्वेश्चन तो निकाल देगा बिग कोई बॉस, बिग बॉस कभी नहीं निकाल सकता, लेकिन वही मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, अगर एमसी स्टैंड को बिग बॉस वॉलंटरी एग्जिट का मौका देते हैं और वो एक्सेप्ट करके बाहर आता है ना, तो बिग बॉस नहीं निकाल रहे उसको, समझ रहे हो, वो खुद चूज कर रहा है बाहर आना, जैसे राहुल ने किया बिग था, हाँ बिग बॉस को निकालना होता तो बिग बॉस को फंसा फूस चुके नॉमिनेशन से, या कुछ भी हमको झूठ बोल के बोल बुला के, या शालीन का इंसिडेंट हुआ था जब ही निकाल देते उसको, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था जब ही निकाल देते, तो वही सीन है। अब बिग बॉस किसी और को, वो मेरे को लगता नहीं है, लेकिन वो भी है ना ये वॉलंटी वॉलंटी वाला, मुझे लगता नहीं है, बिकॉज उसके हाँ चक्कर में लोग बिग बॉस बहुत देख रहे हैं, बिग बॉस इतना बड़ा रिस्क कैसे ले बिग सकता है, बॉस और भी देख रहे वॉर्मैक्स हैं सब में। और हितेश जी फिर ना हर चौथा कंटेस्टेंट ना यही करने लग जाएगा, एक बार राहुल वैद्य के साथ कर दिया, क्योंकि देखो वो भी रूबीना को पूरी टक्कर दे रहा था मानो या ना मानो, हाँ
विनर उसको बनाना नहीं था, उसको एक बार तो बाहर भेजना ही भेजना था मेकर्स को। लेकिन वो दाव ना वो एमसी स्टैंड के ऊपर नहीं खेलेंगे, अगर फिर ये हर किसी के साथ खेलने लग गए ना ये वाला दाव, तो फिर ये तो इनका एक वो ही बन जाएगा कि हर चौथा कंटेस्टेंट बोलेगा भाई मुझे बाहर निकाल दो मैं खेल ही नहीं रहा गेम। इस बार सलमान सर मेरे को लगता है समझ जाएंगे। एमसिस्टेंट राहुल वेदिया जैसा नहीं है, अगर निकल गया ना वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि लिए आज भी उसने एक वर्ड बोला, अरे भाई ब्रो मैं तो अगर चले जाऊंगा सबसे खुश नसीब, ऐसा कुछ हाँ। बोला है आज, वो मेरी छोड़ेंगे खुशी तुम नहीं, लोगों और से अगर मिटी वो भी चला गया जाएगी। नहीं आएगा वो, यस नहीं नहीं वो वो जाने चला के गया बाद तो तो नहीं नहीं आएगा, जाएगा। जाने के बाद बिग बॉस बुलाएंगे भी क्यों, अगर उसको हाँ भेज रहे जाने हैं के उस बाद वजह तो से तो बुलाएंगे। यस नहीं नहीं बुलाएंगे, जैसे राहुल वेदिया को राहुल भेजा वेदिया को था लेकिन बुलाने का बुलाया, रीजन अरे अलग वो नहीं था। है ना, एक सेकंड, राहुल वैद्य को बुलाया नहीं, राहुल वैद्य ने खुद अप्रोच किया था बाद में आने के लिए, जब उसका हो गया था ना उसने खुद अप्रोच किया था आने के लिए, उसको वापस बुलाया नहीं गया था, उसने खुद अप्रोच किया था, ध्यान है आपको, बिग बॉस सलमान ने इस बात को ही मजाक बनाया था उसको, देख लो पहले तू गया था फिर तू खुद ने अप्रोच किया, जब तेरे को बिग बॉस ने तेरे को लेके आ गए, उसने खुद हाँ अप्रोच किया था बिग हाँ बॉस से भगोड़ा वापस आने के सगोड़ा लिए। बोल दिया था सलमान ने। बट वो रितेश हाँ जी जब सलमान ने वो बाहर भगोड़ा, गया था ना, जब वो बाहर गया था तो वो बाहर गया भी नहीं था, उसकी एक फोटो तक वायरल नहीं हुई थी उसकी मॉम के साथ या उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ, अब वो उसकी तो अंदर फोटो की तक नहीं बात है तो आई अपन थी। को क्या ही पता, लेकिन ये तो है, लेकिन अप्रोच तो उसने जैसे ही किया इंटरव्यू था। वगैरह ये सारी चीजें फोटो वगैरह बंदा बाहर आता जाता है, जब एक बार निकलने के बाद ये चीजें तो वायरल हो जाती है ना, लेकिन एक हफ्ते तक उसकी और वो कुछ भी चीज फाइनल का वायरल नहीं रिजल्ट्स हुई। भी ना बहुत बायस्ड थे, और वो फाइनल के रिजल्ट्स भी बहुत बायस्ड थे। नहीं चलो नहीं हमें रिजल्ट तो एक कोई पर बायस नहीं, आता नहीं है 16 रिजल्ट तो पर कैसे आता बायस है है, हम ये कमेंट ले लेते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पर अभी 14 चालू हो जाएगा। आई नो दैट लेकिन नहीं मैडम वेरी जो बंदा खुद ही हार के गया होगा उसके लिए बायस वेल। हाँ कैसे बोल सकते हो आप, वो है वो वो फिर तो रूबीना वहां तो पर लैग जीती कर है, गया। हाँ वहां पर रह के लैग कर जीती है गया था रूबीना। राहुल वर्दे, वहीं पर मेरे लिए भी वो लैग कर गया था, जब उसने वो एग्जिट ले लिया ना वहां से वॉलंटियर एग्जिट, तो फिर वो माइनस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। नहीं तो उस टाइम पर आई थिंक अभिनव शुक्ला की पता नहीं जैस्मिन भसीन इन दोनों में से किसी का इविक्शन आ रहा था, लेकिन वहां पर फिर राहुल वैद्य का वॉलंटियर एग्जिट हो गया था। स्टार्टअप जी का मैं कमेंट ले लेती हूँ, आज एक और बात क्लियर हो गई, अंकित प्रियंका से डरता है, ये आज क्लियर हुआ है। ये जिस दिन से शो का नींव रखा गया उस दिन से ये बात साबित हो चुका है। और कब तक वो क्लियर मैं बोल रहा था ना मैडम कल भी आपको, वो सिर्फ प्रोमो में दिख रहा है वो प्रियंका को लड़ दिया बढ़ दिया, कुछ नहीं था ना ऐसा, वो सारे उन सबको बोल रहा था, वो चिल्ला रहे थे जिनको, और वो सिर्फ टास्क के एक बीच में निकलती है लाइन, अब देखो उसका तो कोई आज बात ही नहीं कर रहा, वो प्रोमो में होगी? हमको अलग दिखता है, वो निमरित का भी देखो डिप्रेशन विप्रेशन क्या था आज, कुछ भी नहीं था ना उसका, एक सेकंड का हाँ थोड़ा सा वो बिल्कुल रोल सही लिया किया, हाँ बिल्कुल कुछ सही नहीं किया। था। और मुझे ये समझ में नहीं आया मैं आज उसको एकदम से ड्रामा साजिद के लिए इतना क्यों आ गया कि साजिद सर मुझे आपकी मतलब आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं आपकी प्रायोरिटी बनी, अब तक तो सबको शिव से चाहिए था, अब तक तो सारी चीजें मतलब शिव ही तुम्हें कंसोल कर रहा था, जब तुम कन्फेशन रूम से भी बाहर आई थी तब भी शिव और एमसी स्टैन ही तुम्हारे साथ है, तब तो तुमने साजिद सर को नहीं बोला कि साजिद सर मुझे आपकी नीड थी उस टाइम पर। मुझे पता है क्या लगता है मैडम, जब भी निमरित मैम को वो गाली आपने बकनी होती है देखा ना, होगा वो डिप्रेशन का नाम लेके गाली बक जाती है बस, उसको कोई कुछ बोलता नहीं है, देखो ना आज नहीं भी उसने डिप्रेशन का एक्चुअली नाम लेके मैम गाली दिल दी भी है। तो आपकी नोट आज भी एक्चुअली गाली क्या दे होगा, रही है, एक्चुअली हाँ फक यू मैं ऑल बोला है, बोलना फक यू चाहता ऑल, हूँ आपको अच्छा, हाँ और हाँ गाली ना सुनने फक के यू ऑल बाद फिर ये लोग बोला उसे है, बहुत कंसोल करने हो चले गए गया। हैं, मतलब क्या नाम है शिव ठाकरे और ये सब। हाँ सही है मैम, प्रमो यहाँ ने पे मैं खुशी सीधे दीदार पे एक पॉइंट एक रखूंगा, कमेंट ले लूं, अथर जी बस एक कमेंट ले लूं, फिर आप ही बोलना, फिर आप ही बोलना, आपने बहुत देर से नहीं बोला, आई नो, बस ये एक कमेंट ले लूं मैम, प्रमो देखो श्रीजिता दे क्या हक किया शालिन को टीना, अरे उसने हक करके कैमरे की तरफ इशारा किया है कि रुक जाओ मैं कैमरा देख लूं जरा, वो वो हमें तो देख रहा है। करेगी, अब वो तो, अब मैं तो बोला ना मैं अभी एक दो दिन वो ही दिखेगा, लेकिन थोड़े 3-4 दिन आप भी देख लेना, वो टीना के साथ बैठ के जरूर दोस्ती शांत बनती हो भी जाएगा। सीखेगी क्या नहीं मेरे नहीं बहने हैं यार, नहीं 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 बैठेगा सर, यार नहीं रितेश सर, भाई आप नहीं, भी यही हो, रैली मैं भी यही हूँ, बाहर से ही है। देखेंगे आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखेंगे अपन। नहीं ये लोग नहीं मिलेंगे, ये दोनों कट्टर बाहर से ही है। अरे सर क्या बोलूं मैं आपको, वो आपने इंटरव्यू नहीं देखा था क्या एक्चुअली उसका, ना अभी जो सर मैम ने पूछा ना, एक्चुअली मुझे लग रहा है वो ग्राउंड सेट हो रहा है साजिद के खिलाफ। उस सर ने मैम ने सर ने बोला था ना, सॉरी बिग बॉस ने बोला था कि आप क्या साजिद को हर चीज में हाँ बोल देती हो, साजिद अपने लोगों को सेव कर देता, साजिद ये कर देता। आज भी देखिए ना जब बैठे थे ना, शायद शिव चुप था, लेकिन ये देखो देखो ऐसे शिव को भड़काने के लिए चीजें कर रही थी, देखो मैं तो बोल ही रही थी ना साजिद सर को बोलना अरे चाहिए, अत्तर जी हिल रहे देखो हैं बहुत, अत्तर जी रुको बोलेंगे आपको नंबर देंगे, अत्तर जी ने भाई साहब बटन तोड़ दिया होगा, धड़ 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 धड़।
यार मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग बोले जा रहे, मैंने कहा कि ये मैं यार बोलूँ ना, ये कैमरा ऑन करने का यार बहुत फायदा होता है रितेश भाई। हाँ मॉडरेटर। कैमरा ऑन करो, ऑन करो नहीं यार भाई मैं कैमरा तो ऑन। अरे मेरे बातों बातों में ध्यान ही नहीं दिया मैंने, कैमरा ऑन नहीं कर रखा आपकी कसम। पहले तो मैं कुछ खा रहा था इसलिए ऑफ था, बाद में मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैं कैमरा ऑफ करके बैठा। पहले तो आप खा रहे थे मुझे इतने पता बड़े है। सेलिब्रिटी हो आप, कैमरा हाँ कॉन्शियस नहीं हो यार क्या यार। अरे ध्यान से निकल अथर्जी, गया बातों बातों में। अथर्जी बोलो आप। मुझे तो मैम श्रीनिधि की बात दो दो पॉइंट में मुझे बहुत बड़ा वो हुआ कल। एक तो ये कि कल जब सब नॉमिनेशन में सारी की सारी स्टार्स की बहू आई, पूरी की पूरी इन लोगों की फटके हाथ में आ गई। एक तो निमृत थी, फिर उसके बाद टीना, सबकी पूरी की पूरी आ गई। और फिर मुझे मैम आज दो तीन एपिसोड से ना मुझे अब्दू भी इरिटेट कर रहा है। और वो उसके दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जब वो शिप के पास, उसने ऐसे रस्से रखे खतरनाक बुरे बुरे जो मुझे लगे, उसमें शिप के लिए भी कहा गया कि जो शिप के अगेंस्ट लगे हैं मुझे और स्टैंड के अगेंस्ट भी लगे, उसने साफ साफ उससे कहा कि जब मैं बुरा लग रहा होता हूँ और आज के एपिसोड की भी बात बोलूंगा तो मुझे आप लोग कंसोल क्यों नहीं कर रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आती। क्या आपको नहीं सब लोग अथर्जी, एंटरटेन कर अथर्जी, अथर्जी वहां पर उसने स्टैन को इन्वॉल्व नहीं किया था, स्टैन और अंकित तो उसके साथ थे। उसने ये बात शिव को बोली थी कि जब मुझे तुम नहीं लोगों नहीं की मैं जरूरत कल होगी तो मेरे की साथ नहीं रिपोर्ट में होगी। भी बात कर रहा हूँ। एक मिनट मैम, एक मिनट इन कार्तिक भाई के लिए कमेंट आप कार्तिक भाई खुद ही वही पढ़ वही लो कमेंट आप। बाद में ले असल लेंगे, आप बोलो पहले अथर्जी, आप बोलो, वो कमेंट अभी ले लेंगे कार्तिक जी। में हुआ ये था कि मैं कि कल स्टैन के साथ जब बात कर रहा था ना, तो उसने स्टैन ने साफ साफ बोला कि सारे भाई ने मुझे कॉफी नहीं दी। यहाँ पे सीन ऊपर, यहाँ पे ऊपर दोनों मिलके बात कर रहे थे, लेकिन नीचे आके क्या बोल रहे, सारे सर डोंट टॉक टू स्टैन, ही इज नॉट टू टॉक, ही इज एंग्री विद यू, इस तरह की उसने लैंग्वेज लगाई। यानी आग लगाने में वो नंबर वन जा रहे हैं मैम, और इस तरह से वो पूरा का पूरा वो काम कर रहा है। और अब जब जब दो जब यहाँ पे जब शिव शिव और दूसरे लोग बैठ रहे होते हैं आपस में बात कर रहे होते, तो कहते हैं कि जब मेरी कुछ डाउन हो रहा था तो आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं करते। तो मैम ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि आज यहाँ पे एक तो वो दूसरों को साफ साफ कहता है स्टैन और शिव उसके लिए कि ये लोग हम आप लोग आप लोग हम मेरे लिए बॉन्सर्स हैं, इसने साफ साफ कहा है एपिसोड में और शो में भी, कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आती तो मैं आप लोगों का क्या ख्याल रखूं, ये चीज इसके मुंह से निकली हुई है। मैंने ना उसके मुंह से, मैं सीरियसली बताऊं, मैंने अब्दू के मुंह से ना स्टैन के लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं सुना। कल भी यहाँ है पर बोला था, पता नहीं किसने बोला था कि अब्दू ने जाकर जो है साजिद को ऐसे बोला, उसने ना किसी नेगेटिव वे में नहीं बोला था उसने ये। हाँ वो मैम गलती आपको उसकी थी, मैं क्लियर क्लियर करवाने के लिए बोला था स्टैन ने उससे मैम, बात की, उसने वो बात जाकर साजिद को बता दी, वो ठीक है, लेकिन उसने ना किसी नेगेटिव वे में नहीं बोला था। कि वे ऑफ टॉकिंग से समझ में आ जाता है कि ये बंदा नेगेटिव वे में बोल रहा है या पॉजिटिव वे में बोल रहा है। उसने बस ये बोला था कि साजिद ब्रो, स्टैन इज अपसेट विद यू और ये आपने सुबह उससे बात नहीं की कॉफी, और उसके लिए वो उसने सिर्फ इसलिए कि भाई साजिद और स्टैन की बात हो जाए, किसी और नेगेटिव वे सबसे में बड़ी नहीं बात बोला उसका था। पॉजिटिव साइड देखा क्या हुआ कि बाद में लोगों ने उसको कंसर्न करना शुरू किया स्टैंड को, मतलब स्टैंड अकेले ही बैठा था, स्टैंड को कोई कोई ना बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन उससे थोड़ा ये हुआ सिंपल सी कि चीज, स्टैंड को बैठाना और बात करना शुरू किए लोगों। सिंपल सी चीज मेरे को अत्तर जी से पूछना है। अत्तर जी इतने पॉइंट तो बता दिए, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती अत्तर जी, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि शिव से ही सबको प्रॉब्लम हो रहा है उस ग्रुप में और अचानक से हो मेरे रहा है को ये? समझ नहीं आ आप रहा कि शिव ने अरे सर सबका सुनो तो ठेकरा सर क्यों यार, ले लिया। अब अत्तर जी देखो अब आप हाँ बोल दिए ना चलो मेरे को तो बोलने दो, अच्छा बोलो। मैं बोल रहा हूँ आपको। आप ये तो सोचो अब्दू, अब्दू को वो बहुत अच्छे से रखा आज तक ना, आप भी बोलते हो सब बोलते हैं ना अब्दू को अच्छे से रखता है बहुत प्यार करता है। अगर किसी इंसान को कोई बहुत अच्छे से रख रहा है तो वो उससे क्यों प्रॉब्लम करेगा? वो जब प्रॉब्लम करेगा कि जब आप जो करते हो ना वो करना छोड़ दोगे, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो शिव ने क्या मैं किया, समझ पहले तो गया, सब चीजें करता था, पहले सब चीजें करता था, उसकी केयर दिखा रहा था सब चीजें, अब उसने वो ना उससे वो ध्यान हटा लिया है, तो अब आदमी को अजीब सा तो लगेगा ना। तो वही स्टेनोर का उस टाइम प्रॉब्लम था, वही अब अब्दू का प्रॉब्लम है। शिव क्या करता है, पहले ग्रुप पे मिलाने के लिए लोगों को साथ गुड मिलके उनको ध्यान रख रख के उनका अच्छा बन बन के उनके साथ हो जाता है, लेकिन बाद में फिर उनको ना हटा के वो दूसरों को इंपोर्टेंट, जैसे अब दिख रहा है ना हमको ओपन, देखो ना आप वो टीना के साथ ही बैठने लग गया, शालिन के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है चीजें, हमने देखा है एपिसोड, शालिन को सब चीजें बता रहा है वो, बाहर का चीजें, गर्लफ्रेंड की चीजें, टास्क की बातें, सब चीजें बढ़ रहा है शालिन के साथ। तो ये फिर
जो साथ होते हैं ना ग्रुप में, उनको पता चल जाता है सर, उनको फील हो जाता है कि शिव अब मतलब अलग चीजें कर रहा है, इसलिए वो पॉइंट उठा रहे हैं। और शिव का ड्यूअल पर्सनैलिटी देखो ना, कल के एपिसोड में हमने देखा है अब्दू को वो बोल रहा है, अरे अब्दू अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा, सॉरी मुझे माफ कर दे, तुझे जरूरत हो तो मुझे उठा के। आज वो एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया, आज कैसे बोल रहा है अरे अब्दू तेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तू भी बहुत ज्यादा कर रहा है, आज कैसे सबके सामने उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, अकेले में वो अब्दू अब्दू करके उसको कंसोल, उसको पता है अब्दू को फिर कंसोल कर लेगा वो एक दो दिन बाद अकेले में बिठा के, बट सबके सामने वो दिखाने के लिए अरे यार अब्दू तेरा भी कुछ ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो प्रॉब्लम है, कल ही आपने बोला है उसको मैं ध्यान रखूंगा, तो आज क्यों नहीं रख रहे आप उसका ध्यान? आपको तो उल्टा उसको बोलते ही उसको साइड में ले जाके उसको समझाना चाहिए था, बट आप करे ही नहीं वो, तो वो उससे क्लियर चीजें दिखती है सर, उसमें कुछ ना कुछ अभी उसके उसके जो है ना हरकतें ना चेंज होती जा रही। अब सिंपल सिंपल था, देखो बिग बॉस ने नहीं साजिद के लिए बोला, वो साजिद के लिए एग्री हो गया, साजिद सर के लिए इतनी इज्जत विज्जत सब तेल लगाने गई, वो एग्री हो गया ना वो बंदा, एक बार भी उसके एक्सप्रेशन से लगा कि वो के भैया उसके दिल में कुछ और है कुछ, वो तो तैयार पर बैठा मैं है, तो एक वही पे इसमें एक बोल रहा और हूँ। पॉइंट इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। बिग बॉस कितना क्या माइंड गेम खेलता है। बिग बॉस साजिद के लिए तो बोल दिया, और निमृत के लिए क्यों नहीं बोला कि तू उसका भी बोझ क्यों उठा रहा है, निमृत को भी अलग करो ना, फिर निमृत और उसका यहाँ लड़ाई क्यों नहीं करवा रहे हो, निमृत के साथ खिलाना चाह रहे पे हो और साजिद को किसी अलग करना चाह रहे हो। ये तुम्हारे दो बिग बॉस भी अपना जो गेम खेल रहे ना, आप बोल रहे हो कि ने साजिद से अलग हो जाओ, उनका बोझ ना उठाओ, लेकिन निमृत का बोझ उठा के फिनाले तक पहुंचा दो उसको, ये भाई, कौन सी बात आसिफ है। भाई, मैं आसिफ भाई की बात तो समझ तो गया हूँ, लेकिन एक चीज में यहाँ पे बिग बॉस ने जब कन्फेशन रूम में यार शिव मैं और उंगली निमृत उठा के 15 मिनट हो गया यार, तुम लोग यार आराम से थोड़ा सा बोल तो रहे भाई कर हो, लो, मैं थोड़ा सा आंसर दे देना। मैं ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि सबसे बड़ा न्यूज है अभी अभी मिला है सूत्रों के अनुसार, अब जो इतना अच्छाई का मुहूर्त जो शिव ठाकरे जी जो बन के बैठे हैं घर में, तो उनके लिए पड़ रहा है एक क्या बोलते हैं बिजली जो बिना गिर रही है उनके ऊपर, बिना उनके बिना एक्स वाइफ का गर्लफ्रेंड, एंट्री। हाँ पर वो तो अप्रोच आज भी किया आज मेरे गया से है, बोल और रहा था, वो वो जो झूठ बोला आज, मेरा आज ब्रेकअप वो हो गया बोला 2 दिन पहले उसने, बोल रहा था मेरा यस मेरा प्यार है वो, अभी तक मैं अभी भी उससे मिलता हूँ सब बोल रहा था वो 2 दिन यस पहले शो में, हाँ, इतना बड़ा झूठा है यार वो वो तो, उसकी एक्स आज फिर से गर्लफ्रेंड सिंगल हो थी। गया। हाँ और उसको अप्रोच भी किया गया और स्पेशली वो शिव ठाकरे के लिए वो आ रहा है, तो यहाँ यस पर ये है। और एक बोल रहे हैं बट वो इतना कंफर्म नहीं है, निमृत आहलूवालिया का भी एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई हाँ अब चाय पीने की टाइम नहीं है मेरी जान, अब तुम पानी पी लो, अब पानी की टाइम जरूरत है तुम्हें। आएगा, टाइम आएगा, हम उसको भी डिफेंड कर लेंगे, डोंट वरी। उसको टाइम आने से क्या पहले उसको डिफेंड भी डिफेंड करोगे, कर लेंगे। एक्चुअली एक वुमेन कार्ड फेंक के मारेगी ना भाई, एक वुमेन कार्ड पता है फेंक के वीना को मारेगी क्यों ना, बुलाया जा धज्जी रहा उड़ है, जाएगी एक्चुअली तुम्हें। पता है वीना को क्यों बुलाया जा रहा है। आप लोग बिग बॉस जो वो बहुत बातें करता है शिव ठाकरे ना, अपने बिग बॉस मराठी की बहुत बातें करता है, मैं बिग बॉस मराठी में ये, मैं बिग बॉस मराठी में वो, मैंने ये टास्क करे, मैंने वो किया। आज भी वो ये बहुत सारी बातें लाइव में टीना दत्ता से डिस्कस करा था। मैं सीरियसली बताऊंगी, एमसी स्टैन ने उसको मना करा, एमसी स्टैन ने बोला तू ये सब मत किया कर, ये सब बातें तो मैम इनसे मत किया कर। तो यही तो शिव बिग ठाकरे ने बोला, बॉस शिव ने भी ठाकरे ने मना बोला किया कि ना ठीक है मैं करूँ ना, तो आगे से तो मुझे रोक दियो, और उसको मैम। एक्सपोज करने के लिए ही वीना को बुलाया जा रहा है। और हाँ एक और चीज के लिए मैम, क्योंकि जब कन्फेशन रूम में साफ साफ बुलाया था ना, तो यहाँ पे बिग बॉस ने पूछा कितने आप वेट को अपने ऊपर उठा सकते हो, तो उसने बोला 60 केजी, 70 केजी, 100 केजी, समझने के क्या मतलब कहना चाह रहा था, आप एक वक्त आएगा आप खुद ही दब जाओगे, मतलब यानी कि आप जो करना चाह रहे हो ना, अब आप समझ जाओगे कि आप जो जितना बेड़ा उठा रहे हो ना सबका, नहीं उठाओ, यानी कि जो अभी सबको उठा रहा है, शालिद को भी उठा रहा है, ये सबको सब अर्थर जी आप समझते नहीं हो, बिग बॉस ना हर बार शिव ठाकरे को एक टोंट मारते हैं, अगर आप लोग देखते हो कि आपको सबका अच्छा क्यों बनना है, आपको सबकी गुड बुक्स में क्यों रहना है, आप सबको सॉरी क्यों बोलते हो। बिग बॉस हर बार उसको टोंट मारते हैं कि जब अरे आप बिग बॉस ने कह सबका दिया वो बेटा बोझ उठा रहा है, लेकिन उठा उठा कहाँ रहे रहा हो, है, कौन सा बोझ हमने तो देखा नहीं, वो था उल्टा वो वही उनके बोझ उठा थ्रू रहा आगे बढ़ उसने, गया, उनके थ्रू आगे बढ़ा यस है, बोझ तो नहीं उठाया उसने, बिग बॉस तो बोझ सिर्फ तो साजिद असली की वजह से निमृत पॉइंट बोल है, रहा था, बिल्कुल बोझ तो असली बिल्कुल निमृत है, बोझ उसका वोझ उठा कुछ रहा है भी वो। नहीं है, कोई किसी का बोझ नहीं उठा रहे वहां, हर कोई वक्त आने पर अपना अपना फायदा ही देख रहे हैं, बस एकजुट होके बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इतना यस समझ में आ गया, लेकिन किसी के बिल्कुल कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है, वो चलाने वाला शिव ठाकरे है और कंधे हैं सबके, अब्दू के हैं, स्टैन के हैं, साजिद के हैं और निमृत के कंधे उनके हैं, और बंदूक यस चला रहे शिव ठाकरे जो कि 2 4 कदम आगे ही है उनसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कमेंट, मेरे ख्याल से ये कमेंट का आंसर उनको ये मिल गया है शिप पे कि दिखाने ये आना जो चाहिए, शिप
हाँ बोलो। एक मिनट अथर जी, एक मिनट। हाँ ये कंप्लीट कर लो कार्तिक जी, ये कमेंट कंप्लीट कर लो, फिर मैं हटाऊंगी इसे स्क्रीन पे से। नहीं हो गया ना कंप्लीट, मतलब वही अथर्व भाई भी बोले, मैंने भी बोला कि कोई किसी मतलब हाँ वेट बोझ वेट उठाने वाली बात को उनको इंडिकेट किया गया कि हाँ भाई कितना और बोझ उठाओगे, तो मतलब ये बात है कि कितना लोगों का और कवर करके आओगे तुम। अब उनको टाइम आ गया है जवाब देने का और उनसे सच उगलवाने का, जब वो बारी आ गई है तो तुम आगे बढ़ो और उनको बोलो। जब बोलने की बारी आई, निमृत जब बैठ के बात कर रही थी गार्डन एरिया में, वहां पे शिव ठाकरे आया, खड़ा हुआ, देखा, पीछे मुड़ा, भाग गया। ये भी आप लोगों ने देखा बोझ है ना। उठाना पता है किसे कहते हैं अथर्व जी? अगर आपने लॉकअप देखा आसिफ जी, अगर आपने लॉकअप देखा, बोझ उठाया था मुनव्वर फारूकी ने अपने साथ पूरे ग्रुप को, जो है वो जिस तरीके से पूरे ग्रुप के लिए खेला था, पूरे ग्रुप को बैठ कर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, स्ट्रेटेजी करता था, अब हमें आने वाले टास्क में क्या करना है, कैसे करना है, नॉमिनेशन में हमें किसको इविक्शन में डालना है, उसको बोलते हैं बोझ उठाना। ये यहाँ पर लेकिन वो सिर्फ एक चीज आपके उसमें अपने डिफरेंस ये था लिए ना मैडम, वो अपने ग्रुप के लोगों को भी नॉमिनेट करवाता था ना, यहाँ पे ही नहीं कर रहे ना। वो तो जैसे अली था, वो बोला इस बार अली तू जाएगा, इस बार तू जाएगा, वो तो अपने ग्रुप वालों को भी बोल देता था ना कि भाई अब तुम्हारा नंबर है, बलि तुम्हारा देनी नंबर है। पड़ेगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो उसको वो था उसके अंदर, वो सब चीजें शो के हिसाब से करता था वो, ये लोग नहीं कर पा रहे ना। दूसरी चीज देखो, ये बोझ की बात बोल दी बिग बॉस ने, वो बिग बॉस ने बोल दिया, उसका सेंस कुछ नहीं है, क्योंकि देखो उसने बोला साजिद का बोझ उठा रहा है शिव, है ना। अब आप देखो ना, साजिद की वजह से शिव को फायदा हुआ है, क्योंकि साजिद ने अनफेयर होके शिव को ही कैप्टन बनाया, शिव को ही सपोर्ट किया है। शिव ने क्या सपोर्ट किया साजिद को, मुझे बता दो कोई। शिव ने आज तक कोई सपोर्ट ही नहीं हितेश किया। भाई साजिद लड़ाई करता है वो तो सब अपनी तो खुद ठीक की लड़ाई है, लड़ता है, कभी वो सब साजिद तो का ठीक साजिद है का हितेश शिव ने भाई, सपोर्ट आ एक दिया ही नहीं बात कभी आज बता तक। दो आप, आज आज एक बात बता दो बस, अंकित गुप्ता क्या आज फेयर कैप्टन था? क्योंकि अंकित गुप्ता के फैनों के मुंह से मैंने ये सुना कि बिग बॉस ये टास्क को ऐसा डिजाइन कर दिए थे कि वो लोग जीते, इसीलिए वो डिस्क्वालिफाई कर दिया, अंकित गुप्ता की कोई गलती नहीं है, ऐसा लोगों से मैंने सुना। आपके मुंह से बोल दो कि वो बायस था कि नहीं था, बस बायस वो तो था खुद ही मैं बोल रहे थे बोलूंगा हमें, ना उनसे, क्यों वो बोल रहे खुद बोल बायस रहे थे था और जिता दिया अपनी अपनी टीम को, शोरूम। काम खत्म हो गई। मैं तो बोल रही हूँ, शुरू में ही बोल दिया था, मैं नहीं सुना, तुम्हारी प्रॉब्लम। मैंने तो बोला अच्छा चीटिंग करके जीता, अपनी टीम को जिता दिया, काम खत्म। हम तो बोल रहे हैं, हम तो शुरू में ही बोल दिया था, तुमने नहीं सुना, वो अरे तुम्हारी प्रॉब्लम भाई साहब। अरे हम तो हितेश भाई को पूछ रहे थे दीदी, नहीं आप देखा, अरे एक कैसे मिनट बोल रहे हो आप। एक एक मिनट भाई, बोलो, क्या मोन कर लो, एक तो ना क्या मोन कर लो, देख लो कितना अंधेरा क्यों मैं है आ भाई, रहा ये हूँ, बता मैं दो, कैमरा खोल रहा हूँ, मोन एक मिनट एक फटाफट मिनट करो, रुको, इतना अंधेरा। मोइन जी आप एक भी अपना मिनट कैमरा ऑन कर रुको, लो। मैं मुझे 2 मिनट 2 मिनट कैमरा ऑन करने दो। वेलकम अथर टू जी जब तक मिश्रा मैं नहीं बोलती आपको, आधा एक घंटा हो गया अथर जी आपको बैठे बैठे, अभी तक आपका कैमरा ही ऑन नहीं हुआ, बताओ मुझे, अब कह रहे 2 मिनट देखो मुझे कैमरा ऑन करके। जी। मैम कर रहा हूँ, मैम कर रहा हूँ, हाँ मोइन जी आप भी कर लीजिए कैमरा ऑन। अच्छा ये कमेंट मैं आया है तो एक हितेश भाई बोल दीजिए। जोड़िए जी का कि शिल्पा मैम आपको नहीं पता लेकिन शिव का ब्रेकअप हो गया था बिना, मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता था लेकिन शिव ठाकरे ने बिग बॉस में बोला कि अरे यार अभी अभी बिना, अभी मैं बिना बिना और हम दोनों एक पूरी साथ हैं, हम दुनिया को दोनों बात करते पता हैं, और कन्फेशन रूम में उसने बोला था, जब बिग बॉस ने बोला था कि आप किससे मिलना चाहते हो, उसने बोला मैं बिना से मिलना चाहता हूँ, और आज वही शिव ठाकरे बोल रहा है कि मेरा बिना से ब्रेकअप हो गया है। मुझे है। हाँ तो सीरियसली ये कुछ नहीं पता था दोगलापंती कि नहीं है ना, क्या इसे दोगलापंती कहाँ नहीं नहीं कहेंगे नहीं शिल्पा, इसको वीना तो इमोशन ब्रेक कहेंगे, इमोशनल ब्रेक कहेंगे इसको। वीना अरे मैडम उसको वीना दोगलापंती कहेंगे, लोग खुद कुछ भी कहे ट्विटर हम में तो बोल रही है दोगलापंती कि हम कहेंगे, दोगलापंती रिलेशन में नहीं है, है वो। शिव ने ओपनली वीना बोला खुद है इसी ट्विटर बिग में बॉस बोल में रही कि मेरा मैं है। अभी भी वीना के साथ हूं, हमारा सीन है, ओपनली बोला उसने ये कि यही वर्ड। तो वो बंदा आज आज कैसे क्या बोल सकता है बोला, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये वही कह कमेंट रहा है आया आज सानिया कैसे बोला। जी का अब तो कमेंट आया दोगला है, मैडम मैं कह रहा हूँ आप, दोगला है वो। मैडम आप बता दो धन्यवाद एटलीस्ट शिव धन्यवाद। को क्या बोलना है वहां पे, दीवारों से बात करें, मैं उसको क्यों बताऊं, वो अपना गेम खेल ले गया है, मैं जब जाऊंगी मैं अपनी लिस्ट लेकर जाऊंगी, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, शिव ठाकरे को मैं क्या कौन हूँ बोल रहे बताने हैं, वाले, वो जैसा गेम खेलेगा मैं उसके बता बेसिस पर रहा हम यहाँ पर लिस्ट बात शिव को करेंगे, क्या ये बोलना बताओ। है वहां पे दीवारों से बात करने के अगर लिए। शिव को नहीं करनी थी बिग बॉस अच्छा मराठी वाली बात, फिर इस टाइम के बोलने पर उसने बोला क्यों कि हाँ यार तू मुझे याद दिला दिया कर, मैं भूल जाता हूँ, करता रहे फिर कंटिन्यू उन बातों और को। ये लोग भूल गए, ये बिग बॉस में नियम है बाहर की बातें आप नहीं कर सकते, तो वो नियम भी तोड़ रहा है बिग बॉस के घर के बाहर। चाहे अरे वो बिग गेम बॉस खेलने, मराठी हो चाहे कोई हो, वो बिग बॉस के घर की बाहर बाहर बात नहीं कर सकते आप, उस घर के अंदर जो चल रहा है ना उस पे बात कर सकते हो आप। मैं ये बोल रहा हूं ये एक रियलिटी शो है, ये सबको पता है,
और हम यहाँ बैठे हैं, हम जिसको सपोर्ट करते हैं उसको उसकी रियलिटी चेक करने के लिए। वो असल जिंदगी में जब रहता है, बाहरी दुनिया से उसका संपर्क जब टूट जाता है, तो असल लोगों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, उसकी अंदर क्या है, उसके दिल में क्या है, वो दिमाग से कैसे खेलता है, क्या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो चीज देखने के लिए हम बिग बॉस देखते हैं, या फिर जो भी है एक इंसान की पर्सनालिटी। अगर आप अपने पर्सनालिटी को इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हो, या अंकित गुप्ता की मैं अगर बात करूं, ये लोगों से दब दब के ही अपने जिंदगी जीते हैं क्या बाहरी दुनिया में भी? वहां से तो वहां तो वैसे नहीं जीते। तो यहाँ पर ये हम देख पा रहे कि अंकित गुप्ता प्रियंका के छत्र छाया में हो, या फिर उसको उसके डर के, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ ना, उससे डर के ही खेल रही है, चाहे वो टास्क में हो या कुछ भी हो, जो कुछ फलाना ढिमकाना, वो डर के खेल रहा है। मैं नाम नाम से बात कर रहा हूँ, है ना। तो बाकी देखिए, बाकी चीजें जो भी है वहां पे जैसे भी है तो वो साफ साफ दिख रहा है। तो शिव ठाकरे जिस तरह की गेम खेल रहा है, ये फ्रंट फुट गेम नहीं है, ये डिफेंस गेम है, ये बैक फुट गेम है, ये डिफेंस गेम वो खेल रहा है। डिफेंस गेम में क्या होता है, आप तक चीजें नहीं आएंगे, आपके सामने जो लोग हैं उनको लगेंगे, जिसपे आप रिएक्ट करके बाउंस बैक करेंगे, बातें आपके ऊपर आएंगे, आपके सामने वाले बाउंड्रीज को लगेंगे, आप जाके डिफेंस बैक करेंगे। फ्रंट फुट पे खेलना उसको बोलते हैं भाई, जो कि तुम डे वन से जैसे हो और डे लास्ट तक जैसे हो। गौतम गुलाटी को देखो आप, डे वन से वो बंदा जैसा था, डे लास्ट तक का वैसा ही था और वैसा ही बना रहा है ना। वो तो हम सेकंड वीक या थर्ड वीक से हम लोग को समझ में आ गया। तो ये पीठ पीछे खंजर भोंकने वाले काम क्यों करते हो भाई? क्या जरूरत है किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली काम क्यों करते हो? क्या यही रियलिटी है तुम्हारी? क्योंकि देखो ये बात में, ये घर के अंदर एक लड़की का नाम लेके बोल रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बंदी का ट्विटर हैंडल देखो, वो वहां पे पूरा गंद फैला के रखी है, वो बंदी पूरा चिल्ला रही है कि कोई ब्रेकअप, क्या बोलते हैं, कोई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, 1.5 साल हो चुका है हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है, वो हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करके, बैठ के डिसाइड करके हम लोगों ने सेपरेट हो गए करके। और वहीं पे उसने बोला कि मुझे बिग बॉस से अप्रोच आया और मैं थम्सअप देती हूँ इस चीज का करके। तो ये सब चीजें जब हो रहे हैं और आपको कन्फेशन रूम में बुला के आपको जब पूछा जा रहा है तो आप किसको हक करना चाहते हैं, तो आप अपनी मोहब्बत को याद कर रहे हो वहां पे आके। आपको लग रहा होगा कि मैं विनर हूँ मराठी बिग बॉस का, तो मेरे अकेले को लाएंगे, दूसरी मराठी से तो कोई आएगा नहीं। आप बहुत सोचते हो ना, आप तो च्यवनप्राश 4 डब्बे खाते हो सुबह उठ के। मैम कोंटा देना है मेरे को, मैम कोंटा देना मुझे, ठीक है ना। देखिए पहले विनर जी जब आएंगे ना तो हम लोग तब बात करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं उसके बाद बात नहीं करूंगा, मैं प्रिडिक्शन ले लूं कि वो आके ऐसा करेगी, हो सकता गले मिल जाए, हो सकता बोले हाँ यार शिव तू मेरा प्यार है, तू मेरा खोया हुआ प्यार है। अरे सर उसकी बात हो गई, आप बोलो बात नहीं करेंगे, बात तो क्यों नहीं करेंगे, नहीं अंदर आने के बाद में बात करूंगा, जैसे वो करेगी रिएक्शन अभी से मैं नहीं नहीं उसकी छोड़ो, शिव ने बोला ब्रेकअप हो गया है। जब विक्टिम खुद बोल रही है सोशल मीडिया पे, पूरे जनता को वो बोल रही है कि भाई साहब मेरा ब्रेकअप हो गया है, तब क्या बोलोगे आप उस पर, आपका प्रतिक्रिया बोलो। हाँ तो मैं अब तक प्रतिज्ञा दे रहा हूँ, तो रुक जाइए सर। तो मैं अपना वो दे रहा हूँ, तो अभी आप सुन लीजिए। पहली बात, सबसे पहली बात, हर बॉल वो क्या छक्का नहीं भाई? मारा जा सकता है, कुछ कुछ बॉल को डिफेंस भी किया जाता है, तो वैसे ही गेम अभी शिव खेल रहा है। हर टाइम वो फ्रंट में नहीं खेल सकता है, कभी कभी पीछे भी जाना पड़ता है गेम में। अब वो अपना डिफेंस खेल रहा है। एक सेकेंड सर, लेट मी कम्प्लीट, कार्तिक जी बोलने दो ना उनको, लेट मी कम्प्लीट, अभी आपको बोलने दिया ना सर। तो हर टाइम वो फ्रंट पे नहीं खेल सकता, कभी कुछ कुछ जगह पे उसको फ्रंट आना है तो वहां पे फ्रंट आ जाता है, जब उसको डिफेंड करना है वो डिफेंड करता है। डिफेंड कहाँ कर रहा है वो? अपने फ्रेंड्स केस में, फ्रेंडशिप में, सब में मैं मान रहा हूँ, मैं खुद भी मानता हूँ एज ए शिव फैन कि थोड़ी उसकी फ्रेंडशिप में ऊपर नीचे चीजें हो रही है, बट जहां पर टास्क आता है, जहां पर गेम आता है, जहां पर कुछ आता है, वो सबसे आगे दिखता है। आप खुद उसको एज ए विनर बोल ले तो दिखता है, तभी तो आप एज ए विनर बोल रहे, फ्रंट में खेलना है तभी तो एज ए विनर बोल रहे। आप क्यों बोल रहे उसके तो विनर कौन है? यहाँ पर जीत सकता है, जीत सकता है इसीलिए क्योंकि फ्रंट में भी खेलता है, कभी कभी बैक में भी खेलता है, और वो खेल रहा है, सबसे बड़ी बात है खेल रहा है, यही सबसे पहली बात। हम बिग बॉस में शो क्यों देख रहे? गेम शो है, कहने के ना हम लोग रियलिटी शो देख रहे, कोई खेलेगा तो ही तो देखेंगे ना। जब कोई खेलेगा नहीं, जैसे साजिद जैसे बैठा रहेगा, अब्दू जैसे बैठे रहेगा, तो हम क्या देखेंगे स्क्रीन को? लो ना दिल में जो बात है उसको भी लो ना, डर क्यों रहे हो? लो ना दिल में जो बात है उसको भी लो। आपने बोला था ना नासिर भाई रुको, मैं कार्तिक भाई को गर्लफ्रेंड वाली बात बोलूंगा। अभी मैं आपको आपके इंस्टाग्राम पे ना विनी का पूरा एड्रेस पूरा सेंड कर दूंगा। वो बंदी अब 2 दिन पहले, कल तक शायद, वो
बिग बॉस से वॉलंटियरली कह रही है कि शिव को आप वोट करो, उस बार बार उसने इंस्टाग्राम डाला हुआ है, बोलो तो मैं आपको आपके इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। मैं भी वो वाला वीडियो भेज सकता हूँ सर, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, पूरी दुनिया देख चुकी है सर। अरे आप लोगों ने पूरा कम्युनिटी, कार्तिक जी आपने पॉइंट घुमा दिया इन लोगों से, आपने पता नहीं क्या पॉइंट दे दिया, घूम गए। पॉइंट ये था शिव ठाकरे झूठ क्यों बोल रहा है, उसने थोड़े दिन पहले बोला था वो मैं उसके साथ आप भी रिलेशन में हूँ, पर आज बोल रहा है मैं ब्रेकअप हो गया, वो झूठ क्यों बोल रहा है। पॉइंट ये, आप लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, वो उनके साथ अब भी बात करते हैं, उसने ये बोल दिया, उसने ये वो बोल दिया। पॉइंट ये, शिव ने झूठ क्यों बोला, उसका रिप्लाई दो। इसने झूठ नहीं बोला, अभी भी उसने बोला अथर जी क्या हो गया आपको, इसने झूठ नहीं बोला। आप बात को नहीं समझे अथर भैया, अथर भैया मैं बोल रहा हूँ एक बार, कन्फेशन रूम में वो कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोला, तो एक बार उनकी स्टेटमेंट सुन लेते हैं अथर जी की तरफ से क्या स्टेटमेंट है। हाँ जी, ने बोला है कि जब मैं मराठी में था साथ साथ, और अभी भी मैं आधा ब्रेकअप हुआ है आधा नहीं हुआ, यानी मेरी तरफ से ये उतरा, वन साइड ही चल रहा है। कब बोला ये उसने, मुझे क्लिप सेंड करना, मुझे क्लिप सेंड करना, और हम मैडम आपको वो वाला क्लिप भी भेजेंगे। हाँ, अरे ये आधा ब्रेकअप क्या होता है ये तो बताओ पहले, आधा ब्रेकअप जैसे प्रियांकित होता है वैसे आज दर्जी उसने साफ साफ बोला है कि हम दोनों अभी भी साथ हैं, और आई थिंक शालिन से कर रहा था ये वो ये बात है कि हम दोनों जो है अभी भी साथ हैं, हम दोनों रिलेशन में हैं। और कन्फेशन रूम में भी जब उसने बिग बॉस ने बोला कि आप किसको चाहते हैं बाहर से बुलाना, तो उसने बोला मैं वीना से मिलना चाहता हूँ। नहीं बिग बॉस नहीं बोला था, वो गलत पॉइंट, गलत पॉइंट, अरे सुनो यार, सुनो सुनो, बिग बॉस ने बोला था उसको, उसने नहीं बोला था, बिग बॉस ने बोला था कि वीना वीना किसको किससे बात करना चाहोगे, वीना से बात कर लोगे, तो उसने बोला था हाँ सर वो भी चलेगी और आई भी चलेगी, तो उसने हाँ भरा था, उसने आगे से नाम नहीं लिया था, वो बिग बॉस ने पूछा था लेकिन उसने हाँ भरा था, वो भी पॉइंट है ना। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है आप उससे टच में नहीं, तो आपने हाँ क्यों भरा फिर, आपको तो बोलना चाहिए था आई को बुलाओ तो। और उसने सिर्फ ये सब चीजें छोड़ दो, उसने ओपनली बोला है मैं रिलेशन में हूँ अभी भी, इसी बिग बॉस में बोला है उसने, तो वो कैसे आज बोल दिया उसने ब्रेकअप हो गया, मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसका जस्टिफिकेशन पूछ रहा हूँ, वो झूठ क्यों बोला उसने, वो कैसे भूल गया कि मैंने इस बिग बॉस में बोला है कि हाँ मेरा आंसर तो मिल गया ना कि आधा ब्रेकअप हुआ था ना हितेश भाई, छोड़ दो ना, आधा ब्रेकअप हुआ था, अब क्या ही छोड़, रन आउट हो गए भैया आप। आसिफ भाई, हाँ आसिफ भाई कुछ बोल रहे थे आप, अरे और भी लोग आए हुए उनको भी बोलने दो, और भी वो लोग आए हुए हैं, बहुत देर से चुप बैठी हैं, सभा में माँ बोलो प्लीज। सभा में बोलो आप बोलो। नहीं बट मैम अच्छा जी कहीं ना कहीं थोड़ा सही बोल रहे, वो आज भी वो भी इस बात को भी वो बोल रहा था कि मेरी तरफ से खत्म हो गया, उसकी तरफ से नहीं हो। ओह गॉड, वो बात बोल के उसने वो दिखाया था, उसका नाम दिखाया था। नहीं उसने ये नहीं बोला था सभा में, उसने बोला था वो मूव ऑन नहीं हुई है अभी। हाँ। उसने बोला था अभी भी वो काम में बिजी है अभी, और एक मिनट में हाँ में हाँ मिला रहा, हाँ बिग बॉस सही बोल रहे, सही बोल रहे, खुद दिमाग इतना बड़ा प्लेयर समझता है उसने ना, दोनों मर्तबा साजिद के मुंह नहीं लगा, टास्क के खत्म होते ही निमरित वहां पर समझाने जा रही थी साजिद को कि सर मगर हमें आप डिमोटिवेट नहीं होने दे सकते, आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, तो वहां पर भी वो चुप हो गया, अचानक से सिर्फ एक लाइन बोली और चुप हो गया उन, और फिर साजिद के कान से और जाने के बाद बोल रहा है साजिद अंदर चल गया जब बोल रहा है, एक्चुअली उसको बिग बॉस के गेम में फंसना नहीं है, दैट्स इट, उसको पता है, उसको पता है, उसको पता है कि साजी सर से लड़वाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो उसके गेम में फंस नहीं रहा है, दैट्स इट, मैं ये बोलूंगा
सर जी मैं यही सुन रहा हूँ, गर्लफ्रेंड के बाद हाफ ब्रेकअप मूवी बनेगी, निमृत का बलि चढ़े, बलि देने का है तो निमृत का बलि चढ़े, मेरा नहीं। अच्छा एक बात बताओ आसिफ भाई, एक ही बात बताओ मुझे, क्या उस तीन लोगों में से निमृत के जगह आपका साजिद बैठता और यही टॉपिक अगर निमृत के बारे में चलता तो शिव सेम में हाँ में हाँ मिला था? अब मना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हाँ तो वही तो हम इतने दिन से बोल रहे हैं भाई साहब कि कंधे इनके हैं और बंदूक शिव ठाकरे का, यही तो हम बोल रहे हैं उतने दिन से। नहीं, मैं भी उसी को किसी का नहीं फर्क पड़ता है भाई, हम उस दिन से यही प्रूफ कर रहे हैं भाई कि उसको किसी का फर्क नहीं पड़ता है, वो हाँ। अपना गेम खेल रहा है हाँ। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो बैकफुट पे जो डिफेंस करना है ना हाँ? जो राहुल द्रविड़ बना बैठा है ना उसको विराट कोहली बनने बोल रहे हैं, पसंद तो राहुल द्रविड़ को भी करते हैं, द्रविड़ बन के भी अच्छा खेलते हैं। जनाब जनाब हमें बोलने दें, जनाब हमें बोलने दें, हम बोल रहे हैं हम राहुल द्रविड़ को भी पसंद करते हैं, लेकिन हम अभी 2020 देखने पे आ गए हैं, पहले वो था टेस्ट मैच, अभी 2020 देख रहे हैं ना, अभी हमें विराट कोहली को देखना पसंद है। को बना के रखा है 2020 का भी हां, कोच तो द्रविड़ को बना के रखा है 2020 का। सर जब आप रन नहीं मारोगे ना, जब आप मौके पे छक्का नहीं मारोगे ना तो टीम हार जाएगी सर, इसका भी ध्यान रखिएगा। अरे डिबेट बिग बॉस की करनी है, क्रिकेट की नहीं करनी है राहुल द्रविड़, तो ये समझ नहीं रहे ना, वो उसका गेम है, कभी उसको आप फ्रंट पे खेलना कभी पीछे से खेलना। अच्छा सुनो, वो आगे पीछे दोनों तरफ से खेलता है, सुनो टास्क में वो आगे से खेलता है, टास्क में वो आगे से खेलता है, अदरवाइज वो पीछे ही रहता है। अब मैं ऋषिकेश का कमेंट देती हूं, हितेश सर टॉक अबाउट टू एमसी स्टैन, और आपने ना देख लो शिव का क्या करवा दिया, फुल गर्लफ्रेंड माइनस हाफ ब्रेकअप इज इक्वल टू शिव। लोग रो रहे हैं, बताओ काश हमारा भी हाथ। हाँ कल मैंने एक बात बोली थी ना कि नंबर वन से नंबर टू में आएगा तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा, झूठा बोल के लिखूंगा, आज का वोटिंग ट्रेंड बता दो शिल्पा में। नंबर वन अरे यार जब वो 3 वीक से नहीं आया तो अब कैसे सेकंड पे आ जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए यार तो लोगों के। तो दाव भी हम उसके पे लगा के ले जो जीतता है सेकंड, शिप के फैन बोल रहे हैं असिस्टेंट, एक सेकंड अभी आप हमारे के पीछे आ रहे हैं। अरे यार क्या हो रहा है, ये डिबेट चल रहा है, क्या चल रहा है, निमृत को कर रहा है आज लास्ट वीक है, ये हफ्ता लास्ट वीक है इसका, बिग बॉस ने कंफर्म कर दिया आज इस हफ्ता लास्ट वीक है। वो तो मैं तो दिन में ही बोल रहा था, आप लोग मान नहीं रहे थे, मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ आसिफ जी, आसिफ जी आपने आपने अभी बोला कि शिव ठाकरे वोट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गेम में तो क्रेडिट छीन रहा हूँ उनका, अब यहाँ पे आप उनके फैंस का वोट का भी क्रेडिट छीन लो हैं। शिव ठाकरे खुद नॉमिनेट था ना, सुनो सुनो शिव ठाकरे खुद नॉमिनेट था ना स्टैंड के साथ, जब भी एम सी स्टैंड फर्स्ट था, जब शिव वालों ने कोई वोट नहीं दिया था उसको, और ना आप वोट दे रहे, वो दे रहे निमृत को, वो निमृत को वोट दे रहे हैं, शिव वो रहेगा तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, लेकिन जब शिव नहीं है तो शिव के फैन उसको वोट कर रहे हैं, जैसे आपके जब बात ही नहीं समझ रहे हो, सभा मैम मैं कह रहा हूँ, सभा मैम मीरेट चैपर अस्टैन गुरिंची लांद्रे मार्ट लड़ता है रोड एक सेंटेस चैपन डे चैपो पर तैला कर दूँ होता जाए। अरे 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 कार्तिक जी क्या चल रही है, मैंने बोला कि वो 3 बार उंगली उठाए और नीचे कर दिए तो इसके बाद आप बोल लेना, वैसे टाइप का ही कुछ बोला मैंने। अच्छा स्टैंड लगा के स्टैंड के पास तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पे तो पॉइंट ही भूल जाते हैं यार, क्या बोलते हैं क्या निकलो छोड़ो वोटिंग का, वोटिंग था तब भी वो स्टैंड नंबर 1 पे था वोटिंग में, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये लोग ये सर बोल रहे हैं ना शिव वाले वोट कर रहे हैं, शिव वाले निमृत को वोट कर रहे हैं इसलिए निमृत आगे चल रही है, अगर निमृत को वोट नहीं करते तो निमृत आगे ही नहीं चलती, निमृत ही नॉमिनेशन में आती है, वो सबसे वीक आती, टीना से ऊपर वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसका फैंडम वैसे नहीं है, आप उसके देख लो ना, आप उसका कोई भी पोल कुछ भी करके देख लो ना, आप उसका कुछ भी नहीं, उसका फैंडम ही नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, फिर वो कैसे आ रही है, क्योंकि शिव वाले वोट कर रहे हैं उसको, सिंपल सी चीज है। अभी सिंपल सी बात है हम लोग यहाँ पर दो लोग बैठे शिव के फैन, हम दोनों किसको वोट किए हम लोग पूछ लेते, पता चल जाएगा। अरे सर दो जनों से फैंडम नहीं चलता, आप क्या वही तो बोल रहा हूँ मैं, दो जनों से और आप ऐसा ही है। अरे सुनो चलो हमको थोड़ी पता आपने किसको वोट किया, आप बोलने को तो कुछ भी बोल दोगे यहाँ पे आगे, हमको थोड़ी पता है, मैं क्यों बोलूंगा, मैंने लिखा है तेरी, मैं क्यों बोलूंगा झूठ। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपने बोल दिया आप, लेकिन अथर्जी का भी बोल रहे हो, आपको क्या पता अथर्जी ने किसको वोट किया है,
और आप सच बोलेंगे वो सच बोलेंगे। मैंने तो भेजा भी शिल्पा मैम को। यार आप लोग तो पता नहीं डिबेट को कहां ले जाते हो, मैं पॉइंट ही नहीं समझते आप लोग। मैं बोल रहा हूँ आपने बोल दिया है, आपने वोट दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके और भी कोई बोले, हम उसको, हमको थोड़ी पता है, हमने देखा थोड़ी है, सिंपल सी चीज समझ रहे हो मैं क्या बोलने के जा रहा हूँ। हमको थोड़ी पता है किस, आपने किसको वोट दिया, मैं किसी और को देके ये भी तो बोल सकता हूँ मैंने दिया है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। तो यही सीन है। और अगर शिव वाले दिए भी है, अगर पिछली साल पिछली बार शिव उसके साथ नॉमिनेट था, जब भी तो नंबर वन था वो, तो मैं उसको जरूरत ही नहीं वोट। देखिए आर्ग्यूमेंट अगर ये होता ना कि शिव क्यों नंबर वन है, तो मैं उसकी बात अलग कर रहा हूँ। यही आर्ग्यूमेंट था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला था अभी के टाइम पे लोग जो शिव के फैन है वो भी वोट कर रहे हैं इसको, स्टैंड को। मेरा ये कहना है यार, आप लोगों का ये प्रॉब्लम है, मतलब लेना देना नहीं है। देखिए पहले हो सकता है 100 वोट के साथ होगा, आज 500 वोट के साथ है, क्योंकि शिव के फैन भी उसके साथ इंक्लूड है। मैं कुछ बोलूं? बोलो बोलो बोलो। साइकोलॉजिकली अगर मैं शिव का फैन होता, बोल रहे थे हितेश जी बोल रहे थे, उन्हें तो कंप्लीट करने, तो आसिफ जी आप फिर बीच में बोलने लग गए थे, उनका पॉइंट तो कंप्लीट। क्या हो रहा है यार, मैं ऐसे आ गया ना करने पे बोलने पे, तो बोल ही नहीं पाओगे आप लोग। हमारे इतनी बेइज्जती बात मत, देखो भाई ऐसे मत करो, को होस्ट को कम से कम बात तो कंप्लीट करने दो, आप लोग सुनते ही नहीं हो। माचिस हटाओ, माचिस हटाओ वहां से। हां आप फोन लगा, हो गया आप लोगों का। हाँ ये सब चीजें ना मैं पिछली साल करता था, मैं तो, मेरे को अब यार इन चीजों का बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, मैं करने पे आ गया ना तो आप लोग एक भी पॉइंट नहीं रख पाओगे, तो प्लीज वो चीजें तो करो ही मत, उस चीज को छोड़ दो यहीं पे ना। डिबेट की तरह करते हैं अपन, एक वर्ड मैं बोलता हूँ या एक लाइन मैं बोलता हूँ, एक लाइन आप बोलो, मतलब एक एक बार वन टू वन मत करो, है ना। सिंपल सी चीज देखो, अरे बोलने दो मेरे को, क्यों गुस्सा दिला रहे हो, बोलने दो। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट यहाँ से उठा था मैंने, मैम स्टैन की बात आई थी, किसी ने पूछा था कि स्टैन का वर्णन बता दो, तो मैम ने बोला था नंबर वन पे स्टैन चल रहा है, तो मैंने ये बोला था कि मैडम ये तो 3 वीक से भी जब वो चल रहा है तो इसमें तो पूछने की जरूरत नहीं है, तो आपने बोला था क्योंकि शिव ने वोट दिया, आपने ये बोला था इसलिए ये डिबेट स्टार्ट हुआ, तो आपने वहां क्रेडिट लिया कि वन पे इसलिए है क्योंकि शिव वालों ने वोट किया, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, तो ये आपका पॉइंट इनवैलिड है। शिव की वजह से वन नंबर पे नहीं आया, वो उसके फैन की वजह से ही नंबर वन पे आया है, शिव वालों ने वोट दिया होगा ना तब भी नहीं आया वो वन, तो शिव अपने ही फैंडम की वजह से वन नंबर पे है, क्योंकि पिछली बार शिव भी था नॉमिनेशन में जब भी वो नंबर वन पे था, प्रियंका थी जब भी वो नंबर वन पे था, तो अब तो वो दोनों भी नहीं है, जब भी तो फिर तो इजी इजी नंबर वन पे होगा ही होगा ना वो, तो मेरा पॉइंट वो था बोलने का, जो अभी क्वेश्चन आया था कि स्टैन वो नंबर वन पे है या नहीं मैडम वो बता दो, तो वो मैं बोल रहा हूँ अब तो ये पूछने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जो वीक 3 वीक से नंबर वन पे चला है बंदा नॉमिनेशन में, उसके नीचे सारे फैंडम वाले आ गए, सुम्बुल का फैंडम इतना बड़ा वो उसके साथ आ गए, जब भी वो नीचे रही थी प्रियंका उसके नीचे रही थी, शिव ठाकरे उसके नीचे रहा था, तो अब कैसे नंबर टू पे आ जाएगा कुछ नंबर, मेरा वो था पॉइंट बोलने का, ठीक है। तो वो नंबर वन पे ही है अभी भी वोटिंग के अंदर, और उसमें कोई दोराई की बात ही नहीं है, और उसका पूरा क्रेडिट ओनली स्टैन फैंस को है, तो उनसे क्रेडिट मत छीनो सर, शिव ने वोट किया हो या नहीं किया। कमेंट करूं मैं इनकी बातों से पूरी सहमत हूँ, और इसके साथ मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, अगर मैं शिव फैन हूँ तो साइकोलॉजिकली मैं स्टैन को नहीं बल्कि वो मंडली को सपोर्ट करने के लिए मैं निमृत को ही वोट करने के लिए जाऊंगा, ना कि मैं स्टैन को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि स्टैन का आर्मी बहुत बड़ा है, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो ग्रुप कभी टूटे, इसके वजह से ही मैं जाके, अगर मैं शिव फैन हूं तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, तो मैं जाके निमृत को ही वोट करूंगा, ना कि मैं स्टैन को करूंगा उस जगह पे, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि अगर मेरा शिव आगे बढ़े उसके लिए निमृत का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना कहीं ना कहीं डगमगाएंगे चीजें, ठीक है, ये समझ में भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस जब गेम तुम प्ले कर रहे हो तो डिफेंस में तुम्हें बहुत सारे मोहरों की जरूरत होता है, जब तुमको युद्ध लड़ने जा रहे हो ना तो तुम्हें बहुत सारी सैनिकों की जरूरत पड़ती है, और वो उसी तरह उसी पैटर्न में वो खेल रहा है जिस पैटर्न में वो मराठी में खेला था, तो उसके लिए उसके लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई ऑलरेडी एक बंदे का बहुत बड़ा फैंडम है, तो डेफिनेटली मैं निमृत को ही वोट करने जाऊंगा। अब जो बोलना है शिव बोल सकते हैं, तो मैं वही मैं फिर से भी मैं इसको दोहराऊंगा। देखिए एक अभी 2 दिन पहले हम लोग एक डिबेट चला था छोटा सा यहीं पर, कि जिसमें मैंने बोला था कि
अगर स्टैंड के फ्रेंड वोट नहीं भी करेंगे हमारे बीच में डिबेट चल रहा था, वो ये इस शो को नहीं लेके बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें ये हो रहा था कि शिफ्ट के फैन जो है ना वो वोट डाल के जीतेंगे, जिसमें हितेश भाई ने बोला था कि वो जरूर जीतेगा तब भी, लेकिन उसमें अगर स्टैंड के फैन भी मिल जाएंगे तो वन साइडेड जीतेगा। एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना, भी आज के दिन जरूर एक नंबर पे स्टैंड है, लेकिन आज शिव के फैन भी उसको वोट दे रहे तो वन साइडेड एक साइड नंबर वन पे, ये कल तक हो सकता है। अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये कौन सा आपने एग्जांपल दिया, सुनो पहले मेरी बात, आदमी सुनो, मैं अभी कंप्लीट नहीं किया हूं, मैं कंप्लीट नहीं किया सर, पर लेकिन आप पॉइंट ही अलग चीज बोल रहे हो, उसका मतलब नहीं जाएगा ना फिर कुछ भी बोलो, आप फिर भी बोल लो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, बोल लो भाई, कंप्लीट कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ, आप पॉइंट ही घुमा दिया, आप पॉइंट ही घुमा देते हो, आप लोग आप बोल के मना कर देते हो, हमने ऐसे नहीं बोला, वो मेरा कला है, देखो देखो अपने कला, ये कला है क्या सर, झूठ बोलना कला नहीं होती, अभी तक जो बोले हमको समझ में आ गया, आप कंप्लीट कैसे करते हो वो भी हम देखना चाहते हैं, कंप्लीट करो, मैं पॉइंट ही भूल गए थे तो आपने बात को घुमा दिया, मेरे को पॉइंट लेकर आ देती, चलो और ये क्या नाम है अथर जी, जो आप बोल रहे हो ना ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ ग्रुप बना बना के छोड़ दिया हमने, दंगे कर करके छोड़ दी ग्रुप के अंदर, अब नहीं बनाते हम ग्रुप, यही हमारा, मेरा भी हाफ ब्रेकअप करवा दो सर कहीं से। अच्छा ये कमेंट आया विजय मैम, आप बोलो विजय मैम, मोइन जी विजय मैम सभा मैम, अब इन तीनों को बोलने देते हैं, बहुत देर से नहीं बोला, अथर जी को बोल रहे हैं, अथर जी आप बोलो, चलो पहले मुझे कुछ नहीं बोलना मैम, मैं झूठ नहीं बोलता, लाइन बाय लाइन चल लेंगे ना मैम, लाइन बाय लाइन चल लेंगे, सभा को टाइम दो भाई, बहुत बार करा ली आसिफ जी बेइज्जती, करा ली आसिफ जी बेइज्जती, आ गया स्वाद, सभा मैम आप बोलो, लेकिन एक बात मैं बता दूं आसिफ जी, क्लियर कर दूं, जितने भी खुलासे होते हैं ना वो हमारे बोल फटाफट पर होते हैं, फिर यहाँ से सारे में वो फैलते हैं, इस चीज को आपको बिल्कुल नोटिस कर लेना। हाँ सभा में बोलो। अरे मैं तो दंके की चोट पे कह रहा हूँ, मेरा पूरी डिबेट सुन लेना, मेरा प्रेडिक्शन अभी तक 100% चल रहा है अभी तक का प्रेडिक्शन मेरा, ये बिग बॉस 16 का, और दंके की चोट पे कह रहा हूँ पूरे डिबेट जाके सुन लेना, एक भी जो बोलता हूँ ना वो ऐसे नहीं, हर वीक का मैं बताता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि मैं बता रहा हूँ ये कन्फर्म होगा, उस पॉइंट पे बोल रहा हूँ वो कभी भी देख लेना, वो का वही होता है, पॉइंट टू पॉइंट का चैलेंज याद है ना आपको, हम दोनों का चैलेंज याद है ना, टीना दत्ता और संजीता कभी दोस्त नहीं बन सकते, ये मैंने बोला और आपने बोला कि दोस्त ऑलरेडी दोस्त है, आप पहले ही आ गए, वो तो पहले ही ऑलरेडी दोस्त है, अरे वो दोस्ती तो ठीक है, घर के अंदर अब नहीं बन सकते, ये मैं बोल रहा हूँ, चलो हाँ वो इनमें से कोई भी पहले जाएगा, वो मेरा प्रेडिक्शन नहीं है सर, वो प्रेडिक्शन नहीं होता, प्रेडिक्शन अलग चीज होती है, आप प्रेडिक्शन मत बोलो उसको, प्रेडिक्शन होता है मैं बताता हूँ, जैसे हाँ अब कौन जाएगा, समझ रहे हो अब कौन अच्छा जाएगा या बिग बॉस क्या करने वाले, वो प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ सवा मैम बोलो, हाँ मैम आसिफ जी, अथर जी जिस दिन आपको सच बोलने का मन करे ना उस दिन उंगली फिंगर रेस कर देना। आसिफ जी मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जैसे अथर जी एकदम से पलट गए ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ऐसी सैनिक होगी तो राजा कैसे बनेगा शिव, आप बोलिए ऐसी सैनिक होगी तो, और आप जो बोल रहे हो ना शिव के फैंस स्टैन को वोट करे, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई राजा पहले से राजा है तो सेना के चिल्लाने से चिल्लाने से राजा बनेगा क्या, वो तो खुद में ही एक राजा बन है पहले से, उसके फैंडम उसको काफी है, शिव के फैन उसको वोट करने से क्या होगा बताइए आप, कुछ फैन ऐड हो जाएंगे आपके फैंडम में, बस यही होगा और कुछ नहीं, खत्म। आप लोग ना कल से नाम चेंज कर दो, वरना नीचे जो आते ना शिव के फैंस, आप दोनों को बहुत रोस्ट करने वाले हैं वो लोग, और ये बॉल कौन रहा है जिनके फैंडम को जरूरत है वोट की, स्टैन को जरूरत ही नहीं है सर वोट की, टेंशन मत करो, जरूरत शिव को पड़ेगी वोट की, देख लेना आप भी,
हम भी यही है, जरूरत उसको पड़ेगी। जैसे हम वोट करें आप भी फाइनल में वोट हमें जरूर कीजिए, ये याद रखिए आप। बस एक बार बोलना चाहूंगी आसिफ जी के बारे में ना, मैं एक बार बोलना चाहूंगी भाई कुछ भी है लेकिन एंटरटेनिंग है। खुद का लेकिन एक बात मैम क्या हो रहा पता है आपको, एपिसोड के शुरुआत में ना लाइव में एपिसोड शुरू होते वक्त ना एपिसोड के बाद थोड़ी देर तक चलने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद अपने अपने फैन के क्वालिटियां कमियां इस पे डिबेट हो जा रही है पूरे एपिसोड का, जो जो पॉइंट टू पॉइंट हम अगर बात करें ना तो लास्ट एंड तक का वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं मैम। नहीं नहीं सर, रीजन मैं बताऊं मैम क्या है, दूसरे दूसरे पार्टी के लोग दिया रहे ना इसलिए डिबेट नहीं हो पाता सब। अब मैं एग्री कर लेते आपस में तो डिबेट कैसे हो। हाँ वो डिबेट जब होगा जब प्रियंका वाले आए, मंडली वाली पार्टी है, हमने प्रियंका का पॉइंट रखा, हमने अंकित का पॉइंट रखा है ना, तो सबने अग्री कर लिया यहाँ पर, तो फिर डिबेट कैसे हो गया कि काउंटर करने। अब डिबेट हो सकता है, अब विजय मैम अंकित फैन है, आज हमने अंकित के लिए बोला, अब विजय मैम अंकित को काउंटर मतलब उस डिफेंड करे जब डिबेट हो सकता है। अब विजय मैम का नंबर आने दो, विजय मैम भी डिफेंड नहीं कर रहे ना, वो भी पहले से हत्या जान दिए हैं। बात कर रहे हो, काम कर रहे हो इसलिए इसको चेंज कर दिया मैं, इतना अच्छा डिफेंड किया मैम आज, मैम खोल के रख दिया आज के हाँ क्यों शिल्पा मैम स्टार्टिंग में खोल के नहीं रख दिए, चुप करा दिए थे हम लोगों को, चुप करा दिए थे हम लोगों को थोड़ी देर के लिए। देखो पता है शिल्पा, सुनो शिल्पा, पता है मेरा पता प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने बातों को ट्विस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और वो मैं होती रही तो मुझे हाइपर पना होता है, मेरे फिर दिक्कत आने लगती है। तो इस वजह से छोड़ दो डिबेट, लड़ाई करने से कोई अच्छा है नहीं, वो हमारे घर पे है नहीं भैया, हमारा रिश्तेदार है नहीं वो, ठीक है भाड़ में जाए ऐसे हमें क्या ही करना है, हम तो यहाँ केवल बात करते हैं, इंजॉय करने आते हैं, थोड़ी देर हंस लेते हैं, आराम से सो जाते हैं अपना, क्या ही करना है मुझे उनसे। विजय मैम अंकित को सपोर्ट कर रही है वैसे, लेकिन वो कट्टर वाली जो बात है ना वो वाली बात नहीं है। कट्टर के लिए मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा बिग बॉस में, हम तो इस बार पहले से ही कह चुके हैं मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा इस टाइम, जैसे हमारा हमने बीते सीजन में जिनको जिनको सपोर्ट किया, जैसे प्रियंका के लिए टाइम पास है अंकित, ऐसे विजय मैम भी चलो अंकित को पकड़ लेते हैं ना विजय मैम। नहीं 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 पर्सनालिटी वाइज मैंने आपसे बोला था, एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए पर्सनालिटी मुझे वो समझ में आता है बस, और वही स्टैंड के लिए है मेरा, खेले या ना खेले वो मुझे अच्छा लगता है, उसकी बातें मुझे अच्छी लगती है, जो भी एडी बेडी बोलता है मुझे भाषा वो अच्छी लगती है, क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं है, हम पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्क्रीन पे ये कमेंट मैंने बहुत देर से स्क्रीन पे रखा हुआ है, स्टैन 302 लिख के बिग बॉस को हिंट दे रहा था कुछ हो जाएगा, 302 मतलब अरे 302 मतलब 302 का मतलब क्या उसने लिखा था। हां 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 ये देख 300 कैदी नंबर 302 बोर्ड में कैदी नंबर लिखा था 302 430 तो होता है 302 मतलब क्या। अरे कुछ अरे बोलने दोगे तभी तो मैं बोलूंगा यार, कोई बोलने तो दे मेरे को, आज क्या हो रहा कोई बोलने दे। 302 मर्डर की मर्डर के लिए धारा लगता है, सबसे बड़ी धारा होता है 302, इसलिए वो 302 लिख रहा था, इसलिए वो बोल रहे हिंट दे रहे थे कि बिग बॉस सबसे बड़ी धारा 302 ही होती है। 302 होती है मर्डर। अतर भाई आप कुछ एग्री कर रहे थे, अतर भाई मैं अभी कुछ सुन रहा था। हाँ, मैं कह रहा था आज अंकित ने पूरा का पूरा सही से डिसीजन लिए, मानो या ना मानो, क्योंकि वो बंदा हम ना मानेंगे। अतर जी नहीं आप आएगा ना, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब अतर जी और विजय मैम एक प्लेटफॉर्म, बिजली गिरने वाली है आप पे अतर जी, इतना याद रखो। देखो शिल्पा मैं झूठ की डिबेट नहीं करती हूँ, उसने बिग बॉस की बात ना मान के अपनी टीम को जिता दिया, वो चाहे चीटिंग हो और चाहे फ्रॉड हो चाहे कुछ भी हो काम खत्म, मैं झूठ की डिबेट नहीं करती, वो अपने पॉइंटों में फंसा काम खत्म, बिग बॉस की पॉइंटों में नहीं फंसा, उसने अपना डिसीजन नहीं पलटा। अतर जी लेकिन वो मैडम बोल रही है आप साथ साथ ही बोल रहे हो, फिर कैसे आप तो कैमरा ऑन कर रखा है आज आपने, फिर भी अब कैसे समझ में आएगा, फिर बताओ साथ साथ बोल रहे हो आप दोनों, एक आवाज तो है लग लगा लिए। कि वो बंदा फिर भी अपनी बात पे डटा रहा, लॉजिक उसकी सॉलिड थे, एक पॉइंट रखता था, हिला नहीं, ये बात मेरा कहने का। अब देखे साजिद भाई तो साफ साफ कह रहा था मैं तो चीटर हूँ, चीटर चीटर हूँ, ये तो नहीं कह रहा है ना, वो तो सीधा सीधा बात मान ले रहा था, तो उसने तो टास्क की अपने फेवर में करवा दिया, यही बात मुझे बहुत पसंद है अंकित की, जो मैं वाकई में कहता हूँ पर्सनैलिटी है बंदे की, सारी की तरह थोड़ी है। अंकित जी के बारे में बोलने का बहुत कम मौका विजय मैम को मिलता, तो बोलने दो ना।
सुनना है देखो अतर जी उसके उसमें केवल एक ही गलती है कि वो ढंग से बोल नहीं पाता है अपनी चीजों को, तेज आवाज करके बात नहीं कर पाता है, उसमें सबसे बड़ी कमी यही है। वो मुंह में ही गुलूर गुलूर करता रहता है, जितना प्रेडिक्शन था जैसे वो बाथरूम में कर रहा था, अब वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है वीकेंड के बाहर पे इनकी लगेगी नहीं क्या, ये फिर वहां मुंह उतार के बैठा रहेगा जवाब तो, क्योंकि भाई सम्मान है सलमान के सामने बोलने के, अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं होती है तो अंकित क्या ही चीज है। तो वो कहते ना कि जो प्रेडिक्शन आप वहां बैठ के करते हो कम से कम उन बातों को अंदर रखो ना। अब ये बताओ इनको निमृत को, टीना को और शिव को एक पॉइंट दिया गया है कि ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे टास्क करते हैं कि एक तरफा हो जाए, उनको हम जिताना चाहते हैं। आप इनके मुंह से उगुलवाओ, आपको लगता है कि साजिद जैसा बंदा निमृत को कुछ कहने पर अपनी पोल खोलेगा बैठ के? यार क्या बात करते हो, हम तो भाई अंकित चलो एक बार को, लेकिन अंकित क्यों बात करेगा? अंकित शिव से इतना क्लोज नहीं है जो अपनी पेट की बातें सारी बता देगा, अंकित ना तो टीना से इतना क्लोज है जो अपनी सारी बातें बता देगा, अंकित ना तो निमृत से इतना क्लोज है। अगर किसी से बातें अगर उगलवानी थी तो आपको अर्चना को लाना चाहिए था, सौंदर्या को भी नहीं, अर्चना से उसकी पटरी खा रही, अर्चना बातों बातों में निकलवा सकती थी बातें। लेकिन अब देख लो ना कि वो प्रेडिक्ट कर रहा है, अब बिग बॉस की पोल खोल रहा है, बिग बॉस को मिर्च लग रही है, समस्या इस बात की है ना मैडम। साजिद ने तो बोल दिया ना, साजिद ने तो बोल भी दिया ना उस वक्त, जिस वक्त निमृत पूछ रही थी तो साजिद के मुंह से ये लफ्ज तो निकल गए ना, तो मुझे इस बिग बॉस से कुछ नहीं करना, मुझे ना जीतना है ना हारना है, मुझे बस मैं जो 20 साल वाला साजिद खान था वो लोगों को दिखाना था, मैं मेरी इमेज ठीक करने आया हूँ, या फिर मेरा इमेज कैसा है, या फिर मैं कैसा, मेरा पर्सनालिटी कैसा है वो मैं शो करने आया हूँ, मुझे जीतने से कोई मतलब नहीं है। ये स्टेटमेंट तो आ गया, वही तो उगलवाना चाहते थे लोग। अब जब एक बंदा नहीं, जीतना नहीं, नहीं चाहता है तो उसको सपोर्ट क्यों करेंगे? ऐसा है ना कार्तिक जी, जीतने तो वो पहले से ही नहीं आया है, आपको क्या लगता है वो यहाँ जीतने आया था? हम लोग को तो ये पता ही है ना कि वो क्या करने आया है यहाँ पे, हम तो उसकी उम्मीद नहीं कर रहे ना। हम तो देखो अंकित जी, हाँ बिग बॉस का मतलब ये था कि भाई अगर ये लोग खेलना ही नहीं चाहते, ये लोग शो में रहना ही नहीं चाहते, तो आप लोग इनके हाथ में पावर कैसे दे देते हैं? वही चीज है। तो इसमें क्या गलती है? देखो अंकित ने तो कहा नहीं था ना कि वो राजा बन गए, वो तो तुक्का भिड़ गया उसका, तो बन गया है ना, वो तो बाई चांस बाई किस्मत कह लो कि प्रियंका अगर वहां पे अड़ जाती तो शालिन तो प्रियंका को बना देता, अंकित नहीं बन पाता, लेकिन प्रियंका वहां अड़ी नहीं। अंकित को कौन गलत बोल रहा है उस पॉइंट पे मैम? हम तो कहाँ गलत बता रहे हैं अंकित को उस पॉइंट पे, वो तो बिग बॉस यही तो प्रॉब्लम है। हितेश देखो अगर हमें लग रहा है कि आपको इतनी प्रॉब्लम है कि वो वीक कंटेस्टेंट है, आप उसको निकालना चाह रहे हो, ठीक है, वो नॉमिनेशन में आया था, आपको क्या जरूरत थी उसको सेव करने की? निकाल देते, वोट आया तो कैसे निकाल देंगे? नहीं आप वही तो पॉइंट नहीं समझ रहे अभी भी। बिग बॉस फेयर खेलने के लिए तो बोल रहा है कि आप लोग मुझे ऐसे शिकार दो जो टास्क नहीं खेल रहे या कम इन्वॉल्वमेंट है बिग बॉस के घर में, आप उसको तो कैप्टन बना के बिठा देते हो, और जो नहीं जा सकता ना उसको आप नॉमिनेशन में डाल देते हो, जैसे प्रियंका शिव, समझ रहे हो, जिनको वो बिग बॉस निकाल ही नहीं सकता किसी हालत में। तो बिग बॉस वो बोल रहा है कि भैया आप उसको नॉमिनेशन में डालो, साजिद जैसे, साजिद बोल रहा है कि भैया मेरे को टास्क में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है या उसको टास्क नहीं खेलना, उसको डालो, अंकित को डालो। अंकित के लिए थोड़ी वो बोला था स्पेशल, वो साजिद के लिए भी तो बोला था उन्होंने। तो बिग बॉस का मीन्स ये था, जो कम इन्वॉल्वमेंट है या जिनको खुद ही नहीं खेलना चाहते ना उनको आप है ना कैप्टन मत बनाओ, उनको कैप्टन बना के बिठा रहे हो, आप फिर देख रहे हो घर का माहौल क्या हो गया। तो बिग बॉस तो अपनी जगह सही है ना, उसको तो घर चलाना ना भैया। आपने देखा नहीं क्या कैप्टन बनने के बाद अंकित ने घर का क्या हाल किया, घर का क्या कल का एपिसोड क्यों खराब गया? अंकित ने पूरे 24 घंटे में कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ होने नहीं दिया, लोगों को सब कुछ करने दिया, किसी को बुद्धा नहीं उठाया ना खुद उठने दिया, कुछ नहीं किया उसने, और सबको अपनी अपनी चीजें मिल गई। और दूसरे ग्रुप वाले क्यों नहीं बोले? पहले तो वो बोलते थे जैसे अर्चना, अर्चना हमेशा सब कुंडा कुंडा करती थी प्रियंका, कल क्यों नहीं करी? क्योंकि अंकित कैप्टन था, जो नहीं तो कल भी चीजें हुई ना, देखो कैप्टनसी कैप्टन रूम में जाने की बात में सब हंगामा करते थे, अब कल उस सारे कैप्टन रूम में सब वो भी सब अकेले वो एक साथ बैठे थे, क्यों अब उनको प्रॉब्लम नहीं हुई? जब तो वो कहते थे धर्मशाला बना रखी है इन्होंने, ये कर रखा है, अब धर्मशाला नहीं है वो, अब भी तो सारे एक ही बैठे। हितेश जी इसमें अंकित की क्या गलती है? अंकित के ऊपर अगर कोई नहीं उठा रहा, मैं कब बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट बिग बॉस को क्या चाहिए? बिग बॉस को अपना शो चलाना है, बिग बॉस को अपने शो की टीआरपी लानी है, ठीक है। अब आप इसको चाहे टास्क को जो है बायस्ड कह लो या कुछ भी कह लो, जब सत्ता इन लोगों के हाथ में होती है ना, मेरा ठाकरे की टीम के हाथ में होती है, तो ये वाली टीम जो है वो हल्ला मचाती है, ड्यूटीज को लेकर हल्ला मचाते हैं, काम करने को लेकर हल्ला मचाते हैं, राशन को लेकर हल्ला मचाते हैं, दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, पहली बात दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, उससे ना कॉन्टेंट मिलता है। साजिद का प्लान क्या था कि मत खेलो?
मैं तो कंप्लीट कर लूं। तो उसके ना कंटेंट मिलता है बिग बॉस को, बिग बॉस की टीआरपी आती है। अब इन लोगों के हाथ में सत्ता जाने से क्या हुआ, वो वाली टीम ऐसा नहीं करती, शिव ठाकरे की टीम हल्ला नहीं मचाती, वो ड्यूटीज को लेकर मुद्दा नहीं बनाती, वो किसी भी चीज का मुद्दा नहीं बनाती, वो भी अपना आराम से रह रहे हैं। और क्योंकि सत्ता इनके हाथ में आ गई है तो ये तो किसी चीज का हल्ला मचाएंगे नहीं कि अंकित तूने ये कैसे कर दिया, अंकित तूने वो कैसे कर दिया। तो अब पूरा घर बहुत इजी वे में चल रहा है, तो इसलिए बिग बॉस भी चाहते हैं कि जो कैप्टेंसी है वो उस हाथ में रहे, और इधर अर्चना भी हल्ला मचाए, प्रियंका भी हल्ला मचाए, और टीआरपी जो है वो इनकी आती रहे, कॉन्टेंट जो है वो मिलता रहे। तो इसका मतलब कॉन्टेंट अर्चना और प्रियंका हिला रही है फिर इनडायरेक्टली, तो यही हुआ ना फिर, वो तो है ही ना, वो है ही। अरे इन्वॉल्वमेंट तो उनका ज्यादा आता है ना शो पे, हरकतें तो वो ही करती है ना, ढूंढती फालतू का मुद्दा चला। देखो टास्क में मैं तो एक चीज नोट करता हूँ, प्रियंका अर्चना और सौंदर्य का देखो, बात होगी छोटी सी उसको चिल्ला के बोलेगी जिससे ज्यादा अच्छा दिखे, पर जरूरत कहती है आज वो सौंदर्य चिल्ला के पॉइंट दे दी थी, वहां जरूरत थी उस पॉइंट की। अरे अर्चना तू मत बोल, तू तो चुप ही रहे, आप धीरे भी बोल सकते थे वो चीज, आराम से सबको सुन रही आ रही थी, मतलब धीरे का मतलब आराम से बात कर हो सकती, उसको इतना लाउडली चिल्लाने की जरूरत ही नहीं। वो तो जानबूझ के दिखाने के लिए ना इतना चिल्लाते हैं वो, कि मतलब अलग लगे हम, क्या यार हम देखो कितना चिल्ला के बात करते हैं। तो वो मेरे को समझ में नहीं आता ये कौन सा भाई, इसको कौन सा स्ट्रॉन्ग होना बोलते हैं, चिल्लाने से कोई स्ट्रॉन्ग होना थोड़ी बोलते हैं, आपकी बात में दम होना चाहिए, चाहे आप धीरे बोलो चाहे तेज बोलो, दम होगा ना ऑटोमेटिक। अब अंकित का देखो ना, अभी प्रियंका से दूर था, अंकित की कई चीजें वन लाइनर या कुछ भी आप जो चीज बोलते हो लग रही थी ना चीज, वो भी तो उसी वे में बोल रहा था, अच्छे लग रहा था ना क्योंकि उसमें दम था। लेकिन अब आज क्या हुआ है, आज उसने शालीन और प्रियंका के कहने पे पूरे टास्क का नियम निकाले, जो वो दोनों बोल रहे थे वही वो चीजें कर रहा था, तो एक तो उसकी पर्सनलिटी खुद की खत्म होगी, दूसरा जब टास्क स्टार्ट नहीं हुआ था, जब बिग बॉस को समझा रहे थे सोफे पे बैठ के, अंकित आप ये मैनेज कर लोगे, ऐसा टास्क होगा ये सब चीजें, जब आप देख रहे थे उसकी बेइज्जती की जा रही थी, तो अंकित बोल नहीं पा रहा था, अंकित फंबल मार रहा था, अब कहां गए उसके वन लाइनर, वन लाइनर खत्म हो गए थे क्या आज, लेकिन वो समझो वो फंस गया था वो। तो यही मैं बोल रहा हूँ, बिग बॉस जब फंसाता है ना किसी को तो अच्छे अच्छे नहीं बोल पाते, वही तो मैं कह रही हूँ ना, तो हम मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ आपको कि उसमें अंकित का फॉल्ट है, मैं यही कह रहा हूँ बिग बॉस क्या समझाना चाहते हैं, हम भी तो आपको वही समझा रहे हैं, बिग बॉस का मोटिव क्या था। आ रहा है आवाज, आ रही है, किसका कट रहा है फिर, आपका ही कट रहा है, मतलब नेटवर्क आपका ही कट रहा है, हमारा तो सही है, अरे इसमें हंसने की क्या बात है। टाइमिंग खराब अच्छा आप वैसे ले गए। हाँ विजय मैम बोलो, विजय मैम गोली मार देगी भी, उनको वैसे दिमाग खराब है। नहीं 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 कोई दिमाग खराब नहीं है मेरा, कोई दिमाग खराब नहीं है, मैं मानती हूँ कि अंकित नहीं बोल पाता है, वो जो चीजें एक्सप्रेस करने में उसको है प्रॉब्लम, होती होगी हर किसी को, नहीं इतना चिल्लाने वाला इतना बोलने वाला हर कोई नहीं होता, अपनी अपनी एक पर्सनालिटी है उसकी, कमी आप पूरा कर दो ना मैम। नहीं मैं जाती तो मैं पूरा कर भी देती, बिग बॉस को 1-2-1 अगर करा दो ना तो बिग बॉस की बोलती बंद कर दो, मेरा नाम बदल देना। एक चीज और नोटिस करना, अंकित अपनी चीजें तभी जब भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता जब उसके साथ प्रियंका होती है, जब उसके साथ प्रियंका नहीं होती ना तो वो ओपनली अपनी चीजें एक्सप्रेस करता है, उसको जिसके सामने जो बोलना होता है, जो बात रखनी होती है, जो एक्सप्रेशन देने होते हैं ना वो सब देता है, जब प्रियंका उसके आज साथ आज का शो के हाईलाइट क्या थी पता है, अगर किसी ने नोट किया हो ना, सबसे आयरनी चीज क्या थी, बिग बॉस के दो ऐसे कंटेस्टेंट जो शो में जिनका सबसे कम योगदान है, वो दोनों बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे थे सही गलत का, सुम्बुल और अंकित, देखा था आपने? हाँ जी मैंने बोला वो चीज, सुनो वहां पे सुम्बुल और अंकित दोनों सही थे, और वहां पे सुम्बुल ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, मैं पता बिग बॉस ने तो बोला ना कन्फेशन रूम में कि इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग जो है टास्क ऐसे देते हैं, अनफेयर ये देते हैं, मैंने कहा ये वही बिग बॉस है जिसने 15वें सीजन में 2 को बोलकर 3 को टिकट फिनाले दे दिया था। हितेश भाई वहां पे अंकित सही सवाल पूछा था कि मैंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, लेकिन उसका सही वर्डिंग क्या होगा वो उससे पूछ रहा था कि इसको और किस वे में बोल सकता था क्या मैं करके, देखो वो चीज जाके किसको पूछा, सुम्बुल को पूछा, ना कि प्रियंका को वो पूछा, क्योंकि उससे वो एक्सपेक्टेड नहीं है वो चीजें, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए बताएगी और ये लड़की जो है वो जेन्युइन आंसर देगी, तो यहीं से समझ में आता है कि भाई ये प्रियंका खा गई यार अंकित को, अच्छा प्लेयर था यार, खा गई है पूरा, बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं तो कहता था नहीं यार जिंदा है। अटल जी हितेश एक चीज और है, अगर ये बिग बॉस इंटरफेयर नहीं करते और अंकित को गलत डिसीजन लेने देते ठीक है, उसके बाद जो हंगामा होता
जीतने के बाद, उसके बाद क्या कंटेंट नहीं मिलता? आप एक बात बताओ हमें। अरे मार्केट में रद्द हो जाता मैडम टास्क तो रिजल्ट आ गया ना, टास्क रिजल्ट आ गया, एक टीम जीत। नहीं नहीं, जो बिग बॉस स्टेटमेंट दे रहे थे लास्ट में ना देते तो क्या लड़ते नहीं ये लोग? शिव के लोग लड़ते नहीं उस टास्क के को लेके? इसको बोलते नहीं तू तोता है, तू क्या कहते पोपट है, तू ऐसा है, तू प्रियंका के कहने पर डिसीजन ले रहा था, तू फलाना ले रहा था, तो लड़ाई होती ना यहाँ पे तगड़ी होती। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो आप, अगर लड़ाई होनी होती तो वो उसके बाद भी हो जाती जब बिग बॉस ने उनको ये बोला, ओपन बोल के बोल रहे थे कि अंकित जीते वो थे लेकिन तूने दूसरे को जिता दिया, फिर भी नहीं लड़े वो दूसरे ग्रुप वाले, क्योंकि आप पॉइंट नहीं समझ रहे। दूसरे पॉइंटों का यही तो मुद्दा है, वो आगे से जाके कभी भी इन चीजों पे लड़ाई नहीं करते, ये आके उनको बोलते ना जब वो काउंटर देते हैं उनको। आप देखो ना, मैं आपको इतने बड़े बड़े एग्जांपल दे रहा हूँ, कल कैप्टन रूम में वो सारे साथ बैठे थे लेकिन उस ग्रुप में तो जाके कोई अल्लाह नहीं मचाया जैसे अर्चना मचाती, प्रियंका मचाती है। तो वो आगे से नहीं करते ऐसी हरकतें जाके कि अब तुम भी तो कर रहे हो, ये प्रियंका और बोलते ना जब उसके काउंटर में वो सब चीजें करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां बिग बॉस ने अंकित को बार बार लताड़ रहा था, जो रोक रहा था ना, आप ये सोच रहे हो वो इसलिए बायस अनबायस के लिए नहीं रोक रहा था, वो ये बोल रहा था टास्क तो कंप्लीट करो तुम लोग, उसके बाद बायस हो अनबायस हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम टास्क ही नहीं कर रहे हो। अंकित टास्क ही नहीं होने दे रहा था, अंकित ने उनको ये अंकित को ये बताना था कौन जीता कौन हारा। अंकित क्या कर रहा था, अंकित कह रहा था डिस्क्वालीफाई, जब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो टास्क कैसे करेगा इंसान। अंकित ने दूसरे राउंड में सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर बचता कौन टास्क खेलने के लिए, आप भी बताओ। तो बिग बॉस ये कहता टास्क तो होने दो। मैंने वही कहा ना कि अगर वो अर्चना को एक को डिस्क्वालीफाई करता, मतलब जो जो गलती कर रहा था उसको निकालता जाता, ठीक है, लेकिन टास्क आगे बढ़ता जाता, राउंड आगे होते जाते, तो वही तो बोल रहे हैं, तो वो नहीं कह रहे ना अंकित ने, इसलिए तो बिग बॉस उसे चिढ़ रहा था कि तू टास्क ही नहीं होने दे रहा भाई, टास्क कर, तू चाहे बायस कर अनबायस कर उससे मतलब नहीं हमको, पर टास्क तो कर। वो टास्क ही नहीं होने दिया ना उसने, उसने तो सीधे शालिन ने बोला उसको तू डिस्क्वालीफाई कर दे, उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वहां पे गड़बड़ हो गई सारी चीज। दूसरी चीज, साजिद जी ने, सुनो साजिद खान ने पहले टास्क शुरू होने से पहले ही उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घुसा दी थी और वो चीजें उसके दिमाग में चली रही होंगी, साजिद के कहने पे उसने किया था कि वो सब चीजें उसने प्रियंका और शालिन के कहने पे किया था वो। अगर साजिद के कहने पे वो चीजें चलती तो वो साजिद को चुनता ना उस दिन, प्रियंका के कहने के बाद उसने साजिद को अगले दिन क्यों नहीं चुना? वो उसका इफेक्ट पड़ता है उसको प्रियंका की बातों से, साजिद की बातों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस बंदे को, ठीक है। वो प्रियंका की वजह से ही उसने वो डिसीजन लिया था वहां पे, प्रियंका और शालिन उसको बार बार टिंच कर रहे थे कि तू इनको डिस्क्वालीफाई कर दे, तो वो उनकी वजह से उसने वो दिया। और दूसरी चीज सुनो, ये बायस की बात करते हो ना आप लोग, भूल गए एमसी स्टेन को, जब वो निमृत के सामने वकील वाला टास्क मिला था, जब भी बिग बॉस ने उसको कैंसिल कर दिया था, बिग बॉस दोनों तरफ करता है लेकिन बात एक ही तरफ की होती है। बिग बॉस ने उस दिन भी एमसी स्टैन जीत गया था वो राउंड, अंकित और ने जज ने उसको जिताया था, लेकिन बिग बॉस ने क्या बोला, हम आपने जिता दिया पर हमको नहीं लगता कि उसने बराबर पॉइंट दिए, समझे हो? तो वहां पे भी बिग बॉस ने गड़बड़ करी थी, तो आज भी बिग बॉस ने वही किया ना। तो बिग बॉस दोनों तरफ करता है, ऐसा नहीं है वो एक ही तरफ करता है, बिग बॉस को जहाँ करना होता है वो करता है। और ये कमेंट का रिप्लाई मैं देना चाहता हूँ, प्रियंका की क्या गलती है उसमें जब वो खुद नहीं बोल रहा है किसी के सामने? तो जब मैडम आप भी तो क्या बोलते हैं कि एपिसोड में आप देखिए, वो पिछले 2 मिनट से चिल्ला ही जा रहे, एक मिनट करके वो 1 मिनट किसी को नहीं दे रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। जब वो लोग चुप हो रहे थे तो प्रियंका बोल रही थी, तुरंत बोल रही थी, तो चुप रहने वो बोल रहा है जबकि वो बोलना चाहता था कुछ। जब उसको तुम बोलने नहीं दे रहे हो, अपना फुटेज खाने के चक्कर में बंदे को ना पहले बोलने दिया, ना कैप्टन होने के बाद बोलने दिया, ना तुम कुछ करने दे रहे हो उसको। जब कैप्टन बन जाएगा तो तुम रजाई फिला के उसको आराम से सुला दे रहे हो, वहां पे बिठा दे रहे हो, है ना? तो ये सब चीजें कर रहे हो। और जब टास्क की बारी आई तो टास्क में उसको जो डिसीजन लेना है वो भी तुम ले रही हो। राउंड नंबर 3 में तुम खुद बोल रहे हो कि डिस्क्वालीफाई हो, तुम होती कौन हो भाई डिस्क्वालीफाई करने वाली? पहली बात, डिस्क्वालीफाई ना डिस्क्वालीफाई वो तो वो डिसाइड करेंगे ना जो जो जज बने,
है राउंड थ्री में तुम सिर्फ एक ही बात चिल्लाई जा रही हो कि डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, तुम डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं समझ रही हो कि उसमें तुम्हारा भी गलती है और सामने वाला की भी गलती है, तुमने वहां पूरा मतलब वो गेम होने नहीं दिया इसीलिए तुम डिस्क्वालिफाई, तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम वहां पे चिल्लाना चाहिए था कि हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए, ये चिल्लाना चाहिए था। तुमको खेलना नहीं आता, दूसरों को बात करने देते नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने पे तुम तो गेम, अगर तुमको चिल्लाने पे है तो तुम दूसरे शो जा सकती थी, बिग बॉस नहीं था तुम्हारा सही ठिकाना। तो यही था, अंकित को पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने उसका बिग बॉस करियर को पूरी तरह। एक इतना अच्छा नेक बंदा जो आराम से खेल भी सकता है, जो चीजों को समझ भी सकता है, सबसे मैच्योर लगता है और उसके डिसीशंस भी बहुत अच्छे लगते थे आज तक, और सिर्फ तुम्हारी क्या बोलते हैं प्रेशर में आके उसने वो डिसीशन लिया, इस बात पे न जाने कितने लोग एग्री कर जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो प्रियंका के प्रेशर में आके ही वो डिसीशन लेना पड़ा, अदरवाइज अगर प्रियंका सामने वाली टीम में होती तो क्या ये टास्क रद्द होता? मेरे को एक बात बता दो आप बस, जो भी आप शर्मा जी जो भी आप कमेंट किए थे उसी में आपका आंसर मिल जाएगा। मुझे याद है सारे चढ़ गए यार उस पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, सबके सब तो चढ़े थे, ना कोई सुनने के लिए तैयार था, ना कुछ हो सकता है डिसीजन कुछ और होता जबरदस्ती की नहीं। आप लोगों ने एक चीज नोट की कि आज टास्क को बैलेंस करने के लिए बिग बॉस ने अर्चना को इस साइड डाल दिया और सुंबुल को इस साइड डाल दिया। उन्होंने नहीं डाला यार, आप कैसे क्या शो देखते हो यार, बिग बॉस ने डाला था वो, अंकित ने चुना था वो, कुछ भी बिग बॉस ने ये कर दिया, बिग बॉस ने वो कर दिया, आपको रट गया मेरे को लगता दिमाग में। बिग बॉस ने ये मेरे हिसाब से लगता है कॉन्फेशन रूम वाला जो था वो था बिग बॉस आग लगा रहा था वहां पे, मेरे को लगता है तुम लोग जाओ भिड़ो, वो था मेरे हिसाब से, वो सबके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब वहां पे मेरे हिसाब से बिग बॉस ने इनको तीली लगाया, तुम लोग लड़ो भिड़ो कुछ तो करो, अपना शो चले बम्पर चले, तुम लोग लड़ो भिड़ो, इसीलिए बिग बॉस इनडायरेक्टली इनको हिंट दे रहा था सबको, ये साजिद को ऐसे सर सर मत बुलाया करो और ये अंकित को भी ऐसे हल्के में मत लिया करो, ये लोग से भिड़ो खेलो चीखो चिल्लाओ, ये है मेरे को लगता है सर। और ये एक्चुअली सबसे बड़ी बात मुद्दा तो मोइन भाई सबसे बड़ी बात है ना कि बाहर में भी ना बिग बॉस के ऊपर हुआ ये नॉमिनेशन से जो ना इसको बचाए साजिद को, कि साजिद को बचाने के लिए बिग बॉस ने इस बार नॉमिनेट नहीं किया, तो उसको भी थोड़ा उसको दिखाना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो वो उस टाइप से दिखा रहा है कि मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ, वैसा नहीं है, हम लोग साजिद का फेवर नहीं कर रहे, वो अपना वो दिखाने की कोशिश कर रहे इनके कंधे पे बंदूक रख के। और एक बात आसिफ भाई मेरा ये भी मान, शायद आप लोग मानेंगे या नहीं, ये जो ये लोग जो प्रियंका वाला ग्रुप है ये लोग अभी कोई भी टास्क में टास्क नहीं खेल रहे, खुन्नस निकाल रहे डायरेक्ट एक तरफा, तो और प्रियंका ने बोल भी दिया तुम लोग का टाइम जब था तुमने किया ना, तो हम अभी हमारा टाइम है हम करेंगे, प्रियंका हर टास्क में बोल रही है ये लोग टास्क नहीं कर रहे, खुन्नस निकाल रहे, ये अच्छा अपने लिए समझ रहे, कल के टाइम पे फिर ये लोग पॉइंट नहीं उठा सकते यही सेम चीज पे, कल शिव प्रियंका के फैन यही चीजों पे पॉइंट उठाते थे ना कि भाई तुम लोग झुंड में खेलते हो, तुम लोग अनफेयर हो, तुम लोग ये किए तुम लोग वो, अब इनके पास जबान नहीं है उस चीज को डिफेंड करने के लिए, अब वो बोल नहीं सकते कि भाई तुम लोग झुंड में नहीं खेलो या तुम लोग अनफेयर नहीं खेलो, क्योंकि तुमने टंकी के चोट पे आज अनफेयर कर दिया, जबकि बिग बॉस भी इंटरप्ट करके बोल ले कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में तीनों में जीते और आपने तब भी अनफेयर किया, तो इससे आज के बाद कभी भी झंडा नहीं उठा पाएगी प्रियंका फेयर का। एक चीज नोट कर रहे हो आप, दो तीन दिन से एक चीज मैं देख रहा हूँ, प्रियंका ऐसा नहीं लग रहा बुझी बुझी सी, प्रियंका के अंदर वो चीज वो कोशिश करती है चिल्लाने की, सब कर रही है लेकिन हो ही नहीं रहा, वो देख रहे हो आप वो एकदम से मतलब ऐसे लग रहा है मुरझाई सी कुछ, उसको उस आगे नहीं आ पा रही, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, उसका कारण उसका कारण ये है कि अंकित आजकल सुंबुल से अच्छा भाई बहन का उनका तो भाई बोलती है सुंबुल उसको अंकित को, तो सुंबुल के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है, इधर कभी स्टेन के पास कभी शिव के पास कभी सालीन के पास, इधर मतलब वो टाइम किसी और के साथ सौंदर्या के साथ अर्चना के साथ, तो वो थोड़ा सा उसे अब प्रियंका को ये लग रहा है कि मैंने तो ऐसा ही बोला था कि हम अलग अलग गेम खेलते हैं ये तो पूरी तरह से अलग हो रहा है, तो वो उसके अंदर वो चीजें आ रही है। नहीं उसका रीजन ये है वो जो उसने ओपनली बोल भी दिया, उसको डर लग रहा है कि मेरी इमेज बार खराब हो रही है, मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं कर रही हूँ, लोगों को गलत लग रहा है, इसलिए उसका दिमाग बौखलाया हुआ है, अभी उसको समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। और सैटरडे वीकेंड में फिर वार्ड लगेगा ये भी सोच रही है, वीकेंड में शायद फिर मेरा लंका, वो इसलिए ना अब सोच समझ के गेम खेल रही है कि वह कैसे भी मेरी तारीफ हो एक बार,
कैसे भी है ना मेरे को प्रेस किया जाए, समझ रहे हो? तो वहां ब्लैक कर रही है वो भी, वो भी देख रहे हो अर्चना को कॉपी कर रही है, वो अर्चना के साथ बैठती है और अर्चना बोलती है वो सुनती है। हाँ वो सुनती है और अर्चना बोलती है और वो सुनती है, बस अर्चना को फॉलो कर रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। और इस हफ्ते भी मुझे प्रियंका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा है घर के अंदर, कोई एक चीज बता दो मुझे जो उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो घर के अंदर। कल देखा अर्चना किसी पे चिल्ला रहा था, किस बात पे, खाने खाने को लेकर। हाँ, तालियां बजा रही, उसकी तारीफ कर रही है, तालियां बजा कर बोल रहा है लगे रहो बहन, सही है सही है, हंस रहा था वो। मतलब वो मैं तो काफी दिन से बोल रहा हूँ अर्चना, अर्चना का फॉलोअर है यहाँ पर ना शिव ठाकरे और प्रियंका, लेकिन मुझे तो बिल्कुल 1% भी दोनों के अंदर कहीं से कहीं तक विनर क्वालिटी नहीं दिख रही। मुझे तो लग रहा है होगा मैडम अंधों में काना राजा होगा, अंधों में काना राजा होगा इस बार, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं ना, फिर करे क्या, किसी को तो बनाना ही पड़ेगा विनर। अब कर क्या सकता है बिग बॉस भी, जब है ही नहीं कोई तो किसी को तो उठाना ही पड़ेगा, वही सीन होगा इस बार। और तो क्या है, क्वालिटी तो सच में किसी के पास नहीं है, वो गेम भी नहीं खेल रहे, सब कॉपी गेम खेल रहे हैं, बना हाँ। बना के गेम खेल रहे हैं, ओरिजिनलिटी कोई नहीं दिखा रहा सबसे बड़ी तो ये किसी देखो। के अंदर नहीं भाई, तभी तो वो नहीं आ रहा ना कि हाँ भाई विनर क्वालिटी, क्योंकि सब मतलब प्लान्ड चीजें सारी दिखावा सब कुछ कर रहे हैं, वो जो एक वही पसंद आता है जो अपने दिल से नया गेम खेलता है ओरिजिनलिटी से। नया आदमी और आया है ये विकास मंडोता मंडोता जो भी, वो भी देखो बाहर से सोच के आया है, वो बाहर से बोल के आया है कि मैंने देखा नहीं उसका क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि मैं मंडली मंडली का पार्ट नहीं बनूंगा अंदर जाके, तो वो ओपनली पहले ही बोल के आ रहा है प्रियंका की टीम में जाऊंगा मैं। हाँ तो वो तो ओपनली उनके खिलाफ आएगा वो। मेरे को पता है, सच बताऊं मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है, वो लॉर्ड विनीत वाला काम कर रहा है मेरे को लग रहा है, वो वैसा ही हाई बार आ रहा है उसका लॉर्ड विनीत वाला, वो आएगा और वो लॉर्ड विनीत बनेगा मुझे लग रहा है। उसकी शक्ल से मेरे को लग ही नहीं रहा वो गेम खेलेगा, वो मुझे ये लग रहा है बाहर जैसे वो बोल के आया था ना मैं अंदर जाके मुनव्वर का वो कर दूंगा ये, फिर अंदर जाके वो कर दूंगा। हाँ वो एक वीक के बाद खत्म, तो वो ही मेरे को लग रहा है वो आएगा और कहानी खत्म सी लग रही है मेरे को तो उसकी, उसका कोई सीन मेरे को लग रहा है। ये तो देखो ये तो हितेश जी हमें भी पता है आपको भी पता है, जैसे पिछली बार भी कुछ कंटेस्टेंट आए थे और उनको बोला गया था कि तुम्हें किस चीज को टारगेट करना है ना, अब इस बार भी ये भी जो बाहर से आएंगे इनको स्पेशली बोला जाएगा कि तुम्हें इस टीम के साथ खेलना है और तुम्हें इस टीम के साथ खेलना है, तुम्हें इसके अगेंस्ट खेलना और तुम्हें इसके, ये तो थोड़ा मेकर्स की तरफ से होता ही है, सिखाकर भेजते हैं। और राजीव अदाते ने तो खुले में बोल दिया था कि भैया मुझे तो तेजस्वी प्रकाश को जिताने के लिए भेजा गया था। हाँ, बैठ के बैठ के बुलवा लिया था, भोला है राजीव, भोला है यार, उसे कोई बात निकलवा सकता है दोस्ती दोस्ती में, भोला है। उमर के निकलने के बाद ना इन्होंने तेज रन कर दिया था, नहीं मुझे वो सीजन मस्त लग रहा था ज्यादा, मैं सही बता रही, मुझे इंटरेस्ट उस वाले सीजन में आ रहा था ज्यादा, कॉमेडी पर्पस से बढ़िया था वो, लड़ाई झगड़े सब ओरिजिनल तो थे उसके अंदर, वो दिखावे के लिए नहीं करते थे। उमर की और जो प्रतीक की लड़ाई होती थी, करण प्रतीक की जो लड़ाई होती थी, उमर करण की जो दोस्ती थी, प्रतीक निशांत की जो दोस्ती थी, है ना, शमिता शेट्टी जिस तरीके से बोलती थी, वो सब ओरिजिनलिटी थी उन लोगों के अंदर, अच्छा लगता था अभी हमें पता है आज के एपिसोड में, कल के एपिसोड में अर्चना आएगी, वो किचन में कोई मुद्दा उठाएगी, कोई टास्क होगा, वहां पर प्रियंका चिल्लाएगी, हितेश इस बार बिग बॉस का इतना इन्वॉल्वमेंट है कि इनकी असली पर्सनालिटी आ ही नहीं पा रही बाहर, उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है इस बार बिग बॉस का, ऐसा ही पर्सनालिटी था मैम। सीजन 10 देखा ना, सीजन 10 भी अच्छा ही था, एक मिनट बढ़िया था, 10 सीजन मस्त था वो तो, यहाँ पे बड़े बड़े जबरदस्त सीजन था। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जितने मोस्टली कंटेस्टेंट जो है ना वो ये बोलते हैं, या तो जैसे सौंदर्या, मैं ऐसी हुई नहीं बहन, मैं ऐसी हुई नहीं, अर्चना मैं ऐसी हुई नहीं, तुम खुद ही बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर फेक चीजें कर रहे हो, तुम ऐसे हो नहीं। प्रियंका बोलती है मैं महान हूँ, मैं जगत माता हूँ। शिव ठाकरे मैं दिल से खेलता हूँ, या तो वो अपनी ही तारीफ करते हैं लोग अपने मुंह में, या मिट्ठू बनते मैं शिव तो खेलता है यार, इतना तो ना करो ना आप शिव को बोल बोल के मैं बोलने का कह रही हूँ कि अपने मुंह से या तो लोग मियां मिट्ठू बनते हैं, या फिर अपने आप ही बताते हैं कि भाई हम फेक हैं, हम बाहर की दुनिया में ऐसे नहीं है, हम तो बस ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। नहीं असल में देखे, अब वो बेचारा बोलना तो उस बेचारे को पड़ेगा ही ना, उसको वो नहीं हो पा रहा ना, हाईलाइट नहीं हो पा रहा, सीधी सी बात मैं बोलूंगा। अतर जी, आपने 20 सीजन 13 देखा था क्या जी? सीजन 13 नहीं, मैंने हाफ देखा था।
अच्छा तो नहीं देखा ना, देखना कभी। मैंने नहीं सुना कभी भी सिद्धार्थ भाई ने खुद के लिए बोला हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। मैं वो तो कहते थे मैं हूँ जैसा ही हूँ भाई, मैं गाली भी देता हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, जो हूँ मैं यही हूँ भाई। नहीं, वो नहीं कहते थे ऊपर से दिल से बोलता खेलता हूँ, था मैं दिल का हूँ, मैं दोस्ती निभाता हूँ, भाटा कुछ नहीं बोलता था वो कभी भी आदमी। लेकिन सबसे अच्छा विनर है ना आज तक की हिस्ट्री का, तो वो खुद की हाँ तारीफ है ना, दूसरा करना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए, वो ही नहीं होता है करना, असली विनर। लेकिन मैं दिल इसकी से खेलता तारीफ तो हूँ। प्रियंका भी करती है ब्रो। ब्रो अरे इसकी तो मैं तारीफ यही तो कह रहा हूँ, वो तो अच्छा है, वो अच्छा है, दूसरे करे, हितेश लेकिन खुद हितेश बोलते भाई, जाते ना वो हितेश नरेटिन नरेशन हो जाता है फिर वो। जी, और वो सब सीजन सीजन 13 13 का का बात बात ही ही अलग अलग है, है। सीजन 13 का बात ही अलग है। देखिए दो जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ना शुरुआत में, इनका दोस्ती भी ऐसा दोस्ती दिखा, दोस्ती था उनमें, और जब लड़ाई झगड़ा पे आया ना उन्होंने मतलब दम पे लड़ाई झगड़ा भी किया, और बिग बॉस की हिस्ट्री में शायद उसमें जितना लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की हुआ ना, मेरे ख्याल से किसी भी सीजन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो सीजन आज 13 टास्क में नहीं जो हुई हुआ था, ना, वो तो बिना टास्क के धक्के मुक्के हुए हैं वहां। और लड़कियों में भी मैं बोलूंगी टास्क में खेलने की इतनी स्प्रिट थी ना सीजन 13 में, माहिरा शर्मा तो बहुत टक्कर देती थी बहुत टास्क के अंदर। और यहाँ पर तो लड़कियां आज के टास्क में देख लो, बल का प्रयोग बल का प्रयोग बल का प्रयोग, हद ही होगी। लेकिन बड़ा लेकिन है। अरे ये देखो ना बड़ा एडिटिंग का इरिटेटिंग सीजन, था मैं सीजन बड़ा सिक्सटीन इरिटेटिंग में, था। मायरा शर्मा कान में घुसता था उसका आवाज। मिस सीजन 16 में डियर बोलने पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। सुनो वहां वहां मेरे को लगता है वहां तो सुबह उड़ते थे ना, तो वो मेरे को लगता है वो भजन की जगह गालियां बकते थे, वो तो सुबह उड़ते चल हो जाता था उनका था, माँ बहन माँ बहन माँ सीजन बहन। इधर से सिद्धार्थ और भाई, सीजन 10, उधर ये से दोनों आसिम, सीजन बहुत बहुत इधर से ज्यादा पारस, डेंजर था। उनका तो गाली गलौज ही गाली चलता रहता था तीनों तीनों का गलौजी 24 घंटे। चलते रहते पर हियर पता है से। इतने वहां पे हमको 7-8 लोग ऐसे थे जो कंटेंट देते थे, यहाँ पे गिने चुने ही लोग दे रहे हैं। वहां ऐसे पूरा मतलब पूरा 13 ही भरा था, कोई ऐसा किसी की जब कोई कमी नहीं था। वो सब कंटेंट देते थे जितने थे, वो हाँ स्टार्टिंग में कोई बोला था किसी की कमी नहीं था सिद्धार्थ वहां पे, बात के कंटेंट की नहीं, वो सिद्धार्थ बना के नहीं करते थे चीजें, ऑटोमेटिक जो बना, होता हाँ था जो वही होता था दिखाते थे। ओरिजिनल हो हाँ जाता था फट से, ओरिजिनल तो होता यहाँ था। बनाते हैं ये वो उनके दिमाग में चलता ही नहीं था कि ना कैमरा देख रहा है ये कर रहा है। यहाँ लोगों के दिमाग में बस गया वो कैमरा देख रहा है, ये पॉइंट कैमरा, अच्छा हाँ लगेगा लोगों कैमरा, को। मेरी इमेज, मेरा ये मेरा हाँ काम, ये सब घुसा पड़ा है इनके दिमाग में। वहां तो उन्होंने हाँ कहा, वो सिद्धार्थ का तो सीधा कहना था, मैं हूं गंदा, मैं हूं गटर, मैं अपने आप में खुश हूं, ये लोग महान है, इनकी मूर्ति बनवाओ बिग बॉस में लगवा दो, सीधा फंडा। मुझे काम नहीं मिलेगा तो भी मैं खुश हूं, मैं जैसा और भी मैं हूं मैं अपने बता आप रही से खुश हूं। हूँ ना, बिग बॉस का नहीं ये लाइफ का भी फंडा है। अगर तुम रियल रहोगे, जेनुअन रहोगे ना, कहीं पर भी तुम अपनी जिंदगी में मात नहीं खा सकते। बस डिप्लोमेटिक हो गए, वहीं पर तुम्हारा काम खराब है। नहीं भाई वो सब सीजन तो मजेदार था, ये अभी का सीजन जो सब है सब बोरिंग है, लेकिन क्या करें, बिग बॉस मेरे फैन से दो जो सीजन बिग मिस बॉस देखे हो बिना गए। हो नहीं अरे सकता। आप ना, मैं आप देख चुका सीजन 8 देखो, आप सीजन 8 देखो, आप सीजन 10 देखो, सीजन 11 टेन भी में मजा बढ़िया आया था, था, टेन सीजन 13 बहुत अच्छा देखो, था। ये जबरदस्त सीजन थे सारे। दोस्ती वो होती है देखो, जहां पर प्रिंस नरूला के लिए उसने नहीं क्या मैं नाम था फ्रेंड का, जो उसकी बहन बन गई थी, हितेश की किशोर सिस्टर किशोर बन गई, किशोर, मर्चेंट किशोर 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 ने मर्चेंट उसके लिए था टास्क छोड़ दिया था जब प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट की थी तो। वो, सीजन 7 था, गोहा खान वाला। और वो टास्क भी कोई इजी टास्क नहीं था, नाइन उसमें था, बहुत, नाइन 9 था, नाइन उसमें ना कोई बहुत बड़ी पावर मिलनी थी प्रिंस नरूला को, पता नहीं हाँ टॉप 5 में जाना था, पता नहीं ऐसा बहुत अच्छी पावर मिली थी प्रिंस को, वो किशोर ने फिनाले छोड़ दिया फाइनल था। फाइनल फाइनल मिला था ना फिनाले उसे, में जाना फाइनल था, फिनाले में। फाइनल ये होती है दोस्ती, सीजन 9 ये होती है दोस्ती, ये होते हैं रिश्ते जो कि इसी घर में बने थे। सीजन 9 सीजन 10 हिट था, सीजन 11 10 फ्लॉप था मैम। इसके बाद 2 साल फ्लॉप था, इसके बाद 13 एक साथ में जबरदस्त आया था, ले 12 भी ठीक टेन था, का बाद शिल्पा का 2 साल सीजन, खराब गया। शिल्पा का भी सीजन अच्छा था, और 11 उसमें भी अच्छा हुआ था कंटेंट तो, सब विकास शिल्पा रितेश हीना सब आए थे, अच्छा तो सीजन थी। सीजन 10 अरे वो था तो वो, जबरदस्त सीजन सीजन 10 था अगर भाई, तुम्हें, तो अपनी इमेज की मन्नू इतनी, मन्नू वाला सीजन अगर होगा वो भी तो अगर अच्छा था। तुम्हें, मन्नू हाँ वाला मन्नू वाला, अगर अगर तुम्हें तुम्हें ना अपनी इमेज की इतनी पड़ती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे टच कर लेगा या ये कर लेगा, इस चीज के लिए मैं शमिता शेट्टी को बोलूंगी। शमिता शेट्टी टास्क नहीं करती थी, उसको लगता था ना ये फिजिकल टास्क है, कोई मार देगा, कोई पकड़ लेगा, कोई ये कर देगा, शमिता शेट्टी टास्क नहीं करती थी, हाँ वो टास्क छोड़ प्रॉपर देती थी, सिल्वर वो स्पून था टास्क छोड़ देती थी, उसकी बातें, प्रॉपर वो सिल्वर स्पून वाली बातें करती वो थी था। वो। लेकिन ना एंड तक जाते जाते ना कार्तिक जी, मुझे तो पसंद आने लग गई थी शमिता शेट्टी, स्ट्रेट नहीं फॉरवर्ड मुझे बोल सही देती जब वो, ओटीटी बनाती में बनी हो अच्छी ना लोग लगती थी, सिनेमा में। बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी अच्छी लगती थी। शमिता शेट्टी भले टास्क ना करती हो लेकिन उसके पॉइंट्स वैलिड थे, उसके
लफड़ों में कम पड़ती थी, लेकिन जब बोलती थी ना तो फाड़ के बोलती थी और सही चीज में आवाज उठाती थी, इसलिए बहुत लोग उसको धीरे धीरे पसंद करने लगे थे। लेकिन विनिंग मटेरियल नहीं थी, इतना तो बोल सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम ऑफ पीरियड में, उस टाइम ऑफ पीरियड में ना ऐसे बंदे, इतना पॉजिटिविटी के साथ एक बंदा इतना अच्छा खेल रहा था। अब शीतल मैम ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया लास्ट में, एक डुबकी फराह खान की एक एंट्री। ये मत बोलो कार्तिक जी कि एक ही बंदा इतना अच्छा खेल रहा था, फिर डिबेट हमारी ना अलग चाल हो जाएगी। उस बंदे को हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देख लिया, कैसा खेल रहा था वो। वो सब मैं बड़ी बेइज्जती हूं, मैं सिर्फ मैडम सॉरी बट मैं सिर्फ बिग बॉस देखता हूं मैम। कार्तिक जी और ये ना मैंने, विजया मैम यहाँ पर है, ये ना मैंने स्टार्टिंग के 2-3 वीक में बोल दिया था, मैंने कहा ये प्रतीक इसलिए टास्क नहीं करता क्योंकि इसको पता था कि ये कभी जीतेगा नहीं टास्क, और वो खतरों के खिलाड़ी में हमें देखने को मिल गया, वो इसलिए लूपहोल। और वो खतरों के खिलाड़ी में टास्क सारे इसलिए आ रहा क्योंकि वहां पे लूपहोल नहीं कर सकता था, लूपहोल नहीं खोल पाया वो, क्योंकि वो सामने सामने थे, मिला नहीं वहां पर टिप्पणी लेने के लिए। लेकिन वो बहुत बड़ा चीटर था सर, बहुत बड़ा चीटर था, क्योंकि वो रोडिस वाला बंदा है ना, लड़कियों कौन चीटर था भाई, कौन चीटर था, कौन बोला चीटर, कुछ कुछ ना शालिन की क्वालिटी भी थी कि किस किस को प्यार करूं, शालिन के अंदर में टास्क नहीं होता, वो सब अलग बात है, उसने किसी को चीटिंग नहीं किया, वो जो भी किया अपने दम पर किया और अपना आवाज सही से उठाना जानता है, ना कि ये अंकित के जैसा बिहेव करता था, ना कि सुमड़ी में गुमड़ी, वो सब नहीं थे, दिमाग भले बहुत ज्यादा कम था बंदे का, शालिन के साथ आप दिमाग के चीजों में कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वो बंदा फेयर था, फेयर खेलता था, ना कि ये जो अनफेयर वाली चीजें नहीं करता था बाकी लोग। ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, मैं अरे विनर से तो बेटर था भाई, पता ही नहीं है, विनर से तो बेटर था, तेजस्वी प्रकाश से तो बेटर था चीजों में, वो तो अपने बंदे की काट दी। तेजस्वी प्रकाश से बेटर इसलिए लगने लगा था क्योंकि हम तेजस्वी को पसंद नहीं करते थे, बस कारण वो आप था। मैं एक बार अभी तो मुझे, अभी तो मुझे अंकित ना, अंकित गुप्ता ना मुझे कुछ नहीं लगता, बस हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए ना चीजें नहीं बोलते हैं। कार्तिक जी वो है नहीं कुछ, बात समझिए, मुझे अंकित गुप्ता कुछ भी नहीं लगता है, मतलब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, वहाँ पे ना वो झाड़ू पोछा करने के भी लायक नहीं है, लेकिन हम बोलते तो वो नहीं है क्योंकि कार्तिक जी वो झाड़ू पोछा करने नहीं, बिग बॉस में आने लायक ही नहीं है वो, उसको जबरदस्ती लाए हैं, ये बोलो ना। हाँ वही तो, वो जो लायक था ना वो फाइनल में जाके खड़ा था। आप प्रतीक को उसके बराबर समझते हो जो उससे कंपेयर कर रहे हो? इनको कोई और मुद्दा तो मिल नहीं रहा क्योंकि तेजस्वी वाला कोई है नहीं यहाँ पे, तो इन्होंने लेकिन उससे कंपेयर करने बोलेंगे। अरे उससे कैसे, नहीं नहीं कंपेयर इसीलिए किया हितेश भैया, कंपेयर इसीलिए किया हितेश भैया क्योंकि इन्होंने बोला कि हमें प्रतीक इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि हम तेजस्वी प्रकाश को पसंद नहीं करते, ये कहाँ का स्टेटमेंट था, इसीलिए मैंने अंकित को घुसाया बीच में। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप नहीं नहीं देखो मैडम म्यूट तो करके हंस लो। नहीं मैं तो आपको सुना के हंस रही हूँ कि प्रतीक को तो मैं कहाँ रख रही थी, टॉप 2 में रख रही थी और आप प्रतीक को अंकित से कंपेयर कर रहे हो, क्या बात है। कभी कभी डिबेट में क्या होता है, अंकित को अभी टॉप 2 नहीं समझते, हम गलती से टॉप 5 समझ रहे थे, उसकी जो नहीं उसकी भलाई, उसका जो अच्छाई का जो मुहूर्त हम लोग को जो दिख रहा था, हम उस बंदे को आज तक अच्छा ही बोल रहे थे, ठीक है, जो चीज अच्छा है वो अच्छा है, जो चीज बुरा है वो बुरा है, टास्क में 100% देता था, लोगों से चिल्ला के बात करने में, एटीट्यूड में तो उसके कोई कंपैरिजन ही नहीं था। अब वो कहां दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या किया, क्या, क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, अंकित की अच्छाई बताने लग गए, टास्क कोई करता ही नहीं था सारे, नहीं नहीं अंकित की अच्छाई नहीं बता रहा, नहीं भैया नहीं हितेश भैया, अंकित कुछ तो अच्छा किया है, अच्छा सुनो मेरी बात, बिहेवियर तो अच्छा है, गंद तो नहीं फैलाता है ना,
किसी भी कंडीशन में टास्क का नतीजा नहीं डिस्क्वालीफाई, किसी भी कंडीशन में टास्क का नतीजा नहीं, ये डिस्क्वालीफाई करो, रद्द तो करो, ये बात, रद्द करने सर, में आगे सर, ये बात, ये बात अभी क्यों बोल रहे हो? ये बात जब विजया मैम जब बोल रही थी अंकित के बारे में, तब ये बात क्यों काउंटर नहीं दिया आपने? ये स्टेटमेंट तब क्यों नहीं दिया? पढ़ रही थी क्या? बोलने तो दो सर, वो तो अच्छा मेरी बात सुनो, कार्तिक जी मैं एक बात बताऊं, मोइन जी एक मिनट, मोइन जी आज आवाज क्यों नहीं जा रही किसी को? मैं क्या कह रहा हूँ कार्तिक जी, आपको एक बात बताता हूँ, आपको आपको मैडम ने पहले ही बोला था आप ये डिबेट मत चालू करो, आप ही रुके रुकी नहीं रहे थे, रुके नहीं इसलिए डिबेट हो गया, पहली चीज सुनो। दूसरी चीज मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, पॉइंट चल रहा है ना आज, मैं यूट्यूब के अंदर आया था ना, इस यूट्यूब में डिबेट करने और शायद इस चैनल पे भी, तो मैं है ना एज ए एंटी प्रतीक बन के आता था, आपको पता है उस टाइम मैंने डिबेट ही एंटी प्रतीक बन के स्टार्ट किया है, मैं उस टाइम फैन नहीं था किसी का, मैं एंटी प्रतीक था उस टाइम, तो ये समझ लो मैं तो सीखा ही डिबेट प्रतीक को ना उल्टा सीधा बोल बोल के सीखा, प्रतीक को टारगेट कर करके सीखा, तो उसके लिए तो इतने पॉइंट है मेरे पास, उसके लिए पूछो हिम्मत आप उसका छोड़ दो आप। आए नहीं सीजन 15 में ना, बोल फटाफट पर। अरे म्यूट हो जाओ। अरे अच्छा है तो ऐसे बोलने देते हैं उनको, आप क्यों, आपको टाइम मिलेगा बोलने तो। अभी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों ने तो कुंडी वाली मैटर की धज्जिया उड़ा दी होगी, तो तब तो फिर वो तो पूरी दुनिया ने उड़ाया था, पूरी दुनिया ने उड़ाया था। क्या बात कर रहे हो सर, लोगों के मुंह बंद करा दिया था हम लोगों ने, तो आप आए नहीं मुंह बंद कराने वालों में, आप इधर आए नहीं कभी, इसलिए मैं मतलब जैसे नहीं, 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 नहीं देखा था, नहीं मैम सच्ची मैंने देखा था। अच्छा मैं मेरे को पता है, सुनो सुनो मैं आपको बता दूं, अभी मैडम इनको याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूं, आपका पता नहीं मेरे को, लेकिन आप जब बैठते थे ना वहाँ के, यहाँ पे एक दो बार आए थे और वो ऐसे बुरे यहाँ से बेइज्जत होके गए थे, मतलब आपके वहाँ वो कैमरा ऑन नहीं करते, यहाँ पे हमने उनको कैमरा तक ऑन करवा लिया था, देख लो नाम मैं बता दूं आपको, चलो मारन, मारन पता ही होगा आपको, मारन तो पता है, हाँ मारन तो पता है, मारन तो पता है मुझे, नहीं मैं तो नहीं आया था, इतना मुझे याद है मैं नहीं आया था कभी, मैं नहीं आया था इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं पूरी 100% स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं बैठता था वहीं पे, तो भाई होता है अपना अपना ग्राउंड है ना, तो यही तो हम बोल रहे हैं आपको, आप ग्राउंड पे अब आए हो सही ग्राउंड पे, अभी तक आप इधर उधर, तो आप सपोर्ट किसको करते थे हितेश भाई? नहीं नहीं तो करण को सपोर्ट किसको करते? करण 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 के हम उमर यादव। अच्छा तो हाँ मुझे याद है फिर, मुझे याद है फिर थोड़ा बहुत, करण उमर को भी, उमर को भी करता था, करण को भी करता था। आज ना मैं आपको अपने बोल रहा था, अरे भयंकर एंटी चल रहे थे भाई, अच्छा वो मिलन नहीं हुआ, नहीं तो एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते शायद इस साल। आज ना मैं आपको ना हमारे ना बोल फटाफट की ना क्वालिटी बताती हूँ, हम जिसको भी हम जिसका गेम हम ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, ये बंदा नेगेटिव जा रहा है, हम उसको ऐसा खोल देते हैं ना पूरे तरीके से, उसके फैंस यहाँ पर स्टार्टिंग में तो आते हैं लेकिन धीरे धीरे हो सकता है, हो सकता है, मैं इसलिए इस बार आप लोगों से जुड़ गया क्योंकि मुझे स्टैन पसंद था और आप लोग थोड़ा बहुत जो भी है कि पॉजिटिव हो उस चीज में, बात ना पलटी है तुम्हारी, हालत नहीं सर, नहीं नहीं सुनिए सुनिए शिल्पा मैम, आप एविडेंट हो, मेरा डीपी क्या था पहले, जब पहले दिन में जब घुसा था किसके नाम से घुसा था मैं, स्टैन हो गई सर, लेकिन आजकल कल कुछ देखा था परसों कुछ था ऐसे, कल परसों कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ वीकेंड की वार पे, वो सिर्फ वीकेंड की वार पे हमेशा मैं लगाऊंगा प्रियंका का, उस दिन कोई प्रियंका वाले कोई बैठ ही नहीं रहे थे तो इसलिए मैंने लगा के आ गया, और मैंने किया क्या वो आप गौर कीजिए ना, पॉइंट में कुछ नहीं उठा रहा था, जो हितेश भाई लोग बोल रहे थे मैं लास्ट में एग्री करता था, हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो प्रियंका है ही वैसे, कंपैरिजन गलत कर दिया आपने, प्रियंकित वाले ना, प्रियंकित वाले सबसे मतलब सबसे जो कहते ना कम माइंड पॉइंट वाले जो है ना फैंडम, वो सच में प्रियंकित वाले, उसके ना मैं हजार एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, एक तो मैंने मैडम को आज ना एक वो चीज भेजी भी थी, मतलब वो लोग शिफ्ट शिफ्ट में ना शिफ्ट शिफ्ट बना बना के ना वो माइक ग्लैम कॉन्टेस्ट में पार्ट कर रहे, शिफ्ट बना बना के, बोले एक से दो घंटे तू कमेंट करेगा, दो घंटे से तीन घंटे तू करेगा,
तीन से चार बजे तू करेगा तो ये नौबत है उनकी। ये तो एग्जांपल सुनो अभी सुनते जाओ। मैं उनके प्रैंक उनके एफसी का कमेंट बता रहा हूँ, एफसी के ट्वीट करे हुए जो मेरे पास सेव भी है, मैंने मैडम को भेजा ना। एक एफसी का ट्वीट बताता हूँ आपको, जो कल वो तकिया वाला इंसिडेंट हुआ था पता है आपको, साजिद ने वो तकिया टीना के उसमें घुसा दिया था कि आप नॉमिनेशन में टीना है तो वो चाहते कि वो बाहर चल जाए, इसलिए वो टोटका किया था ना कल उसपे। अब वो प्रियंकित वाले क्या कह रहे, साजिद एमसी स्टैन और शिव ठाकरे कितने बेगैरत इंसान है, वो लोग चाहते हैं कि प्रियंका और अंकित बाहर चल जाए इसलिए उन्होंने उसके बेड में तकिया रख दिया। अब उन गधों को बताया वो दोनों नॉमिनेशन में ही नहीं है, वो बाहर कैसे जाएंगे, मतलब इतने गधे लोग हैं ये सोच लो आप। ये लोग ये नरेशन फैला रहे हैं कि उन दोनों ने तकिया इसलिए रखा कि वो दोनों बाहर चल जाए, अब उन दोनों में से कोई नॉमिनेशन में ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा ना, हम लोग इस तरह के फैन नहीं है ना, हम तो खैर इस तरह के फैन ही नहीं है जो टोटके पे वो करने लगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लोगों की लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन सुनिए सुनो एक बार सुनो मेरी, कल हम यहाँ पर बंगाल के जादू की बात कर रहे थे, बिग बॉस ने आज खुशी नहीं था वो बंगाल का जादू बनाकर भेज दिया। हाँ सच्ची में देखो ये चीज देखो आप, क्या 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 बोले मैम, हम लोग कल बंगाल के जादू वाली कल बात नहीं कर रहे थे, दोपहर को कर रहे थे, दोपहर को कर रहे थे, हाँ हाँ दोपहर वाली डिबेट में नजर और वो सबकी, हाँ हाँ वो देखो आज उन्होंने उसी हिसाब से उसको बना के सृजिता को नहीं बैठा दिया है, वो देखो प्रोमो, हाँ प्रोमो टाइप में। प्रोमो तो एस्ट्रोलॉजी टाइप का लगा मुझे थोड़ा बहुत, नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं कहेंगे उसको, बिल्कुल वो कहेंगे नजर बट्टू टाइप, नजर उतारने वाली। जो पॉइंट हम बोलते हैं अगले दिन में कुछ उसका रिफ्लेक्शन मेरे को टीवी में दिख जाता है हमेशा, उसी को समझदारी कहते हैं सर, हम मैच्योर्ड है ना, हमको पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे क्या होता है, हम डिबेट करते हैं ना सर, हमसे लगता है कि हमारे में कोई स्क्रिप्ट राइटर है बिग बॉस का, पता कौन है, हो सकता है शिव के लिए आप लोग लिख रहे हो इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। आप कैमरा ऑन करो ना भाई, एक साढ़े एक क्या बोलते हैं 1:30 होते ही आप बंद कर देते हो, कुछ खा रहे हो। अच्छा वो दूसरा आ रहा है जो वो एक कल ही आएगा कि वो भी उसका भी प्रोमो आया क्या वो विकास वाले का, या वो एक अकेली आएगी? अभी आया नहीं है, आएगा शायद थोड़ी देर में, या आ गया, प्रोमो तो काट दिया, प्रोमो आ गया शायद, उसका भी आ गया, आ गया। और मुझे तो मजा आ रहा है ये भी हम, मैम शिल्पा मैम ये भी हम लोगों ने पहले रिवील किया है ना, दोपहर को ये हम लोगों ने रिवील किया पहले, नहीं मैंने पहले किया। एक मिनट मुझे बोलने दोगे, एक मिनट जरा मैं बोल लूं, शिल्पा मैंने आज से 8 दिन पहले तुमसे कहा था सृजिता डे आएगी, उसकी बात तो गई है जब से वो तो जो लड़की जब से बोल रहे हैं लोग वो आएगी, लड़का लड़के की बात कर रहा हूं, हमने पहले कहा था कि सृजिता देखो ये लेके आएंगे, हाँ तो लेके आ गए ना गौतम भी आएगा। विजया मैम सृजिता की बात नहीं चल रही है, दूसरा बंदे की बात चल रही है, नहीं मैं सृजिता की बात कर रही हूँ, मैंने बहुत पहले कहा था विकास मानक तला, विकास विकास और निमेश तनेजा, इन तीनों का मैंने पहले ही बता दिया था, थोड़ा बीच बीच में बोल देती हूँ, विकास मानक तला उसमें से आ गया, विकास मानक तला इसको मैंने उसमें देखा झांसी की रानी वाले में, पॉपुलर फेस नहीं है वो, वैसे ऐसा ही है वो चलता फिरता ही, गंगाधर राव का किरदार निभाया था बस इतना सा पता है मुझे, मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है एक एक एपिसोड करके, पूरा नहीं देखा है। ये क्या है, ये क्या? अच्छा ये वो मैंने भेजा था जो मैडम वो दिखा रही है उनके, वो उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है 1 घंटे से 2 घंटे क्या चलेगा प्रियंकित वाल यार ये बहुत फनी था, मैंने मेरे पेट में दर्द हो गया देख देख के, हितेश इन्होंने टीम बड़ी लगा रखी है भाई, यानी कि
इन लोग क्या है भाई, अपना पैसा सारा इन्हीं टीमों पे ही खत्म करते हैं क्या ये लोग जाने से पहले? शिफ्ट लगा रखी है इन्होंने, दो दो घंटे की 5 शिफ्ट लगा रखी है, जैसे फैक्ट्रियों में होता है ना कि इस शिफ्ट में तुम काम करो, इस शिफ्ट में तुम काम करो। आप लोगों ने इतने सारे ग्रुप बना के रखे हो, हमें भी कभी इन्विटेशन भेज दो, हम भी जुड़ जाएंगे उस ग्रुप में। अरे ग्रुप पिन का है वो ग्रुप टेलीग्राम, टेलीग्राम वाला, टेलीग्राम पे क्या है, टेलीग्राम वाला है ना, बिग बॉस 16 डिसॉल्व करने वाली हूं मैं, टेलीग्राम वाला भी एमी है वो। टेलीग्राम ठीक नहीं है यार वो, मतलब उसमें हम लोग देख नहीं पाते, उसमें नोटिफिकेशन कम आते हैं, जल्दी जल्दी नहीं आते। बिग बॉस 16, बिग बॉस 16 प्रो, प्रो मैक्स, क्या क्या बना के रखे हो आप लोग? वो हमें नहीं पता। अरे वो वैसा ग्रुप नहीं है, वो तो शिल्पा मैम के अलग, वो टीम में वालों से बातें करती है ना। ओह माय गुडनेस, यू गॉट अ सोर्स। अरे शिल्पा रितेश सर, एमसी स्टैंड के बारे में कुछ बोलो। एमसी स्टैंड के बारे में सर बोला ना, बहुत सारा बोला और बोल देता हूँ। चलो आज आज लाइव में एक पॉइंट और आया था, एमसी स्टैंड ने एक लाइन बोला है आज, शिव ठाकरे को बोल रहा था वो के वो एक घोड़ा सा नहीं बन रहा क्या बिग बॉस के घर में, देखा होता आपने वो, तो वो हाँ वो बोल रहा था, वे पता नहीं क्या आपको पॉइंट चल रहा था, बोल रहा था मैं इस पे बैठ जाऊंगा और इस पे बैठे बैठे फिनाले में जाऊंगा मैं, देख लेना। तो शिव ठाकरे, शिव ठाकरे वो घोड़े की बात नहीं कर रहा था शिल्पा मैम, शिव ठाकरे वो वाला जो सोफा के ऊपर जो घोड़ा है ना उसकी बात कर रहा था वो। हाँ, ये घोड़े पे सो सो के लोग कैप्टन बन गए, यहाँ पे सोने से कैप्टेंसी मिलती है और यहाँ पे सो के तो ये मिलता है। तो वो कह रहा था मैं सो जीत जाऊंगा, इस घोड़े पे बैठ के मैं सो जीत जाऊंगा, उसके रिप्लाई में बोल रहा था। और वो मस्त एक चीज और, आज वो जिम कर रहा था, वो जिम कर रहा था वो, सुनो 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 लाइव फीड में, अरे कार्तिकी मैं बोला सुनो सुनो सुनो, अरे ये क्या हो रहा है आज आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। एमसी स्टैंड लाइव, वो लाइव में वो जिम कर रहा था, फनी जिम कर रहा था मस्त, शिव के साथ वो करता ही आजकल, वो सारी एक्सरसाइज कर रहा था वो, जैसे श्रीजीता नहीं करी थी पहले दिन आके, तो वैसे सब चीजें कर रहा था वो। तो बिग बॉस उसको बार बार बोल रहा, माइक पहले 10 बार बोला कम से कम बिग बॉस ने, एमसी स्टैंड माइक पहन लो, एमसी स्टैंड माइक पहन लो। तो एमसी स्टैंड कह रहा, अरे बिग बॉस मैं जिम कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ मैं माइक नहीं पहन रहा, मैं जिम कर रहा हूँ माइक। और पता क्या करता था एमसी स्टैंड, जब माइक पहन लेता था तो बोलता नहीं था, और जब माइक उतार लेता था तो बोलता था। और वो शालीन और शिव उसको बोल रहे हैं, अपन है ना बाहर मिलेंगे, अपन बिग बॉस खत्म होते बाहर चलेंगे, मिलेंगे 10 दिन के लिए घूमने चलेंगे अलग अलग। तो वो क्या कहता है, अरे कौन मिलेगा, पागल हो गया मैं, तुम बैठ जाते एक हफ्ते तो बुआ के साथ रहूंगा, एक हफ्ते बाद मिलना तुम मेरे से। तो वो फनी है, मस्त भी है, वो सब चीजें करता है, बट बिग बॉस है ना पता नहीं क्यों उनको उस चीजों को नहीं दिखाता, मुझे समझ में नहीं आता, सब चीजें करता है, टास्क कर ही रहा है, लाइव फीड कर रहा है, बातें कर रहा है, सब कर रहा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, सारे लोगों से डिस्कस भी करता है, वो सारा चीज काट ही नहीं रहे यार मेकर्स। उन्होंने बताया था ना, ये भी बोला है मैं गोली मार के आऊंगा, और वो किसी को ढूंढ रहा है पूरे घर में घूमता घूमता, शिव को बोला रुको देखो अभी मैं ढूंढ के आता हूँ, और वो घूम रहा है, अर्चना से भी पूछ रहा है, अरे वो सब चीजें कर रहा है, वो दिखाया ही नहीं बिग बॉस ने, बोला मैं गोली मारू, हाँ बोले 16 की 16 गोली मारूंगा, 16 की 16 गोली मारूंगा। सर सबसे बड़ा जो आपने सुनो बीड़ी मांग रहा है जेल में, बीड़ी मांग रहा है, अरे लाला बीड़ी दे बीड़ी लाला। सबसे बड़ा जोक मैं बोलता हूँ आज का लाइव फीड में, मैं जो देख रहा था थोड़ा बहुत, या कभी नॉर्मली एक दो दिन का लाइव फीड है वो, शालीन भानोत बोल रहा है कि मैं जब घर में घुसा था मेरा इतना बड़ा तोंड निकला हुआ था, वही जिम वाली एरिया में ही बोल रहा था, और बोल रहा था कि अभी मेरा देखो मैं 11 किलो अभी मैं लूज किया हूँ, और मेरे को फेब में मेरा एक अभी एक शो आने वाला है जिसमें कि मेरे को बच्चा दिखना है, और मैं बन जाऊंगा भाई, तो देखते रहना मैं यूं ही कर लूंगा, ऐसे ही नहीं पीता हूं मैं प्रोटीन, बोलता है उसको। और वो स्टैन और सीम एक दूसरे को देख के हंस लेते हैं, बहुत फनी था यार वो वाला सीन, बोला था वो स्टैन का, वो ऐसे कनेक्शन है
वो आंखों आंखों में बातें हो जाती है, आंखों आंखों में सब कुछ हो जाता है। अभी तक तो ये अफवाह फैल रही थी कि भाई बिग बॉस जो है बायस था, उस टीम के लोगों को कैप्टन बनाना चाहता था। अब ये नई चीज आई है, अब ये टास्क इसलिए डिजाइन किया है क्योंकि बिग बॉस अंकित गुप्ता को बैश करना चाहता था, उसको डांट फटकार लगाना चाहता था या कुछ भी। वो तो वैसे ही कर लेगा बिग बॉस उसको खड़ा करके। बिग बॉस ने टास्क से पहले कर दी थी उसकी बेइज्जती, एक मिनट करते हैं उसमें कौन सी बात है। अरे टास्क से पहले कर दी थी उसकी बेइज्जती तो सोफे पे ही कि भाई तेरे को कैप्टन बना है, कल से घर में कुछ नहीं हो रहा, तू कर क्या रहा है भाई, सो रहा है तू, क्या सो रहा है, सब सो रहे तेरे वजह से। तो बिग बॉस तो वैसे उसकी बेइज्जती कर लेता, वो पॉइंट ही नहीं है। जेनुइन भी सब भी सो रहा था। हां आशीष बहुत बढ़िया कर रहे हो मेरे भाई, म्यूट करके बहुत बढ़िया बोल रहे हो। अरे वो कमेंट कमेंट से ना वो घूम गया, एमसी स्टैंड पे थे अपन, थोड़ा उसकी और बात कर लेते। एमसी स्टैंड का एक पॉइंट और नहीं दिखाया जा रहा अभी, सुम्बुल और एमसी स्टैंड का बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा है घर के अंदर, और वो बिग बॉस क्यों नहीं दिखा रहा पता नहीं, इतना अच्छा बॉन्ड निभ रहा है ना उन दोनों का भी। वो उसकी चोटी बना रही है, वो उसकी केयर कर रही है, उसके साथ बैठ रही है, साथ में बेड शेयर कर रहे हैं, मतलब वैसे दिन भर बैठे रहते हैं वो साथ में, बड़ा बात करते रहते हैं, सब चीजें कर रहे हैं वो, मतलब बिग बॉस वो भी नहीं दिख रहा मेरे को समझ में नहीं आया फिर कैसे दिखेगा वो। नितेश जी जो लोग बोलते हैं ना वो मिसोजिनिस्ट है, आज सोफा पे बैठी हुई थी सुम्बुल और एमसी स्टैंड वहीं पर लेटा होता, गलती से ना एमसी स्टैंड का पैर लग गया, तो जैसे हमारे में लड़कियों के पैर लग जाता है तो ऐसे छूते नहीं है, तो ऐसे वो उसको छू रहा था, तो सुम्बुल कह रही क्या कर रहा है, तो वो कह रही तेरे ना पैर, वो बोला कि तेरे पैर लग गया है मेरे से, ये लोग बोलते हैं। बुबा ने धमकी दिया होगा बिग बॉस को कि दूसरी लड़कियों के साथ मत दिखाओ, इसीलिए नहीं दिखाते होंगे। फिर ऐसे तो वो टीना के साथ गले लगता है, ऐसे तो वो टीना के साथ बहुत गले लगता है फिर। नहीं सर ऐसे मजाक में बोल रहे हो, पॉइंट नहीं था ये, काउंटर देने आ जाते हो पहले मेरे को। जब से प्रतीक बोला हो तब से पीछे पड़े हो आप लोग। ये जो टेबल रखी हुई थी ना टास्क में, जो टेबल रखी हुई थी यहाँ पर बैठकर ये डिनर वगैरह भी कर रहे थे बाहर, वो भी सारा काट दिया बिग बॉस ने। और ये सिल्वर सिल्वर जैकेट पहन रखी थी ना आज के एपिसोड में एमसी स्टैन ने, इस जैकेट में तो उसने कल लाइव में इतना कॉन्टेंट दिया है, इतना हंसी मजाक करा है, इतनी बातें करी है सबसे, टीना के साथ सबके साथ, वो सारा काट दिया है एपिसोड में। उस बंदे की जीत देखो कहां पर है, मुझे देखो उसको मिसोजिनिस्ट कहा गया, उस सुम्बुल ने उसको गुंडा बोला, उसको उसने सुम्बुल ने बोला मेरे को उसके साथ नहीं रहना सालिन की लड़ाई में, और वो ही सुम्बुल आज उसकी केयर कर रही है, इससे बड़ी आदमी की क्या जीत हो सकती है सोचो आप, जो उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, उसको इवेक्ट कराना चाहती थी, वो आज उसके साथ सब चीजें शेयर कर रही है। मुझे ये लग रहा है कि इसीलिए इसका नहीं दिखा रहे हैं अभी, अभी इसलिए नहीं दिखा रहे, ये जो कचड़ा है ना, ये जो मतलब ये जो साजिद अंकित ये सब लोग को ना ये सारा हटा के फिर जाके इन लोग का कंटेंट दिखाना चालू करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। विजय मैम मैंने से नहीं सुना जा रहा है ये कचरा कचरा बोल। अब ऐसा है ना हितेश सुनो, क्या ही कर सकते, अब इनके लेवल पे जाके मैं वर्डिंग यूज नहीं कर सकती, ये मेरा क्लास नहीं है, बस खत्म बात। ये तो विजय मैम प्रियंका बन गई, अब बोले मैं बदतमीजी नहीं करूंगी, खत्म, मैं अब दू खत्म। तो चलो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। मैडम चार मिनट और ना, मैडम चार मिनट और, तीन घंटे हो जान दो, चार मिनट और कितने, चार मिनट। अरे बट वो मोहन जी को तो बोल लेते कुछ, वो मेरे को लग रहा है मोहन जी कुछ बोले ही नहीं, वो कोने में बैठे रह गए आज। अरे यार अंकित वालों से डरते हैं यार, क्या है क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बहुत बोला, ये सारे पॉइंट जितना है ना तो ठीक है। शिल्पा मैम को पूछिए, ये सारे मैंने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, ये विद्या मैम से और कम थे। सबसे बड़ी बात है जब से अंकित कैप्टन बना ना हमारे पास टॉपिक भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, अंकित कैप्टन बनने से टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बस और बेइज्जती कैप्टनशिप में कोई घर में इज्जत नहीं कर रहा है, तो इससे अच्छी कैप्टनसी और क्या चलेगी भाई साहब, कोई उंगली नहीं उठा रहा उसकी कैप्टनसी पे, शो बोरिंग हो गई है भाई। हितेश भाई नहीं, ऐसी क्या बोलते हैं उसको, बिग बॉस को कहने की मौका ज्यादा मिल रहा है, बिग बॉस मैम वो क्या बना था, संचालक संचालक ऐसी ऐसे संचालक मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है, जो कि इस टीम को जिताने के बजाय विनर डिक्लेयर करने के बजाय कार्य को रद्द कर दिया। मैं तो इस उम्मीद में बैठा था, मैं तो इस उम्मीद में बैठा था, देखो क्या बताए, अंकित को सपोर्ट करते हैं और बीच में बोलते हैं, अंकित को सपोर्ट करते हैं और बीच में बोलते हैं, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, आपको तो प्रियंका लिखना चाहिए मैडम। दूसरी टीम विनर हुई है, कार्य रद्द नहीं हुआ है, क्या हो रहा है,
कार रद्द नहीं हुआ है, दूसरी टीम विनर बनी है। हाँ तो रद्द ही हुआ है मैडम, अगला राउंड होने नहीं दिया ना बिग बॉस ने। कार्य ना रद्द ही हो गया था, फिर ये बिग बॉस ने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है कि इन पांच लोगों को जो है वो जेलर बनाते हैं, क्योंकि अगला राउंड करवाने का भी कोई फायदा नहीं था, अगर वो जीत जाते तब भी कार्य रद्द होता, समझ रहे हो ना आप। क्या करे शिल्पा मैडम, किसी को नहीं जिताया ना अपनी टीम में से, तो हम कितने देखो किसी को भी नहीं जिताया, दोनों बार उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर वैसे भी देखा जाता ना, अगर बिग बॉस राइट डिसीजन देता तो शिव ठाकरे की टीम जीती, क्योंकि एक राउंड तो था। मैं तो ये कह रही हूँ, नहीं क्या कर सकते हैं शिल्पा मैडम, शिल्पा मैम विजय मैम सुनिए ना एक मिनट, भाई सुन ले। हाँ ना अंकित समझ पाया वो टास्क को, ना अंकित के फैन समझ पाए वो टास्क को, हम करें तो करें ही क्या, बंदर के हाथ में अंगूर पकड़ा दिए। अंकित के फैन कार्तिक और क्या कहते हैं उसके प्रतीक जैसे के फैन नहीं है ना, समस्या तो यहाँ आ रही है ना। प्रतीक कहाँ से आ गया यार, इनको चश्मा भी चाहिए क्या, 16 चल रहा है यार। प्रतीक तो फिर भी टॉप टू में गया था, ये तो कटवा के गया है अपना, क्या पूल में एक लड़की आई पूल में डुबकी मारी और ये घर से बाहर हो गया, बताओ पता है प्रतीक क्या कर सकते थे। कार्तिक जी पता है आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपने नाम के आगे स्टैन लिख रखा है, समस्या यहाँ आ रही है। स्टैन तो ये देखो फिर से चश्मे की जरूरत है, मैं कार्तिक के साइड में हनी लिख रखा हूँ जो कि मेरा निकनेम है। अब हनी हनी बोलते बोलते मुझे ही शुगर हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो प्रतीक ही बोल देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कम से कम कड़वा तो मुंह रहेगा थोड़ा। आज तो बीपी की गोली की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, शुगर की नहीं। मेरा बीपी लो होता है, मेरा हाई होता ही नहीं है। विजय मैं एक बात बताओ, इतने ये जब से बोल रहे हैं अंकित ने टास्क रद्द करवाया, टास्क रद्द करवाया, आप ये नहीं बोल सकते कि प्रतीक ने कौन सा टास्क जितवाया, उसने भी तो रद्द ही करवाए थे सारे। पूरा सीजन टोटल सीजन निकाला रद्द रद्द रद्द, बिग बॉस खुद सरेंडर हो गया आखिरी में। पारस छावड़ा ज्यादा अच्छा नहीं कराए थे, पारस छावड़ा ज्यादा नहीं कराए, पारस छावड़ा ने बहुत कराए थे रद्द टास्क, उसने कोई टास्क होने ही नहीं दिया। अब आप रहने दो विजया मैम, अब वो आपके ये ऐसे फैल है जो कि अपने वकील को सजा सुना देंगे ये लोग। नहीं 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 नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जिसमें झूठ बोलने कौन सी बात, पारस छावड़ा ने रद्द कराए थे टास्क भाई, हद है। प्रतीक जैसा नहीं, प्रतीक जैसा नहीं, वो तो प्रतीक में इतने जुलुम जो हो रहे थे, प्रतीक तो वो बर्दाश्त कितना करता था। प्रतीक तो इसी मुद्दा में रहता था, काम लोगों इसी में नहीं, हर जितने भी उसने रियलिटी शोज किए सब में उसने लूजर ही वाला वो बोलते ना, देखो देखो बोल कौन रहा है। हाँ तो खैर लूजर तो बना है, विनर विनर ये देखो विनर मराठी, अगर गवाह के सामने हो विनर लूजर बना है। प्रॉब्लम क्या होती है शिल्पा, हम लोग पता है इन खिलाड़ियों को छोड़ के हमारी आपस में हम लोग एक दूसरे को डिबेट करने लगते हैं, जैसे कि हम ही खेल रहे हैं। आपके हमारे दिल में आपके लिए जो जगह है ना मैम, वो कोई अंकित नहीं, कोई प्रियंका नहीं, कोई नहीं हटा सकता। आप हम आपको जितना रेस्पेक्ट देते हैं मैम, वो कोई नहीं दे सकता। ये मेरी छोड़ो खिलाड़ियों को क्या है, ये तो यहाँ पे इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, आते जाते रहते हैं, इनको छोड़िए मैम। आप बताइए कोई साउथ इंडियन लड़की यूपी में रहती है क्या, जिसको मैं शादी कर सकता हूं, आप ये बताइए। मस्का लग गया विजय में, मस्का लग गया। साउथ इंडियन इधर नहीं है कार्तिक जी, ये बताओ जरा। कार्तिक जी आप तो शादी कर लो। अरे कौन मैं, नहीं सर विजय मैम, अब आप रिश्ते ढूंढो, सिंगल हूं। नहीं इधर कहां है शिल्पा, अपनी तरफ कहां है साउथ इंडियन, कहां है वो, तो हॉस्टल वगैरह में लड़कियां पढ़ने भले ही आती हैं, आईआईटी में आती हैं, इधर मेडिकल में आती हैं। कार्तिक जी हमारे दिल्ली में बहुत मिलेंगे हॉस्पिटल्स में। थैंक यू हितेश भाई फॉर हेल्पिंग मी। अथर भाई वाला कॉल। हाँ हाँ ब्रेकअप ये लाइव एंड करके भी कर सकते हैं। नहीं दिखा अब्दू, आज नहीं दिखा लाइव में। अब्दू को हो क्या गया आजकल, लेकिन अब्दू कैसे गुस्सा करता है आजकल शिव के ऊपर। एक चॉकलेट निकाल के खाने से, स्टैन ने चॉकलेट निकाल के खाया, उसने झाड़ दिया इसको, साजिद को बोला कि निमृत का बर्थडे आने वाला है, मैं उसके बर्थडे के लिए छुपा के रखा हूँ करके। हाय हाय तेरा प्यार, इसे कहते हैं असली प्यार, इसे कहते हैं असली प्यार।
खा जाएगी निमृत उसको बेचारे को। अंकित जैसा नहीं है, बस की बात है। निमृत को मालूम है, निमृत को एक शब्द कोई बोल देगा ना तो कोई बोले ना बोले अब्दू जरूर उसे खुन्नस खा लेगा, और तगड़ी वाली खुन्नस खाता है फिर वो। हाँ बहुत बेचारा प्रियंका तो खैर हरकत जैसी करती है उसकी, तो क्या ही बात करें। प्रियंका ने तो उसको, प्रियंका से तो देखो उसको आपको पता है उसकी खुन्नस क्या है अपनी चीज पे, घी वाले मैटर पे, किसी को भी याद होगा तो उसको सबसे बड़ी खुन्नस ही घी वाले मैटर पे। उसने प्रियंका को नॉमिनेट किया था ना पहली बार, यही बोला था प्रियंका ने ना अंकित को घी देने से मना करा था मेरे को रोटी देने पे, तो उसको उस बात से गुन्नस है आज तक प्रियंका की। और वो पॉइंट बनता भी है देखो यार, वो तो बहुत गंदा पॉइंट था यार, आपको जब तक तो कोई मैटर ही नहीं था, क्या ही फर्क पड़ता था यार, ये लोग क्या छोटी छोटी चीजों पे। और हितेश भाई ये चीज ना, ये देखो अभी अब्दू जो है वो 19 इयर्स का है, ठीक है, जो कि टीनेज में है, और एक टीनेज लव जो होता है ना उसको छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है, जो चीज को अर्चना ने बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जानबूझ के उससे बहुत सारे काम भी करवा रही है और उसके इमोशंस के साथ भी खेल रही है। मेकर्स भी ना उसको ना मैं बोलूं तो ध्यान नहीं दे रहे, जैसे सुम्बुल को तो कितना बोला गया है ना, मुझे बहुत सारे समझाना चाहिए। और वीकेंड के बाद में सलमान भी कभी मतलब उसको ये नहीं बोल रहे कि क्या व्हाट हैपेंड अब्दू, वेयर इज निमृत एंड ऑल दैट, क्योंकि दिन भर निमी निमी चलता रहता है ना, तो कभी उस पे लाइमलाइट डाल दिया जाए तो शायद निमृत सुधर जाए या फिर उसको बोल दे या रहते कुछ लेकिन भी हो। डिफरेंस है सर, वो ऑब्सेस नहीं है ना वहाँ पे, उसके अलावा वो और लोगों के साथ भी तो बात करता है, सब चीजें करता है, हंसाता भी है, सब चीजें भी तो करता है, तो करता है, एक ही चीज नहीं करता ना वो, सॉफ्ट कॉर्नर बोल तो एक ही चीज करती थी। हितेश मैं मुझे नहीं बताऊं साजिद से, और ये साजिद का कोई काम धंधा नहीं है क्या, जब देखो तब वो सुम्बुल को बैठा के शालिन के बारे में पूछता रहता है हर दूसरे घंटे में सर। नहीं नहीं, जब तक कुछ करती है तभी मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये वो उसका जो राशन वाला टास्क था इसके अंकित का, वो नहीं दिखाया गया, कौन सा राशन वाला टास्क, कल ये सत्ता वाला टास्क था, राशन टास्क आज हुआ है जो हमें कल देखने को मिलेगा, कल दिखेगा। समझदार लोगों के साथ बैठ के देखो सर आप, राशन टास्क आज हुआ है कल देखने को मिलेगा हमें। अच्छा हितेश ये बताओ, ये निमृत इनसे साजिद जी से किस बात पे खफा थी जो रो रही थी, उसको बाप रे बाप इतना बड़ा ड्रामा था, नहीं दे रहा टाइम, टाइम नहीं दे रहा उसको खुद। मैडम बात ऐसी थी, मैडम बात ऐसी थी कि जब कल अर्चना ने उसको चार बातें सुनाया था ना, वो जब समझा रही थी ना तो समझ के जो वापस आई थी, वापस आने के बाद उसको वो बातें शेयर करने के लिए कोई मिला नहीं, तो इसलिए एफ वर्ड यूज करके ना सबको बोला फक यू ऑल एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर बोल के ना ड्रामा कर रही थी, और थोड़ा सा अपना एक्टिंग स्किल्स की शो कर रही थी कि भाई मैं, ये तो मेरे को बहुत गलत ऑन द फॉल्ट लगता है उसका, वो गाली बकती है ना जो डिप्रेशन का नाम लेके, भगवान का तो मेरा सोचता है बहुत गंदा मन करता है, ये कौन सी बकवास है भाई, डिप्रेशन में आप गालियां बक रहे हो, डिप्रेशन आदमी चुपचाप बैठता है उल्टा, तो गालियां बक रही है तो डिप्रेशन के अंदर। साजिद ने बोल तो दिया कि तुम्हें इतनी बात करने का मन करता है तो दीवार से कर लो कि कर लिया करो मिरर में देख के, कोई दूसरा थोड़ी ना सुनने बैठेगा, वो तुम तो मुंह पे बोल रहा था, बोल रही हूं साजिद जितना बोलता है ना वो बंदा वैलिड बोलता है, और उसने उसको बोला कि तुम नॉमिनेशन में आ गई हो मुझे लगा इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, उसने तो बोला फिर और रोई है वो, इसीलिए और रोई है वो, और इसी चीज और इसी भड़क गई मैडम, वो इतना सच बोल लेता है ना कि बिग बॉस परेशान हो गए उससे, इसीलिए उसके पीछे ने गुंडे छोड़े तीन, टास्क में ने छोड़े बिग बॉस ने, जो टास्क में साजिद ने पॉइंट उठाया ना वो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे फेवर में जाए नहीं रहा तो तुम खेलो ही मत ना। और ये लोग की इतनी फटती है, और ये लोग की इतनी फटती है ना, साजिद जो टास्क में जो चीज बोल रहा था शिव ठाकरे ने बोला, जैसे ही बोला ना साजिद वहां से निकल के चला गया, बोला कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, ये लोग एक दूसरे को देख के ना मतलब शर्म, मतलब थोड़ा सा खौफ है भाई, किस चीज का डर है भाई तुम लोग को, क्या देख रहे हैं उसमें, वो भी तुम जैसे कंटेस्टेंट हो, वो भी वैसे कंटेस्टेंट है, शिव मूवी देगा ना वो बार बार नहीं, मूवी भी तो देगा ना, कार्तिक भाई मैं एक बात बोलू, साजिद अगर उसका ऊपर ये एलिगेशन नहीं होता ना तो साजिद पहले बात तो यहाँ आता ही नहीं था, और अगर आ भी जाता ना तो इनका बैंड बजा देता सबकी, वो तो पहले बात स्टैंडर्ड कॉमेडियन, सही बात है, बैंड बजा, बाहर तो देखो, बाहर देखो अभी फारा खान क्या बैंड बजाती है बिग बॉस वालों की, ये तो उन्होंने भी देखा होगा, और क्या उसका क्या रोल होगा वो भी देखो, वो भी कोई कम हस्ती नहीं है, पहुंची हुई चीज है वो भी,
नहीं बजाएगी, नहीं बजाएगी। अरे इनके शामिल है भाई, एंडोमॉल में शामिल है वो, नहीं बजाएगी। अच्छा ये कमेंट ले लेती हूँ, एक एक नजरिया ये भी हो सकता है, ये तो हम देख बिग बॉस बायस तो है, हर बार ऐसे टास्क डिजाइन करता है जिससे प्रिय और अंकित को सिंपैथी मिल जाए। आई मीन हर टास्क ऐसे डिजाइन किया है, अब हम लोग यही सोचते रहते कि आखिर टास्क डिजाइन किस तरीके से हुआ है। सिंपैथी कहाँ मिल जाएगी, सिंपैथी क्यों मिलेगी? क्या है कि प्री की टीम को सिंपैथी मिल ही जाए और ओपोनेंट विलन एग्जाम मिल तो रही है, लोग बोल तो रहे हैं कि टास्क कैसे डिजाइन हुआ है, क्योंकि 6 vs 1 कर दिया बिग बॉस ने। ये बिग बॉस की हिस्ट्री में, ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहला टास्क होगा जो कि टास्क भी कंप्लीट हो गया, विनर भी डिक्लेयर हो गया, उसके बाद दोनों टीम ना बिग बॉस को कोस रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये उनके लिए हुआ था, वो बोल रहे ये इनके लिए हुआ था। और जिसने विनर डिक्लेयर किया उसको खुद नहीं पता, वो खुद बोल रहा है कि ये टास्क उन लोगों के लिए डिजाइन हुआ, इसीलिए मैंने इन लोगों को जीता है। भगवान मेरे को एक बात बताओ, मैं सोना चाहता हूँ। ये लोग बोलते हैं वो दूसरा मंडली वाला ग्रुप बायस है, मेरे को बताओ अगर वो बायस होता तो आज अंकित कैप्टन बनता? क्योंकि अंकित को कैप्टनसी करने के लिए तो उन्होंने किया ना, चूज किया ना उसने, निमृत ने, प्रियंका को उसने चूज किया, शालिन को। अगर वो बायस होते तो ये होते ही नहीं आज, पहले तो सुंबुल निकलती नहीं, तो ऐसा ना, वो निमृत हां नहीं समझ पाई ना, निमृत गंदे वाले कपड़ों को नहीं कर रही थी, वो साफ वाले कपड़ों को कर रही थी। अरे कौन से कपड़ों पे जा रहे हो आप, कपड़े नहीं गिरा मैं, प्रियंका जीत रही थी, प्रियंका जीत रही थी। अरे मैडम पॉइंट तो सुना करो, इसलिए बोलता हूँ आप लोग सुना करो फिर बोला करो, पूछ जाते हो। मैं कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर वाले टास्क में नॉमिनेट हुआ था अंकित, जब भी तो वो कल टास्क कर रहे थे तो हेलीकॉप्टर वाले टास्क में निमृत ने तो चूज किया था उनको फेयर खेल के, अगर वो अनफेयर खेलती तो अंकित को नहीं चुनती, ना प्रियंका को चुनती, ना शालिन को चुनती, ध्यान है ना आपको। इसीलिए बिग बॉस अंदर बुला के अभी उसको दिया ना बत्ती, मुहूर्त बन के इन लोगों के हाथ में, जो तुम सच्चाई के मुहूर्त बन के ऐसे ऐसे लोगों को अगर तुम कैप्टन की दावेदारी बनाओगे और ये सब करोगे तो भुगतोगे और बाहर का रास्ता दिखाई भी देगा तुम लोगों को, तो तभी ये लोग बोले ना कि नहीं 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 चाहिए करें। उस टास्क में भी निमृत अनफेयर हुई थी क्योंकि शालिन और टीना एक ही उसके अंदर गोल्ड डाल रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं उस चीज का प्रिविलेज भी मिला था कि उसको सेकंड राउंड में भी जो है निमृत ने जिता दिया था कि इसकी जो है जो भी वहां पर, लेकिन वो समझी नहीं थी ना उस चीज को, वो समझी नहीं थी उस पॉइंट को कि उसने एक बार तो कैंसिल कर दिया लेकिन दूसरी बार फायदा हो गया ना। जो ऑलरेडी चला गया है तो उसके ऊपर कुछ भी डालोगे तो वो ज्यादा ही दिखेगा ना, वही तो वो गलती कर रही लोगों ने, समझ ही नहीं रही है चीजों को। आज का टास्क जो बोलते हैं ना इस साइड के लिए उस साइड के लिए, ये तो मैं कहूंगा भाई इनको फिर टास्क के बारे में कोई समझ ही नहीं है। आज का टास्क तो 100,000% ये पूरा एक तरफा था अंकित की तरफ, उनका अपने बेबकी की वजह से टास्क हारा है अपने, अगर एलिगेशन लग रहा है जो भी है, लेकिन बिग बॉस की तो जीत गए लेकिन इज्जत बा इज्जत ही भरी नहीं हो पाए, वो दाग लग गया जीत के बाद भी, नहीं तो वो ज्वेलरी जीत सकता था। ठहराना सही नहीं है ना, नहीं नहीं कार्तिक जी वो जीते नहीं है, बिग बॉस ने उनको इसलिए अभी तक अभी नॉमिनेट वो मतलब कैप्टनसी के लिए हितेश भाई चूज रखा है। सही बात है, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, मुझे एक बात बताओ यहाँ पर विनिंग ये लोग कैसे हो गए, ये जो पुलिस वाली जो टीम थी वो विनिंग कैसे हो गई, दो रद्द हुए एक में उन्होंने जीता, वही मैं बता रहा था, मैं समझ गया, यही बता रहे हैं वो, यही बता रहे हैं, आपने कहा मैं समझ गया, मैं कुछ और समझ गया था, बोलिए 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 सर, नींद नहीं पूरी हुई, नींद पूरी नहीं हुई। एक्चुअली शिल्पा मैम मेरे को ना यहाँ से हटा के ना ऊपर रख दो ना, एक्चुअली अंकित वाली वाइब्स आ रहे हैं ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा मैं बगल में हूँ इसलिए, कार्तिक जी मेरी संगत में आ जाओगे तो अच्छी लड़की भी मिल जाएगी और बढ़िया जीवन साथी के साथ जीवन बिताओगे, वरना आईडी बैडी टैडी मिलेगी, चिंता मत करो, आशीर्वाद लेते रहो। मैडम सुनिए ना, साउथ इंडियन हूँ, अभी मार्केट रेट ना 25 लाख चल रही मेरी, समझ रहे हो, मैं फिर भी डिनाई पे बैठा हूँ, नहीं करूंगा क्योंकि चेकिंग में आप ऐसी जॉब कर रहे हैं इसलिए चल रही है कार्तिक जी, ये हमारे यहाँ भी चल रहा है, कार्तिक जी आप बिकाऊंगे क्या? कौन मैडम वो बिकाऊ की बात नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ ये लोग यहाँ ऐसे सोच है इन लोग की
कि जब वो बेटी दे रहे हैं ना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ साउथ में ऐसे करता छोड़ो, है छोड़ो वो कहा चल जाएगी डिबेट। नहीं 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 बता नहीं जरूरी है सर। अरे नीचे ऑफेंड हो जाएगा कोई, ऑफेंड हो जाएगा नीचे कोई, मुझे पता है ऐसे क्या होता है, हम मांगते नहीं है वो देते हैं। हाँ ये ऑफेंड हो जाएगा नीचे से कोई, अभी मेरे को पता है यहाँ पे हो चुकी है दो तीन घटनाएं ऐसी। एक दिन तो विजय मैम ने कुछ बोल दिया था, वो मराठी कुछ और बोलना चाहती थी वो, लेकिन वो नीचे मराठी आ गए थे ज्वाइन करने मियाँ बीबी, ये कैसे बोल दिया वो कैसे बोल दिया, तो यहाँ ऑफेंड भी हो जाते हैं लोग। अच्छा, तो छोड़ दो उनके, तो मैं लाइव एंड करने के बाद बताऊंगा। मैं लाइव एंड ही कर दूंगी फिर कार्तिक जी, मैं लाइव। अरे आप लोग इंस्टाग्राम शेयर कर लो एक दूसरे के। चलो अब ना लाइव, ये थर्जी ना बस आते ही ग्रुप बनाने के, इनको पता नहीं ग्रुप क्यों बना ये इंस्टाग्राम सर मेरे पास एक किटी पार्टी की ग्रुप है, ज्वाइन करना चाहोगे आप? बिल्कुल, मैं तो इस बार ज्वाइन करा दे। एक्टिव हुई नहीं दोनों पर भी इतना बिग बॉस के लिए जितना लॉकअप और 14 वगैरह के लिए थी ना, एक्टिव 15 के लिए हुई नहीं इस बार। तो मन करता तो डाल देती अपडेट, नहीं मन करता तो यही पे भूल पा के करता। सबकी बात लोग वैसे नहीं आ रहे ना, कंपटीशन टाइप का नहीं हो रहा है, मतलब डिबेटर आ उन्हीं चैनलों पर जा रहे जहां उनके फेवरेट्स की डिबेट हो रही है, इसलिए कॉमन चैनलों पे जैसे हम लोग के यहाँ कोई दूसरे फेवरेट वाले घुसते नहीं है यहाँ पे। इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, इसका आंसर यह है कि जो आते हैं तो उनकी मर्डर हो जाती है, वो जिंदा नहीं बचते वापस कहीं भी डिबेट करने लायक, पहली बात, क्योंकि उनके पास वैलिड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट्स नहीं होते, जब कोई वैलिड पॉइंट्स के साथ आता है हम उनको इज्जत देते हैं। अब जब लोग एक बात बोल के उसी बात को मैंने नहीं बोला जब बोल देते हैं ना, तो हमें आती है 220 वोल्ट की करंट और हम स्टार्ट हो जाते हैं फिर, है ना, आपने ऐसे कैसे बोला, आपने अभी अभी बोला, फिर डिनाई कर गए, फिर ये फिर वो, फिर वो लोग जानते हैं भाई बोल फटाफट में जा रहे हो तो किताब में लिख के ले लो, फिर देख देख के बोल लो, अदरवाइज ना ही बोलो तो ही बेहतर है। हमें तो सबसे अच्छे मोइन भाई लगते हैं अपना, जहां भी वो पहले से आ जाते हैं शिल्पा के साथ, और पूरे मतलब पूरी उसकी एपिसोड की पहले ही अपने पॉइंट रख लेते हैं, फिर आराम से हम लोग की इधर सुनते हैं, जब कभी मन हुआ बीच में बोल दिया, नहीं मन हुआ नहीं बोल दिया, सबसे अच्छे भाई है। सबसे पहले घर पे दिन में बोला था मैं आया था, छुट्टी मेरा टाइमिंग अभी भी निकलने का टाइमिंग भी लेट हो रहा है, क्योंकि मेरा सुबह 8 बजे का ड्यूटी है, और अभी यहाँ रेस्ट कीजिए आप 12 बज गए, आपके यहाँ 12 बज रहे हैं, हमारे यहाँ तो 2:30 बज चुका है। मैम सुबह सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, फ्रेश होना है, फिर तैयार होना है। सऊदी अरब होगा 2-2.5 घंटे का रास्ता, वही गैप है सऊदी अरब दुबई, सऊदी में 2 घंटे का फर्क थोड़ी है। चलो कितने का भी आप चेक करो वो जब घूम गया। अरे वो अच्छा ओला लूप है, ओला लूप क्या जब हम ये कह रहे हैं पूछ लो डायरेक्ट, सब चुप है जी। देखिए सऊदी है, आप सऊदी सही बोला, सऊदी में ही थे। चलो आज का लाइव सेशन मैं ऑफ कर रही हूं, कैसे मैम 3:16